सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज चैप्टर नंबर फोर कौन सा है? द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू करेंगे। उससे पहले सारे लोग इसको देख लीजिए एक बार, इम्पॉर्टेंट है, इसको सारे लोग एक बार देख लीजिए, आपके मतलब की चीज़ें हैं, इसको एक निगाह एक बार देख लीजिए, जो मदद करेगा आप लोगों को आने वाले टाइम में, थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करेगा, उससे लेकर के अन्य चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसे एक बार हम लोग लास्ट में दोबारा से भी सम अप कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। सभी का वेलकम है ना। तो सभी को फिर से एक बार भारत माता की जय। जय हिंद सभी को। हम लोगों ने ऑलरेडी तीन चैप्टर्स को देख लिया है। पहला चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप एनसीईआरटी का, सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, और थर्ड चैप्टर जो है आपका जो है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, ये तीन चैप्टर देख लिया है। तो अब आपके बोर्ड में जो चौथा चैप्टर है आपका हिस्ट्री का, वो है एनसीईआरटी हिस्ट्री में क्लास 10 में, वो है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो चलिए आज हम लोग इसको भी नॉन स्टॉप ख़त्म करेंगे, ठीक है। समझ लेते हैं क्या क्या है, लाइन बाय लाइन डिटेल में समझेंगे कि लिखा क्या है, तभी जा कर के हॉट्स एंड डॉट्स जो क्वेश्चन है आप लोग कर पाएंगे, या केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप लोग कर पाने में सक्षम होंगे, ठीक है। जहाँ ज़रूरत होगा ज़रूर पूछिए, ठीक है। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो पिछला चैप्टर जब आप लोग पढ़े हैं कि जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल नेशंस जहाँ पर कि मास प्रोडक्शन हो रहा है, और मास प्रोडक्शन की वजह से वहाँ के लोगों का जो इनकम बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक हो रहा है, तो इंडस्ट्रीज़ अपने आप पर कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं, इंडस्ट्रीज़ के आने की वजह से क्या मतलब सोशियो फैब्रिक या सोशियो इकोनॉमिक है ना, या आपको चेंज होता है आपको पूरे वर्ल्ड भर में, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब भी बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उद्योग जो है वो आपको है ना, वो उद्योग आपका जैसे फैक्ट्री है, कई तरह के प्रोडक्शंस हो रहे हैं, तो वो आपका दिखता है, ठीक है ना। तो समझते हैं, चैप्टर बहुत आसान है, दादी नानियों की कहानी, पंचतंत्र की कहानी, चाचा चाची लोग सुनाते हैं ना, तो अगर कोई कहानी आप समझ जाते हो तो फिर उसमें कहीं से क्वेश्चन करिए, वो क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर सकते हो। जैसे मार्वल कॉमिक्स के हम लोग फैन है ना, तो मार्वल कॉमिक्स का कोई भी आपको फ्रेंचाइजी का मूवी आता है तो हम लोग कैसे याद रहता है, तो वो बता, हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो ही ना। तो इसी तरह आप यहाँ पर बस कहानी समझ लीजिए, एकदम इंग्लिश में समझिए, यानी अपने मातृभाषा में भी समझिए या इंग्लिश में भी है तो दोनों लैंग्वेजेस में समझिए मिला करके, एक बार समझ लिया तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम इसे इनलार्ज करते हैं ताकि आप लोग देख पा रहे होंगे। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस पोस्टर को ध्यान से देखिए, ठीक है ना, इस पोस्टर को ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है। डॉन ऑफ द सेंचुरी, ये सब पब्लिश किया गया था ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी के द्वारा, न्यूयॉर्क इंग्लैंड में, ईयर है 1900। चलो आते हैं, लाइन बाय लाइन देखते हैं। 1900 की बात करें, पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर हुए है ना ईटी पॉल, इन्होंने प्रोड्यूस किया एक म्यूजिक बुक दैट हैड ए पिक्चर ऑन द कवर पेज अनाउंसिंग द डॉन ऑफ द सेंचुरी, है ना। यानी एक ईटी पॉल म्यूजिक पब्लिशर है, उन्होंने एक म्यूजिक बुक को प्रोड्यूस किया है जिसका कवर पेज का जो पिक्चर था वो अनाउंस करता था, दिखाता था डॉन ऑफ द सेंचुरी, ठीक है। अब ये डॉन ऑफ द सेंचुरी क्या है, इसके बारे में बेहतरीन तरीके से समझते हैं। फिगर वन देख रहे हैं, यहाँ लिखा है डॉन ऑफ द सेंचुरी, ठीक है, देखते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द इलस्ट्रेशन, जैसा कि आप झलक से देख पा रहे हैं, इस इमेज को देख पा रहे हैं, एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर इज गॉडेस लाइक फिगर। अगर आप सेंटर ऑफ द फिगर देखें
ये मैडम को देखिएगा तो इसका कुछ इमेज गॉडेस लाइक है ना, देवी जैसा प्रतिरूप है। द एंजल ऑफ प्रोग्रेस इन्हें बोला गया, ये एक परी हैं, एक गॉडेस हैं जो प्रोग्रेस को डिनोट कर रही हैं, है ना, यानी विकास को, सतत विकास जैसे कह सकते हैं प्रोग्रेस को। अच्छा, बियरिंग द फ्लैग ऑफ द न्यू सेंचुरी, इनके हाथ में देखो एक न्यू सेंचुरी का फ्लैग है, इनके ही साथ में देखिए न्यू सेंचुरी का फ्लैग है। फिर शी इज़ जेंटली पर्च्ड ऑन ए व्हील विथ विंग सिम्बलाइजिंग टाइम, ये देखिए ये एक व्हील पे खड़ी है जिसे डिनोट किया जाता है एक टाइम के तौर पर, यानी अब समय बदल रहा है ना। तो एक व्हील पे खड़े होने का मतलब होता है कि व्हील फास्ट चलेगा, समय को दर्शा रहा है कि अब वो समय गया, एक मॉडर्न एज में आ रहे हैं, ठीक है। हर फ्लाइट इज टेकिंग हर इन टू फ्यूचर, जो ये फ्लाइट है मतलब ये जो लगे हुए हैं पंख लगे हुए हैं, ये इस व्हील में लगा हुआ है, इसका मतलब ये दिखाया जा रहा है कि अब इनका जो जो ये फ्लाइट है, ये जो उड़ान है, ये इनको भविष्य में ले जा रहा है, यानी मॉडर्न युग में लेके जा रहा है। अच्छा, फ्लोटिंग अबाउट बिहाइंड हर, देखिएगा इनको ये उड़ते हुए इनके पीछे कुछ साइंस को दिखाया गया है जो कि विकास को के प्रतीक है, साइन ऑफ प्रोग्रेस है। कैसे, जैसे देखिए पीछे क्या क्या दिख रहा है आपको, रेलवे कैमरा मशीन प्रिंटिंग प्रेस फैक्ट्री, है ना। देखो रेलवे, रेलवे है, कैमरा है ना, ये रहा कैमरा, प्रिंटिंग प्रेस है ना, फिर मशीन्स हैं दुनिया भर के, कार है। तो ये जो पीछे में आप देख रहे हो ये सारे आपको एडवांस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है ना, उसके सिंबल्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, कि भाई अब इंडस्ट्रीज आ रही हैं। तो उस पूरे इमेज का मतलब समझ गए ना कि एक इमेज बहुत कुछ कह रहा था। अच्छा, दिस ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इवन मोर मार्क्ड इन ए पिक्चर विच अपीयर्ड ऑन द पेजेस ऑफ ट्रेड मैगजीन ओवर 100 ईयर अगो। ये जो ग्लोरिफिकेशन है, ग्लोरिफिकेशन का मतलब होता है कि जो इनको मतलब जय जयकार इनकी की जा रही है, खूब बढ़ा चढ़ा के जो दिखाया जा रहा है अच्छे सेंस में, मशीन्स और टेक्नोलॉजी का जो इतना प्रेज हो रहा है ना, ये हम देखते हैं कुछ और ट्रेड मैगजीन्स जो 100 साल पहले छपे थे, है ना, उनके ऊपर भी कुछ छपा हुआ है, दो तीन दो इमेज हम उसमें भी देखते हैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन और टेक्नोलॉजी। कैसे, इट्स फिगर टू में देखिएगा, अभी आएगा अगले पेज में, इट शोज टू मैजिशियंस, दो मैजिशियंस के बारे में दिखाया जाएगा दोनों इमेजेस में। द वन एट द टॉप इज अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट हु बिल्ट ए ब्यूटिफुल पैलेस विथ हिज मशीन लैंप, है ना। दो जादूगरों मैजिशियंस को दिखाया जाएगा। देखो ये दोनों ट्रेड मैगजीन का पोस्टर, इसमें ये है अलादीन और ये है आपका वेस्ट को दिखाता है, एक वर्कर है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। अभी अलादीन के बारे में बात करें तो इसके हाथ में ये जादुई लैंप है जिसको रब करता था तो जिन आता था और जिन उसकी इच्छाओं को पूरा करता था, याद होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या दिखाता है, द वन एट द टॉप इज अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट। ओरिएंट क्या होता है, अब इसको बॉक्स में देखिए, ओरिएंट ये कंट्रीज हैं जो ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन, है ना, मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में जो कंट्रीज होती है, मैप पर देखिएगा, यूजुअली रेफरिंग टू एशिया, यानी एशिया को डिनोट करता है ना ओरिएंट। द टर्म अराइजेज आउट ऑफ ए वेस्टर्न व्यू पॉइंट दैट सी दिस रीजन ए प्री मॉडर्न, यानी ये टर्म कहाँ से लाया गया है, ओरिएंट, ये वेस्टर्न व्यू पॉइंट है, पश्चिमों का, पश्चिम सभ्यता वाले ईस्ट यानी एशिया को लेकर के उनका एक विचार होता था, है ना, ओरिएंटल नॉलेज, यानी ओरिएंट ये एक एशिया वाले हैं जो कि प्री मॉडर्न है, आधुनिकता से बहुत दूर हैं, बहुत परंपरावादी हैं और बहुत रहस्यमयी हैं, क्योंकि है ना इनके यहाँ अभी मतलब हम लोग को बैकवर्ड मानते थे ये लोग। तो अलादीन जो है, एक फ़ोटो में देखिएगा कि अलादीन है जो कि ओरिएंट क्षेत्र से बिलोंग करता है, मेडिटेरेनियन के ईस्ट से, और उसने एक ब्यूटीफुल पैलेस बनाया है अपने मैजिक लैम्प के सहायता से। और देखिए मतलब इन लोगों के द्वारा हम लोगों को थोड़ा सा डिग्रेड या डीमोटिवेट करने वाला बात,
द वन एट द बॉटम इज मॉडर्न मैकेनिक। अच्छा, ये जो आप नीचे देख पा रहे होंगे ये मॉडर्न मैकेनिक है, ये भाई साहब है ना, हु विथ हिज मॉडर्न टूल्स वीव्स ए न्यू मैजिक, जो अपने मॉडर्न टूल्स यंत्रों के सहायता से एक नया जादू क्रिएट करता है। ये जादू क्या क्या है, ब्रिजेस बनाता है, शिप बनाता है, टावर्स बनाता है, हाई राइज बिल्डिंग बनाता है, यानी अपने यंत्रों के सहायता से, जो मशीन्स के सहायता से, दिख रहा है। जबकि अलादीन जो है वो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है अलादीन, ईस्ट और पास्ट को, यानी ईस्ट नेशन यानी एशिया और पास्ट यानी जो अभी पुराने समय में ही जीने वाले ये लोग हैं एशिया के। जबकि मैकेनिक स्टैंड करता है वेस्ट यानी पश्चिम को, जो कि अपने आप को बड़ा एडवांस मानते हैं, है ना, यूरोप वाले और अमेरिका वाले, और मॉडर्निटी बहुत आधुनिक है हम, मतलब ये लोग वेस्ट वाले खुद को मानते हैं। चलो, दीज इमेज ऑफर अस ए ट्रायम्फ अकाउंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ये इमेज हम लोग को क्या प्रदान करता है, एक जीतता सा अकाउंट, है ना, सही, मतलब एक होता है ना मॉडर्न वर्ल्ड किस तरह का होगा उसके बारे में हम लोग को अलग तरीके का तस्वीर पेश करता है। विद इन दिस अकाउंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अगर आप देखें इस पूरे हम लोग चैप्टर को पढ़ें तो जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो बहुत तेज़ी से आपको टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से आपको बदला है ना, जो आज का आधुनिक जो दुनिया है ना वो आपको एसोसिएटेड है, मतलब साथ में तेज़ी से बदला है। किस चीज़ को लेकर के, टेक्नोलॉजिकल चेंज है, टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है, इनोवेशंस है, मशीन्स हैं, फैक्ट्री हैं, रेलवे है, स्टीमशिप्स, यानी ये सारे जो हैं, जो मशीन, फैक्ट्री, रेलवे, स्टीमशिप, या ये सारे आपको बनाए गए ताकि और बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन किया जा सके, है ना, मार्केट को और मार्केट बेस कर दिया गया आपको, इंडस्ट्रियल बेस मार्केटों को कर दिया गया, तो वर्ल्ड इससे बहुत प्रभावित हुआ है और बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ है इन सब चीज़ों के बनने से। द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दस बिकम सिंपली ए स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप इतिहास देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन का, है ना, औद्योगिकीकरण का, तो आपको दिखेगा एक स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की एक कथा का। एंड द मॉडर्न एज अपीयर्स एज ए वंडरफुल टाइम ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। और जो मॉडर्न एज आया है, आज का समय, आधुनिक समय जो आया, वो हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस प्रोग्रेस जो हुआ है उसकी वजह से आया है। यानी हम कभी कैसे डेवलपमेंट करते थे या प्रोडक्शन करते थे, जब टेक्नोलॉजी आता है तो फिर उसके प्रोडक्शन में अंतर आता है और हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल होता है, तो धीरे धीरे जा कर के हमारे यहाँ पर जो एक जो ए मॉडर्न एज का कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। टेक्नोलॉजी हर जगह देखिएगा, वर्ड टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का मतलब है यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ज़बरदस्त रहा है मॉडर्न एज में, है ना, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे 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 जाके आपका चेंजेस हुआ है। आइए आगे देखते हैं। अच्छा चलो देख लेते हैं, पहले इधर देख लेते हैं। दीज इमेज एंड एसोसिएशंस, ये जो इमेज दिखाए गए हैं या एसोसिएशंस दिखाए गए हैं, है ना, हैव नाउ, देखो एसोसिएशन कहाँ पर, एसोसिएशन का मतलब देखो दो तीन लाइन ऊपर चलो, है ना, ये देखो एसोसिएटेड, ये जो लिखा है ना एसोसिएटेड विद दिस अकाउंट मॉडर्न वर्ल्ड एसोसिएटेड, साथ ही साथ एसोसिएट किससे है, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और इनोवेशंस। देख रहे हैं, बहुत तरह का खोज हुआ, बहुत तरह का यांत्रिक परिवर्तन हुआ, है ना, तो ये जो इमेज है या जिस तरह का एसोसिएशंस रहा है, हैव नाउ बिकम पार्ट ऑफ पॉपुलर इमेजिनेशन, अब ये लोगों की कल्पना का एक पार्ट हो गया कि अब और किया जा सकता है टेक्नोलॉजी में, और एडवांस हम लोग हो सकते हैं। डू यू नॉट सी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज ए टाइम ऑफ प्रोग्रेस एंड मॉडर्निटी, क्या आप लोग नहीं देखते हैं कि जो ये बहुत त्वरित तुरंत में जो औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रीज जो लगाई गई वो एक समय को दिखाता है, समय विकास को, प्रोग्रेस और आधुनिकता को दिखाता है।
डू यू नॉट थिंक दैट द स्प्रेड ऑफ रेलवेज एंड फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग एंड ब्रिजेज इज ए साइन ऑफ सोसाइटी डेवलपमेंट? क्या समाज का विकास के तौर पर क्या हम नहीं देख सकते हैं कि रेलवे जो चारों तरफ फैली फैक्ट्रीज लगाए गए, हाई राइज बिल्डिंग ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई गई या ब्रिजेस बनाए गए, इससे समाज भी कहीं ना कहीं विकसित होता है? हाउ हैव दीज इमेजेस डेवलप, कैसे ये इमेजेस डेवलप होते हैं एंड हाउ डू वी रिलेट टू दीज आइडियाज, और कैसे हम इन सबको से इन सारे जो विचार हैं उससे अपने को रिलेट करते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलवेज बेस्ड ऑन रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्या हमेशा इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्योगिकीकरण यानी जितने भी उद्योग हैं क्या वो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हर बार रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से ही आता है या औद्योगिकीकरण सिर्फ त्वरित जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसी वजह से होता है? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि इस पर आंसर आना है अभी। कैन वी टुडे कंटिन्यू टू ग्लोरीफाई कंटिन्यूस मैकेनाइजेशन ऑफ ऑल वर्क, है ना? क्या हम कैन वी टुडे कंटिन्यू, क्या हम आज भी जो सारे कामों का जो मैकेनाइजेशन यानी मशीनों का इस्तेमाल शुरू हो गया है उसको हम लोग ग्लोरीफाई यानी अपीज या प्रेज या प्रशंसा कर सकते हैं? व्हाट हैज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन मेंट टू पीपल्स लाइफ, लोगों के जीवन से इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह जुड़ा हुआ है, क्या मतलब निकलता है? इन सारे सवाल और जवाबों को हम लोगों को देखना होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का इतिहास क्या है, है ना? इस चैप्टर में हम लोग यही देखने वाले हैं कि हम लोग ब्रिटेन के जो हिस्ट्री है उस पर फोकस करेंगे। पहला कि वो पहला इंडस्ट्रियल नेशन बना क्योंकि 1750 पर उस के समय में सबसे पहले इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में लगाई गई, उसके बहुत बाद इंडिया में वेयर द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज वाज कंडीशनड बाय कॉलोनियल रूल, यानी इंडिया में जो पैटर्न लगाए गए इंडस्ट्रियल चेंज की गई भारत में या इंडस्ट्रीज जो लगाए गए वो पूरी तरह से कॉलोनियल रूल के शर्तों के अनुसार लगाएंगे, यानी कंडीशन यानी शर्तें। कॉलोनियल रूल कौन, जो ब्रिटिश हमारे यहाँ पे जो रूल कर रहे थे उनके शर्तों के आधार पर हमारे यहाँ भी इंडस्ट्रीज लगाई गई या जो हमारे यहाँ ऑलरेडी हुआ करते थे फैक्ट्री तो उसमें भी चेंजेस किया गया, है ना? ये तो अपने ही मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे। चलिए टॉपिक नंबर वन पे पहले आते हैं। बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, थोड़ा बड़ा कर देते हैं आप लोग को दिखेगा। चलो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले, है ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति के पहले क्या था? ऑल टू ऑफन वी एसोसिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री, हम लोग हमेशा इस चीज़ को ऐसे देखते हैं, हम लोग कभी कभी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को एसोसिएट कर देते हैं कि फैक्ट्री इंडस्ट्री होगा तो वही इंडस्ट्रियलाइजेशन है। यानी जब भी हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन तो सोचते हैं कि दुनिया भर के फैक्ट्रीज हैं और ये फैक्ट्रीज कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रही हैं और इसी वजह से ये एरिया जो आपको इंडस्ट्री है, ठीक है? आज के समय में यही दिमाग में आएगा, इंडस्ट्री देखो तो कारखाने दिखेंगे। तो व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वी रेफर टू एज फैक्ट्री प्रोडक्शन, जब भी हम लोग ये बात कहते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है तो हम लोग को दिमाग में जो पहला हिट करता है वो यही हिट करता है कि देखो फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, है ना? और यही प्रोडक्शन को हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कह देते हैं। अभी वो आगे क्लियर करेगा कि क्या ऐसा होता है। चलो व्हेन द टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स बी मेंट फैक्ट्री वर्कर, यहाँ भी यही सीन है, इंडस्ट्रियल वर्कर बोली तो फैक्ट्री वर्कर समझ आता है। हिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी ऑफन बिगिन विद द सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री, अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिस्ट्री देखें तो वेरी ऑफन बिगिन विद द सेटिंग अप, तो अगर हम लोग देखें अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के इतिहास को तो हम लोग देखते हैं कि पहली फैक्ट्री जब सेटअप की गई तब से इंडस्ट्रियलाइजेशन का नींव पड़ा है। चलो देयर इज़ ए प्रॉब्लम विद सच आइडिया, लेकिन ये जो हम लोग सोचते हैं ना इंडस्ट्रियल वर्कर फैक्ट्री वर्कर है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फैक्ट्री प्रोडक्शन है, है ना, यानी या इंडस्ट्री सोचते हैं तो वो फैक्ट्री है, तो ये जो विचार है ये थोड़ा सा इसके साथ थोड़ा समस्या है। क्या है? Even before factories began to dot the landscape in England and Europe, factories से factory है ना, factories लगने से बहुत पहले, है ना,
या है ना, इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगैन टू डॉट, यानी इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रीज लगने से पहले देयर वॉज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर इंटरनेशनल मार्केट। यानी फैक्ट्रीज जब यूरोप और ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में लगने से बहुत पहले प्रोडक्शन होता था, आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो भी होता था इंटरनेशनल मार्केट के लिए, और लार्ज स्केल पे बहुत बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था इंटरनेशनल मार्केट के लिए। अब इसको ध्यान से समझिए कि अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने कहा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब फैक्ट्री प्रोडक्शन। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब फैक्ट्री प्रोडक्शन है तो फैक्ट्री अगर नहीं होगा तो इंडस्ट्री भी नहीं होगी, इसको यही समझिए। लेकिन तब क्या, जब फैक्ट्री ही नहीं हुआ करती थी लेकिन तो भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए मास प्रोडक्शन होता था, है ना, लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो भी होता था। कैसे, देखो, दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज के ऊपर निर्भरता वाली बात ही नहीं है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है तो फैक्ट्रीज होगी। मेनी हिस्टोरियन नाउ रेफर टू दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो, जब फैक्ट्रीज प्रोडक्शन नहीं करती थी या फैक्ट्रीज नहीं होती थी जिस समय में, उस समय का जो भी प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था उसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर कहा जाता था। प्रोटो का मतलब, यहाँ देखो, द अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग, देखो, इंडिकेटिंग फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का प्राथमिक स्वरूप, यानी उस समय में है ना शुरुआत हुई होगी, बाद में चल करके धीरे धीरे और अन्य चीज़ें उनसे जुड़ती चली गई। यानी हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज के सेटअप ना होने से पहले हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखते थे, लेकिन वो एक छोटा रूप में हुआ करता था, ठीक है ना, उसका अलग ही स्वरूप हुआ करता था। अब जैसे एक छोटी सी बात आप लोग को समझाते हैं कि मान लो कई यहाँ पे मान लीजिए 600 साल पहले बनारस में, मान लो सपोज करने को बोला कि 600 साल पहले बनारस में कोई फैक्ट्री नहीं हुआ करती थी कि सिल्क की साड़ी बनाई जाए, मतलब फैक्ट्री पर, है ना, पावर लूम नहीं होते थे जहाँ पर सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं। तो यहाँ पर क्या होता कि परिवार जो बुनकर या वीवर परिवार है या सिल्क की साड़ी का काम करने वाला है, वो अलग अलग घरों में स्मॉल स्केल यूनिट्स बना रखा है, जो अपने घरों में ही अपने या अपने घर के मेंबर्स के साथ मिलकर के प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है ना। और ऐसे 100 परिवार हैं पूरे बनारस भर में उस समय में हुआ करते रहे होंगे जो सिल्क का काम करते थे, है ना। तो इसे कहा जाता था कि सिल्क की साड़ी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो भी होता था। क्यों? क्योंकि उस समय फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट ना हुआ, घरों में ही बना रहे हैं लेकिन उसका व्यापार हो रहा है। जैसे भदोही जगह है, वहाँ पे कारपेट इंडस्ट्री है, यानी कालीन को बुनने का काम करते हैं। अब वहाँ पे फैक्ट्री लग गया है, लेकिन वहाँ पे सदियों से कारपेट बनाए जाते थे घरों में ही, तो वो इंडस्ट्री हमेशा से थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो कहीं कोई कारखाना नहीं है मुंबई में, यानी उस बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग मुंबई में रहते हैं, मिलते होंगे और एक यूनिट बन करके फिल्म बनाते हैं, है ना। तो फैक्ट्री तो ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री किसी भी रूप में हो सकती थी। चलो आगे समझते हैं। इन द 17th और 18th सेंचुरी मर्चेंट्स फ्रॉम द टाउन्स इन यूरोप, देख रहे हैं, मर्चेंट फ्रॉम द टाउन्स ऑफ यूरोप बिगैन मूविंग टू द कंट्री साइड। अब देखो, कंट्री साइड जा रहे हैं, देहातों में जा रहे हैं, शहरों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं मर्चेंट्स, यूरोप के टाउन्स को छोड़ छोड़ के मर्चेंट जो शहरों के होते थे वो गांव साइड से जा रहे हैं। अच्छा, क्या करते थे ये गांव जा करके, सप्लाइंग मनी टू पीजेंट एंड आर्टिजन, पीजेंट और आर्टिजन्स जो हैं उनको पैसे देते थे, परसुएड देम टू प्रोड्यूस फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट, और उनको परसुएड करते थे, उनसे बात करके उनको मनाते थे कि भाई मेरे लिए प्रोडक्शन करो, ठीक है ना। मेरे लिए का मतलब हुआ कि वो फिर ले जाके इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्शन को भेजता था, समझिएगा, गांव में जा करके ये पैसा देते थे और उनको परसुएड करते थे कि हम प्रोडक्शन करो इंटरनेशनल मार्केट के लिए, तुम भी मुनाफा कमाओ हम भी मुनाफा कमाएंगे, ठीक है। अब जैसे देखो, विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, जैसे जैसे वर्ल्ड ट्रेड बढ़ता चला गया, एंड द एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज, और नए नए कॉलोनीज गुलाम बनाना शुरू कर दिया यूरोपियन पावर्स ने दूसरे दूसरे कंट्रीज़ को इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो कॉलोनीज डेवलप हुई,
है ना, किसी ना किसी का उपनिवेश बना। द डिमांड फॉर गुड्स बिगैन ग्रोइंग, यानी जो वस्तुओं का डिमांड जो था वो और ग्रो करना शुरू कर दिया, मतलब और बढ़ना शुरू हो गया वस्तुओं का डिमांड, है ना। जैसे ब्रिटेन भारत को अपना कॉलोनी बनाया और यहाँ से खूब सारा गुड्स निकाल निकाल के ले गया ब्रिटेन अपने यहाँ। बट मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपैंड प्रोडक्शन विद इन टाउन। ये जो मर्चेंट्स कंट्री साइड क्यों आते थे, क्योंकि टाउन्स में इनके लिए बड़ा मुश्किल होता था कि अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड कर सकें। दिस वॉज बिकॉज हियर अर्बन क्राफ्ट एंड ट्रेड गिल्ड्स वेयर पावरफुल। ये इसलिए होता था, ये टाउन्स में इसलिए सक्सेस नहीं कर पाते थे मर्चेंट्स जो यूरोप के, क्योंकि वहाँ पर अर्बन क्राफ्ट होते थे या ट्रेड गिल्ड्स होते थे, है ना, जो कि बहुत ताकतवर होते। ट्रेड गिल्ड या अर्बन क्राफ्ट्स का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कारपेट उद्योग है टाउन में, कारपेट उद्योग के 50 दुकान हैं, 200 दुकान है, मान लीजिए 200 दुकान है, ठीक है। ये अपना मिल करके एक एसोसिएशन बना रखे हैं कि वो गिल्ड, जिसको गिल्ड बोला गया है ना, या क्राफ्ट अर्बन क्राफ्ट्स बोला गया, ताकि कोई नए प्लेयर को घुसने ना दे, ठीक है, कारपेट उद्योग में किसी नए प्लेयर को घुसने ना दे। तो ये जो बड़े बड़े जो अर्बन क्राफ्ट और ट्रेड गिल्ड्स है ना, व्यवसायिक समूह, ये ना मर्चेंट्स को अपने यहाँ प्रोडक्ट शहरों में प्रोडक्शन करने ही नहीं देते थे ना बेचने देते थे। तो दिक्कत ये होता था कि मर्चेंट फिर इसीलिए वो कंट्री साइड गए ताकि वहाँ पर जो आर्टिजन है, पीजेंट है, उनसे प्रोडक्शन करवाएं तो उसको ले जाके बाहर विदेशों में बेचें, इंटरनेशनल मार्केट में बेचें, ठीक है। दीज वेयर एसोसिएशंस ऑफ प्रोड्यूसर, देख रहे हैं जो ट्रेड गिल्ड्स हैं उसके लिए बोले कि एसोसिएशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट ट्रेंड क्राफ्ट्समैन। ये जो ट्रेड गिल्ड्स हैं ना, ये अर्बन क्राफ्ट हैं, ये एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स होते थे ना, मैन्युफैक्चरर्स होते थे शहरों में। ये क्या करते थे, अपने यहाँ के वर्कर्स को ट्रेन करते थे ताकि वो उसके हाथ में कोई स्किल आए, क्राफ्ट पीपल को ट्रेन करते थे, मेंटेन करते थे ताकि ओवर प्रोडक्शन ना होने पाए, जिससे कि सबका माल बिक सके। शहरों की बात हो रही है, ट्रेड गिल्ड्स की बात हो रही है। रेगुलेटेड कंपटीशन, कितना हद तक कंपटीशन होना चाहिए और कितनों को हम आने दे सकते हैं शहरों में, ठीक है, या प्राइसेस कितना होना चाहिए उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, यानी वस्तु का, और रिस्ट्रिक्ट करते थे कि ताकि नए लोग आ करके है ना इनटू द ट्रेड, यानी नए लोग इसमें ना आए जिससे कि कंपटीशन और बढ़े या प्राइसेस गिरे, है ना। तो वो कंट्रोल करते थे ये ट्रेड गिल्ड्स या अर्बन क्राफ्ट पीपल, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो मर्चेंट होते थे ना, वो गांव में जाते थे, कंट्री साइड जाते थे, ताकि वहाँ पीजेंट और आर्टिजन को इसीलिए वो हिट करते थे, मतलब पैसे देते थे और परसुएड करते थे कि मेरे लिए प्रोडक्शन करो, हम इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे, तुम भी मुनाफा कमाना, मैं भी कमाऊंगा। अच्छा, रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड द मोनोपोली। देख रहे हैं, जो भी रूलर्स होते थे उस समय के शासक, वो क्या करते थे, जो जितने भी ये एसोसिएशन है ना, प्रोड्यूसर्स के एसोसिएशन जिन्हें गिल्ड बोला गया, उनको मोनोपोली दे देते थे। मोनोपोली का मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट, यानी एकाधिकार। किस बारे में, राइट टू प्रोड्यूस, सिर्फ तुम ही कर सकते हो प्रोडक्शन शहरों में, या तुम्हारे द्वारा जिनको इजाज़त मिलेगा बस उतने ही लोग कर सकते हैं प्रोडक्शन, और ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, या तुम्हारे अलावा, या तुम जिसको कहोगे सिर्फ वही लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को में ट्रेड कर सकेगा, यानी सब लोग नहीं कर सकते या कहीं बाहर से कोई लोग नहीं आएगा, है ना। तो ये रूलर्स इजाज़त देते थे ट्रेड गिल्ड्स को। चलो, इट वॉज देयर फॉर डिफिकल्ट फॉर न्यू मर्चेंट टू सेटअप बिजनेस इन टाउन। इसीलिए तो देखिए, जो मर्चेंट्स थे बेचारे, उनको टाउन्स में, शहरों में अपना बिजनेस सेटअप करने में बहुत दिक्कत होता था, इसीलिए वो कंट्री साइड चले जाते थे। चलिए, इन द कंट्री साइड, अब देखो गांव में, देखो देहात वाले एरिया में, देखो जो पुअर पीजेंट्स हैं या आर्टिजन्स हैं, है ना, जो छोटे छोटे काम करते हैं, ये मर्चेंट्स के साथ काम करना इन लोगों ने शुरू कर दिया, वर्किंग फॉर मर्चेंट्स। एज यू हैव सीन इन द टेक्स्ट बुक लास्ट ईयर, दिस वॉज द टाइम वेन ओपन फील्ड वेयर डिसअपेयरिंग एंड कॉमन्स वेयर बीन अनक्लोज्ड। यानी आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से पीजेंट फार्मर हैं या फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनलिज्म है, या देखना होगा, हालांकि ये पढ़ा हुआ था चैप्टर, जहाँ पे ओपन ब्रिटेन में ओपन फील्ड, कॉमन फील्ड, है ना, इसका एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो ओपन फील्ड वो हुआ करता था जिसमें ब्रिटेन के, मतलब जैसे जो भी कैटल हर्डर है,
या मान लीजिए जो भी पुअर पीजेंट है वो फ्रूट बेरीज जाके चुन सकता था ओपन फील्ड में से, अपने कैटल्स को ग्रेज करा सकते थे, तो वो ओपन फॉर ऑल था, है ना। और इसके अलावा वेयर डिसिप्लिनिंग और कॉमन फील्ड था, वो था कॉमन ही, लेकिन इस कॉमन को इनक्लोज करना शुरू कर दिया गया। कॉमन फील्ड भी हुआ करते थे, जैसे कुछ लोगों के कॉमन फील्ड हुआ करते थे जिसमें लोग आ जा सकते थे, लेकिन उसको भी ना अब इनक्लोज करना लोग शुरू कर दिए, यानी वहाँ पे बाड़ा लगा करके बोलना शुरू कर दिया कि अब ये हिस्सा मेरा, इसमें कोई इन दखल नहीं देगा, तो इनक्लोज करना शुरू कर दिया, है ना। तो कॉमन फील्ड जो था वो इनक्लोज होना शुरू हो गया, ओपन फील्ड का कॉन्सेप्ट डिसअपियर, गायब होना शुरू हो गया ब्रिटेन में, तो उससे भी कहीं ना कहीं अब समस्या आने वाला था। तो कॉटेजर जो हैं, कॉटेजर आपका काम करने वाले कॉटन वगैरह का, है ना, एंड पुअर पीजेंट्स हु हैड अर्ली डिपेंड ऑन कॉमन लैंड फॉर देयर सर्वाइवल। देखो कॉटेजर और जो पुअर पीजेंट है वो पहले जो डिपेंडेंट थे टोटल कॉमन लैंड्स पर, जिस पर कि वो अपना मतलब कोई भी काम ले सकते थे कॉमन लैंड से अपने जीविका के लिए, है ना, वहाँ से फायरवुड चुन सकते थे जलाने के लिए लकड़ी, या खाने के लिए बेरीज, वेजिटेबल्स, हे, भूसा वगैरह, स्ट्रॉ, है ना। अब वो तो ख़त्म हो गया, कॉमन लैंड वाला कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो गया, तो कॉटेजर और पुअर पीजेंट के लिए अब समस्या शुरू हो गया। अब वो अल्टरनेटिव सोर्सेज को देखना शुरू कर दिए कि अब कहाँ से इनकम आएगा, क्योंकि कॉमन लैंड तो अब ख़त्म हो रहा है, उसको बाड़ा बंद कर रहे हैं बड़े बड़े लोग, तो अब इनकम कहाँ से आएगा। अच्छा, ये कॉटेजर और पुअर पीजेंट हैं, इनके पास छोटे छोटे लैंड्स होते थे जो इतना नहीं हो पाता था कि उस परिवार के सारे मेंबर्स का काम उससे चल जाए, है ना, या उतने लोग उस पर आके काम करें। अगर उस इतने लोग वहाँ पे आके काम करते तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, कि मतलब वहाँ पे अगर चार लोगों की ज़रूरत से भी काम हो जाता तो वहाँ आठ लोग लगाने का मतलब नहीं है, है ना, अब पूरा भी नहीं पड़ता था पूरे परिवार के लिए। सो व्हेन मर्चेंट्स केम अराउंड एंड ऑफर्ड एडवांसेस टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर देम, तो जब मर्चेंट्स गांव में आए और उन्होंने ऑफर किया कि हमसे एडवांस लो और उनके लिए वस्तुओं को निर्माण करो, यानी प्रोड्यूस गुड्स फॉर देम, पीजेंट हाउस होल्ड्स ईगरली एग्रीड। तो जो किसान थे जो घरों में रहते थे गाँव में, वो तुरंत से मान गए कि चलो भाई इसी से पैसा कमाया जाए। तो बाई वर्किंग फॉर द मर्चेंट्स, है ना, जो पीजेंट वर्क कर रहे हैं मर्चेंट्स के लिए, दे कुड रिमेन इन द कंट्री साइड। अब वो अपने घरों में ही रह सकते हैं, अपने ही विलेज में ही रहेंगे, एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट देयर स्मॉल प्लॉट्स, और अपना जो छोटा छोटा स्मॉल प्लॉट्स है ना उसको भी आप जोत दो, उसको भी आप कल्टिवेट करो, ठीक है ना, कल्टिवेट करो छोटे छोटे प्लॉट को जो तुम्हारे पास है, इसके साथ अल्टरनेटिवली तुम मर्चेंट्स के लिए भी काम करो, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन। तो जो प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी प्रोटो यानी अर्ली फॉर्म ऑफ, यानी कुछ वस्तुओं का जो निर्माण है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब समझिए कि जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो पीजेंट्स प्रोडक्शन करने वाले थे, तो उसकी वजह से जो उनका जो इनकम श्रिंक हो रहा था ना, यानी इनकम जो कम होते जा रहा था कल्टीवेशन, सिर्फ कल्टीवेशन से तो उनका होने वाला नहीं था, खेती से, है ना, तो वो कुछ मर्चेंट्स के साथ अगर प्रोडक्शन करते तो उससे उनका इनकम और बढ़ेगा। इट ऑल्सो अलाउड दे ए फुलर यूज़ ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेज, और इसमें ये भी कर सकते थे कि जहाँ छोटे प्लॉट में वो अपने पूरे परिवार को काम नहीं करा सकते थे, ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, तो जो मर्चेंट्स आ रहे हैं उनके लिए प्रोडक्शन करने के लिए वो अपने पूरे परिवार को एज ए लेबर रिसोर्स के तरह इस्तेमाल कर सकते थे, और ज़्यादा पैसा एज ए इनकम मर्चेंट से भी प्राप्त करते, और दूसरे तरफ तो कल्टीवेशन चल ही रहा है। चलो देखो क्या क्या है, हम एक चीज़ देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ये तो मेरा चैनल हो गया। कॉटेजर ए पर्सन लिविंग इन ए कॉटेज, ए कॉटेजर इज ट्राइंग टू सॉल्व हिज ड्रेनेज प्रॉब्लम इनटू ए पर्सन लिविंग इन ए कॉटेज। अच्छा, मैंने कॉटन के लिए बोला है तो उसको थोड़ा सा बदल दीजिएगा, है ना, यहाँ पर एक सुधार कर लीजिएगा,
जो कॉटन का काम करने वाले नहीं, जो कॉटेज में रहते थे और जो गरीब किसान हुआ करते थे, किसान आपको गांव में, उनके लिए है कि उनका डिपेंडेंसी कॉमन लैंड्स पर हुआ करता था अपने सर्वाइवल के लिए, तो वो चुनते वगैरह थे फायरवुड, बेरीज, वेजिटेबल स्ट्रॉ एंड हे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे उनकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। अच्छा, विद इन दिस सिस्टम ए क्लोज रिलेशनशिप डेवलप बिटवीन द टाउन एंड कंट्री साइड। देखो, मर्चेंट जो कंट्री साइड आकर के लोगों को, पीजेंट्स को, है ना, आर्टिजन्स को जो परसुएट कर रहे हैं कि मेरे लिए प्रोडक्शन करो, इसकी वजह से हो क्या रहा है कि एक क्लोज रिलेशनशिप, एक निकट संबंध दिख रहा है शहर का और कंट्री साइड का, क्योंकि शहरों से आ रहे हैं मर्चेंट और कंट्री साइड में है वहाँ पर मौजूद है आपके जो ये पीजेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। मर्चेंट्स वर बेस्ड इन टाउन्स बट द वर्क वॉज डन मोस्टली इन कंट्री साइड। मर्चेंट क्या करते थे जो प्रोडक्शन के लिए, वो टाउन से ही अपना ये करते थे, ऑपरेशंस करते थे, लेकिन जो प्रोडक्शन जो होता था वो कंट्री साइड में ही, यानी गांव तरफ में ही, आपको शहरों से बाहर ही होता था, ध्यान रखिएगा। जैसे एक मर्चेंट क्लोदियर इंग्लैंड का, वो परचेस करता था वूल किससे, वूल स्टेपलर से, है ना, जो वूल अलग अलग करता है, ध्यान से देखिए, ये हो गया स्टेपलर, ए पर्सन हु स्टेपल और सॉर्ट्स, यानी अलग करना, अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर, हर फाइबर के अनुसार अलग अलग किया जाता है, है ना। तो किससे खरीदता है, एक मर्चेंट जो कि इंग्लैंड का एक कपड़ा का व्यवसायी जो है, वो परचेस करता था वूल स्टेपलर से, वूल परचेस करता था, उसके बाद उसे कैरी करके ले जाता था स्पिनर्स के पास, जहां यार्न थ्रेड वाज स्पन एंड वाज टेकन इन सब्सिक्वेंट स्टेजेस फॉर प्रोडक्शन, यानी धागा वगैरह बनाया जाता था, वूल स्टेपलर है, वूल स्टेपलर के बाद उसे स्पिनर के पास ले जाता है, जहाँ पर उसका धागा बनाया जाता था, फिर उसके बाद बुनकर के पास ले जाता है, वीवर के पास, वीवर से के पास प्रोडक्शन का एक अलग स्टेज होता, बुनकर के पास होते हुए फिर फुलर के पास जाता। फुलर क्या करता, देखो, ए पर्सन हु फुल्स दैट इज गैदर क्लॉथ बाई प्लीटिंग, है ना, पीट पीट करके उसको सही करना, उसको फुलर बोलते हैं, दैट इज गैदर क्लॉथ बाई प्लीटिंग, है ना, और देन टू डायर्स, उसके बाद रंग रोगन के लिए, कलर करने के लिए कपड़े को ले जाया जाता था, देख रहे हैं ना। तो कहाँ किसके किसके पास गया, जो इंग्लैंड का मर्चेंट है वो पहले वूल खरीदा स्टेपलर से, वूल स्टेपलर से खरीदा, फिर उसको स्पिनर के पास ले गया जहाँ पे धागे बनाए गए, फिर उसके पास उसको ले जाया गया वीवर के पास जो उसने कपड़ा बुना, फिर उसके बाद फुलर के पास ले गए जो उसकी पिटाई कर करके, मतलब डंडे से पीटा जाता है, तो उसको ठीक किया, उसमें से जो भी अलग करना हो, फिर उस कपड़े को रंग करने के लिए, डाई करने के लिए ले जाया जाता जहाँ उसे कलर किया जाता था, देख रहे हैं इतनी चीज़ें। अच्छा, द फिनिशिंग वॉज डन इन लंडन, फिर इसको फिनिश किया जाता था लंडन में इस कपड़े को, बिफोर एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड द क्लॉथ इन इंटरनेशनल मार्केट, है ना, इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचने से पहले मर्चेंट क्या करता था कि इतने प्रोसेस से होने के बाद उसे लंदन में फाइनली उसे फिनिश किया जाता था, जो भी फिनिशिंग है, ब्रांडिंग करना है, चाहे जो भी, लंदन को इनफैक्ट कहा जाता था, फिनिशिंग सेंटर भी बोला जाता था, यहाँ पर क्लॉथ के फाइनल जो फिनिशिंग है वो की जाती है, है ना, तो ये किया जाता था। अच्छा, द प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है ना, वाज दस पार्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज। अगर हम देखें प्रोटो यानी अर्ली फॉर्म ऑफ जो इंडस्ट्रियल सिस्टम, यानी उस समय जिस तरह से मैन्युफैक्चर होता था, इंडस्ट्रीज़ के आने से पहले या फैक्ट्रीज़ के लगने से पहले, जो उस समय में जो इंडस्ट्रियल सिस्टम होता था, वो उसमें हम ज़्यादातर देखते हैं कि पार्ट ऑफ नेटवर्क और कमर्शियल एक्सचेंज, यानी कमर्शियल एक्सचेंज, यानी एक जगह से सामान को दूसरे जगह भेजा जा रहा है, ताकि एक प्रोसेस यहाँ हुआ, दूसरे जगह पे दूसरा प्रोसेस, तीसरे जगह पे तीसरा प्रोसेस, चौथे जगह पर, तो ये कमर्शियल एक्सचेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। फैक्ट्री में क्या होता है कि सारे प्रोसेसेस एक ही जगह हो जाएंगे आपके फैक्ट्री के अंदर ही। अच्छा, उस समय की ही बात करें, इट वाज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स, देखो इसमें कौन नियंत्रण करता था, इट वाज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स एंड द गुड्स वेयर प्रोड्यूस्ड बाय वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, है ना, यानी मर्चेंट कंट्रोल करते थे, लेकिन जो वस्तुएं हैं, गुड्स हैं, उसको प्रोड्यूस करते थे एक वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स,
है ना, जबरदस्त मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे हैं। अच्छा, वर्किंग विद इन देयर फैमिली फार्म्स, यानी अपने फैमिली फार्म पर प्रोडक्शन कर रहे हो, ना कि फैक्ट्री में, अपने फार्म में ही मर्चेंट के द्वारा दिए गए टास्क के आधार पर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ना कि फैक्ट्रीज में। ध्यान दीजिएगा, हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर 20 से 25 वर्कर्स एम्प्लॉयड किए जाते थे ईच मर्चेंट के द्वारा। सोच लो, आप जैसे देखे ना, कपड़ा बना तो वूल स्टेपलर से लिया, फिर वीवर को भेजा, फिर फुलर को भेजा, फिर डायर्स को भेजा, तो हर एक स्टेज पर 20 से 25 वर्कर को काम पे रखता था मर्चेंट। दिस मेंट दैट ईच क्लोथियर वॉज कंट्रोल्ड 100 ऑफ वर्कर्स। यानी इसको देखो कि अगर एक एक लेवल पर इतने हैं, तो सारे स्टेजेस को पूरा करने में 100 ऑफ वर्कर्स को एक एक मर्चेंट कंट्रोल करता था, उसको वर्क देता था, है ना। तो ये भी इंडस्ट्रियल और प्रोटो इंडस्ट्रियल का पार्ट है ना। अलग अलग जगह पे प्रोडक्शंस हो रही हैं। अब फाइनली कपड़े के केस में आपने देखा कि लंदन में फिर फाइनली ला के बेच रहे हैं, ला के फिनिश कर रहे हैं। चलो, द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री, एक देख लेते हैं, एक छोटी सी चीज को हम लोग देख लेते हैं तुरंत से इंटरनेट पर। फुलर देखो, कंटेनिंग फुलर इन टेक्सटाइल, फुलर प्रोसेस दैट इंक्रीज द थिकनेस एंड कॉम्पैक्टनेस ऑफ वूवन और नीटेड वूल बाय सब्जेक्टिंग इट टू मॉइस्चर, हीट और फ्रिक्शन प्रेशर अंटिल सिंक। फुलर ऑफ क्लॉथ, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ए फुलर? एक बार देख लेते हैं फुलर का क्या काम है। फुलर बेसिकली उसका कपड़े को से जुड़ा हुआ जो जरूरी प्रोसेस है उसको वो करता था, फुलर ऑफ क्लॉथ, है ना। तो दैट इन प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस क्या है ये नहीं बता रहा है। चलिए, तो एनसीईआरटी के ही बेस पर रहते हैं, देख लेते हैं फुलर कहाँ लिखा है। वूल फुलर, इसको हम लोग इस पर देख लेते हैं एक बार। वही है कि क्लॉथ के इसको देख लीजिए, ए पर्सन हु फुल्स, एक ऐसा पर्सन जो भरता है जहाँ पे जो जरूरी होगा कपड़े मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, जो कि गैदर क्लॉथ बाय प्लीटिंग, है ना। जो प्लीटिंग का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है देखो, ई ए टी आई एन जी, प्लीटिंग, फोल्ड इन टू प्लीटिंग, वर्ड प्लीटिंग, फोल्ड करना, टू अरेंज इन प्लीट्स, है ना। सबसे बड़ी समस्या जमीन से सटने वाले, प्लीटिंग मीनिंग इन हिंदी, इसका एग्जैक्ट हिंदी भी नहीं दिया है। देखिए, आपका जो प्लीटिंग होता है, फुलर का काम क्या होता है इसको समझते हैं। प्लीटिंग का मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट पीटना है नहीं होता है, कि डंडे से पीटना वगैरह नहीं होता है, इसका काम क्या होता है देखिए, पहले आप लोग देखिए तब आप लोग को समझ आएगा। ये देखिए, देख रहे हैं, दिस इज हाउ प्लीटिंग फैब्रिक्स आर मेड, उसे दबाया जा रहा है, देखिए ये है ना, दिस इज हाउ प्लीटिंग फैब्रिक्स आर मेड, देख रहे हैं, प्लीटिंग जो है आपका इस तरह से आपको किया जाता है, दबाया जा रहा है, तो एक पैटर्न है जो बनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने फुलर का समझा कि एक ऐसा पर्सन जो फुल करता है, जो कपड़ों का गैदर करता है और उसे बनाता है, मोड़ करके,
है ना, उसे एक असल पर्टिकुलर डिज़ाइन देता है, है ना। कार्डिंग एक अलग प्रोसेस है इन विच फाइबर सच एज कॉटन और वूल आर प्रिपेयर्ड प्रायर टू स्पिनिंग। स्पिनिंग से पहले कार्डिंग एक अलग प्रोसेस है जिसके तहत, है ना, फाइबर जो कॉटन का हो या वूल का है उसे प्रिपेयर किया जाता है। तो कार्डिंग एक अलग प्रोसेस है, उन्हीं को दिखाया जा रहा था, ठीक है। चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे कि देखिए अलग अलग स्टेज पर सब हो रहा है। चलिए द कमिंग ऑफ कमिंग ऑफ द फैक्ट्री। देखो द अर्लीस्ट फैक्ट्री इन इंग्लैंड केम अप इन 1730s, यानी आपको अर्लीस्ट फैक्ट्री जो इंग्लैंड में है वो 1730s में शुरू होते हैं लगना, बट इट वॉज ओनली इन द लेट 18th century, यानी 1700 से 1799 हुआ था। तो लेट 18th century में ये फैक्ट्रीज ज़बरदस्त मल्टीप्लाई हुई, मतलब और लगाए गए फैक्ट्रीज आपको यहाँ पर ब्रिटेन में, ठीक है। चलो इसके बाद देखो फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा वाज कॉटन। देखो सबसे पहला जो एरा आया जिसमें खूब सारी फैक्ट्री बनाई गई वो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पेशली कॉटन को लेकर के, रुई को लेकर के। इट प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th century, इसका जो प्रोडक्शन है वो लेट 19th century में खूब बूम होता है, खूब और प्रोडक्शन बढ़िया होता है। 1760 में ब्रिटेन की बात करें तो वाज इम्पोर्टिंग 2.5 बिलियन पाउंड। तो 1760 की बात करें तो ब्रिटेन इम्पोर्ट करता था 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ रॉ कॉटन। रॉ कॉटन क्यों? क्योंकि कच्चा कॉटन आएगा तो उससे आप बेहतर निकाल सकोगे, थ्रेड वगैरह निकाल सकोगे। टू फीड इट कॉटन इंडस्ट्री, तो कॉटन इंडस्ट्री के लिए रॉ कॉटन जो 2.5 मिलियन पाउंड के आसपास 1760 में ब्रिटेन मंगाता था, लेकिन यही बढ़ के 1787 तक में ये इम्पोर्ट बढ़ करके चले गए 22 मिलियन पाउंड। देख रहे हैं 2.5 मिलियन पाउंड से कहाँ 22 मिलियन पाउंड, यानी अब फैक्ट्री आती जा रही हैं, इंडस्ट्री आ रहा है और धीरे धीरे अब मास प्रोडक्शन आपको फैक्ट्री और इंडस्ट्री से हो रहा है। चलो दिस इंक्रीज वाज लिंक्ड टू ए नंबर ऑफ चेंजेस विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये जो इंक्रीज है, अगर जो आप देख रहे हैं 2.5 से 22 मिलियन पाउंड, ये लिंक्ड है बहुत सारे बदलावों से। प्रोडक्शन के प्रक्रिया में बहुत सारे चीज़ों में बदलाव के कारण ये इंक्रीज हम देखते हैं इम्पोर्ट का रॉ कॉटन को लेकर के। लेट अस लुक ब्रीफली एट सम ऑफ दिस, चलो कुछ देखते हैं इसी को लेकर के। ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस इन द 18th century इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। अब देखिए बहुत सारे इन्वेंशंस ऐसे हुए 18th century में जिसने प्रभावशीलता को इतना बढ़ा दिया कि प्रोडक्शन प्रोसेस हर एक स्टेप वाइज वो ज़बरदस्त हुआ। जैसे कार्डिंग अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वूल और कॉटन, है ना, उसके थ्रेड बनाए जाते थे। यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना, स्पिनिंग के पहले देखो प्रोसेस एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें फाइबर बनाए जाते थे कॉटन और वूल के, स्पिनिंग के प्रक्रिया से जाने से पहले, ठीक है ना। चलिए अब इसमें क्या है देखते हैं कि कार्डिंग है जो प्रोडक्शन प्रोसेस का हर एक स्टेप क्या क्या था। पहला था कार्डिंग, फिर ट्विस्टिंग, उसको मोड़ा जाता, फिर स्पिनिंग, उसको मतलब स्पिन किया जाता था, जैसे गांधी जी स्पिन करते थे तो उससे और वो फ्रेश होता जाता, फिर रोलिंग, और फिर उसमें उसको बनाते रोल कर करके, है ना, तो रोलिंग होता। दे इन्हांस द आउटपुट पर वर्कर, है ना, ये इन्हांस करते, इससे क्या होता कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस सारे जो प्रोडक्शन प्रोसेस की स्टेप वाइज जो इन्वेंशन करके और स्टेप वाइज आपको प्रोडक्शन को और सही कर दिया गया और एक छत के नीचे ला दिया गया फैक्ट्री वाला कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो उससे कहीं ना कहीं पर वर्कर आउटपुट और बढ़ गया। देख रहे हैं, अगर हम कहते हैं कि हैंडलूम की जगह पावर लूम ला दिया गया तो लगातार आपको प्रोडक्शन और बढ़ेगा, चाहे वो घरों में ही पावर लूम लगा दिया जाए या हैंडलूम अगर बना दिया गया, है ना, तो हैंडलूम की वजह से भी प्रोडक्शन और अच्छा हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर स्टेप वाइज प्रोडक्शन में
अगर इन्वेंशंस को जोड़ दिया गया तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इन्हांसमेंट दिखाई देता है और अच्छा होता है प्रोडक्शन। तो पर वर्कर जो है, इसको पढ़ लीजिए एक बार, ये इन्हांस होता है आउटपुट पर वर्कर, यानी और बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि एक सीरीज़ ऑफ इन्वेंशंस हुए जो कि ईच स्टेप को और बढ़िया करता है आपको, ठीक है ना। अच्छा, इनेबलिंग ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर। अब जो हर वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता था, दे मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स एंड यार्न। अच्छा, ये संभव हो पाया कि स्ट्रॉन्गर थ्रेड या यार्न, धागे हैं चाहे थ्रेड हैं, रेशे हैं, तो ये और स्ट्रॉन्गर थ्रेड या यार्न बनाए जा सकते थे, है ना। ये अब ये संभव हो पाया, कैसे संभव हो पाया समझते हैं। देन रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड ए कॉटन मिल। रिचर्ड आर्कराइट भाई साहब हैं, इन्होंने कॉटन मिल का कॉन्सेप्ट लाया, एक मिल इस्टेब्लिश किया। टिल दिस टाइम एज यू हैव सीन क्लॉथ प्रोडक्शन वॉज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री साइड। और इस समय में आप देखेंगे जब रिचर्ड आर्कराइट कॉटन मिल क्रिएट किए थे, इस समय में आपने देखा कि क्लॉथ प्रोडक्शन को कंट्री साइड यानी देहात एरिया में, यानी शहरों के बाहरी क्षेत्रों में पूरा फैला दिया गया था। क्लॉथ प्रोडक्शन कैरिड आउट विद इन विलेज हाउस होल्ड, और इसका साथ कौन दे रहे थे, ग्रामीण क्षेत्र के घर भी अब क्लॉथ प्रोडक्शन में उतार चुके थे। बट नाउ द कॉस्टली न्यू मशीन कुड बी परचेस्ड, लेकिन अब महंगे नए मशीन्स खरीदे जा सकते थे, सेटअप की जा सकती थी, कहीं लगाई जा सकती थी, और एक मिल मेंटेन किया जा सकता था। यानी अब प्रोडक्शन अलग अलग चरणबद्ध तरीके से अलग अलग जगह ना होकर के एक छत के नीचे सारे स्टेप वाइज प्रोडक्शन किया जा सकता है, वो भी मास लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे। चलो, विद इन द मिल ऑल द प्रोसेस, देख रहे हैं मिल के अंदर में ही सारे प्रोसेसेस को एक जगह पर लाया जा सकता था, एक छत के नीचे और एक ही मैनेजमेंट के अंडर में। यानी एक ही मैनेजमेंट होगा, वो सारे वर्कर्स को रखेंगे, ये वर्कर कार्डिंग का काम करेगा, ये वर्कर फुलर का काम करेगा, ये वर्कर स्पिनिंग पे बैठेगा, ये वर्कर उधर, मतलब वो मैनेजमेंट ही पूरा डील कर सकती थी। अभी तक क्या था कि मर्चेंट सबको काम पकड़ा देते थे, अपने चले जाते थे शहर, ठीक है। दिस अलाउड ए मोर केयरफुल सुपरविजन। अब जब एक मैनेजमेंट रहेगा तो उसका सुपरविजन, देख रेख भी वो कर सकेगा, ठीक है, सारे प्रोडक्शन प्रोसेस को वो सुपरवाइज कर सकता है, देख रेख कर सकता है, उसके क्वालिटी चेक ऑल द टाइम कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है लेबर्स को कि कैसे क्या काम किस तरह से लेना है, है ना। ऑल ऑफ विच हैड बीन डिफिकल्ट टू डू व्हेन प्रोडक्शन वाज इन कंट्री साइड। जब कंट्री साइड में मर्चेंट कैपिटल दे करके आते थे तो ये जो पुअर पीजेंट और आर्टिजन्स होते थे कंट्री साइड में, तो उन पर 24 घंटा तो निगाह रख नहीं सकते थे, नज़र रख नहीं सकते थे मर्चेंट्स, तो वो तो काम पकड़ा करके फिर शहरों को चले गए, ठीक है, तो कंट्रोल्स वैसा नहीं होता था। लेकिन अब जब मिल का कॉन्सेप्ट आया, है ना, कॉटन मिल का कॉन्सेप्ट जब आया, तो एक ही छत के नीचे सबको आप लेबर को रखोगे, उसे कैसे काम लेना, क्या क्वालिटी क्या रखना है, सारी बातों पर कंट्रोल आपका होता था। अब भाई फैक्ट्री आ गया है, अब कहाँ। अच्छा, इन द अर्लियत 19th century, देख रहे हैं अर्ली 19th century का बात देखते हैं। फैक्ट्रीज इंक्रीजिंगली बिकेम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप। अंग्रेजी भूभाग का जबरदस्त अभिन्न हिस्सा बन गया आपको फैक्ट्रीज का सेटअप होना। सो विजिबल वेयर द इम्पोजिंग न्यू मिल्स, नए नए मिल्स लगाए जा रहे हैं, है ना, आपको दिखाई देते हैं। सो मैजिकल सीम टू बी द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ये ऐसा लगता था कि जादुई चीज़ है ये, नए टेक्नोलॉजी की शक्ति को प्रदर्शित करता है नए नए मील स्थापित होना, है ना। दैट कंटेम्प्रेरीज वर डेजल्ट, यानी उस समय के लोग एकदम अमेज हो गए, सरप्राइज हो गए कि अबे यार एक ही मील में सारे प्रक्रिया एक जगह पे हो जाएंगी। यानी क्लोथिंग इंडस्ट्री में देखिएगा जो है तो डायर, फूलर, स्टेपलर, कार्डिंग, है ना, सारी चीज़ें एक छत के नीचे हो जाएगी। तो ये उस समय के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय था। और जैसे जैसे मिल आते चली गई, अब लोग मिल वाले कॉन्सेप्ट पे चले गए, क्योंकि उतना ज़्यादा अब लेबर भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि मशीन्स है। चलो, दे कॉन्सनट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द मिल। ज़्यादातर लोगों ने कॉन्सनट्रेट किया कि मिल लगाया जा सकता है, ना ना।
ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग द बाइलेंस मील्स पर अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलिस्ट अपना दिमाग लगा रहे हैं, रिच पीपल दिमाग लगा रहे हैं कि लगाया जाए और एक ही छत के नीचे सारा चीज़ करवाया जाए और फाइनल गुड इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाए। इससे मतलब नहीं है कि रास्तों के किनारे भी लोग कुछ ना कुछ करके, ठीक है ना, प्रोडक्शन करते थे। जैसे कॉबलर है, मोची है, वो जूता बनाता है किनारे बैठ करके, कई ऐसे काम है पत्थर का काम करने वाला। तो अब उन सब पर प्रॉब्लम होने वाला था। एंड द वर्कशॉप वी आर प्रोड्यूस स्टिल कंटिन्यूड फॉरगेटिंग द बाइलेंस, है ना, यानी अब सड़क के किनारे कौन है वो छोड़ दीजिए, और जो वर्कशॉप्स वी आर प्रोड्यूस्ड प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यूड, जो वर्कशॉप्स होते थे छोटे छोटे वर्कशॉप जहाँ पर प्रोडक्शन होता था, फैक्ट्री वाला नहीं, ना इंडस्ट्री, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री या फैक्ट्री की बात नहीं, वर्कशॉप जो छोटे छोटे थे जो घर के बैकयार्ड में लगाए होते थे, वहाँ पर प्रोडक्शन अभी भी जारी था। बाइलेन वाले को तो पूरा चौपटी कर दिया जो रास्ते बैठ करके बेचारे कुछ ना कुछ करते थे। ठीक है, आगे देख लें। पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, यानी ये इंडस्ट्रियल चेंज कैसे आया देखो। हाउ रैपिड वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो औद्योगिकीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कितना त्वरित था देखते हैं। साथ में डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री, या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि फैक्ट्री इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, देखते हैं, दो तीन चार पॉइंट है देख लेंगे। पहला, द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री इन ब्रिटेन जो था वो क्या था, डायनेमिक इंडस्ट्री यानी ब्रिटेन का बैकबोन वो था क्लियरली कॉटन और मेटल, यानी आयरन एंड स्टील, ये दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सटेंसिव आपको इंडस्ट्री हुआ करती थी। ग्रोइंग एट ए रैपिड स्पेस, कॉटन वॉज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू 1840 तक में, पहले फेज में का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी फैक्ट्रीज दुनिया भर की लगी वो पूरी तरह से डेडिकेटेड थी कॉटन को लेकर के, कॉटन लीडिंग सेक्टर था। ठीक है ना, उसमें ज़बरदस्त डेवलपमेंट देखा गया। ठीक है, फिर आफ्टर दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसके बाद उसके संबंध में भी आपको दुनिया भर के फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बनी। विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, रेलवे जैसे जैसे एक्सपैंड किया इंग्लैंड में 1840, और इंग्लैंड जिन कंट्रीज को गुलाम बना रखा था उसे कॉलोनी बोलते थे इंग्लैंड के, है ना, 1860s, है ना, भारत में भी 1853 के आसपास आपको रेलवे लगी। द डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील इंक्रीज रैपिडली, देख रहे हैं, तो जो आयरन और स्टील का जो डिमांड था, चूँकि रेलवे ब्रिटेन में भी लगना और ब्रिटेन के बाहर की कॉलोनी में भी लगना, तो वहाँ पर जो डिमांड बढ़ते जा रहा था, तो इस कारण से जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री रिलेटेड टू आयरन एंड स्टील की ब्रिटेन में लग रही थी, है ना, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, उनको तो रेलवे बैठाना है ना। तो कॉटन इंडस्ट्री के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो मेटल इंडस्ट्री है ब्रिटेन की, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रही। 1737 में ब्रिटेन एक्सपोर्ट करता था आयरन स्टील, जो एक्सपोर्ट करता था वो 77 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, और डबल द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट, है ना, यानी अपने कॉटन एक्सपोर्ट से ज़्यादा ही आयरन और स्टील वो एक्सपोर्ट करता था 1873 में। यानी कहीं ना कहीं अब कॉटन के साथ साथ आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है। चलो, ये ब्रिटेन की बात हो रही है, देखिएगा सेकेंड देखते माफ़ कीजिए सेकेंड देखिए। जो द न्यू इंडस्ट्री कुड नॉट ईजली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जो नए इंडस्ट्रीज आ रही हैं, है ना, बहुत सारी फैक्ट्री सेटअप हो रही हैं, और वो कहीं ना कहीं पारंपरिक जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हुआ करती थी उसको रिप्लेस नहीं कर रही। ठीक है, इवन एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड में भी लेस दैन 20% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स वॉज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जहाँ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, है ना, तो वहाँ पर टोटल वर्कफोर्स जो है मात्र 20% ही लगी हुई है। अभी भी 80% वर्कफोर्स अपने घरों में, अपने छोटे छोटे स्मॉल स्केल यूनिट्स में काम कर रही हैं। तो भाई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाले इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं,
तो भाई अगर सब लोग बड़ा एक्साइटेड रहता कि चलो चलो फैक्ट्री में काम किया जाए, है ना, तो इसका मतलब होता कि सारे वर्कफोर्स आ जाते, लेकिन तो सिर्फ और सिर्फ 20% ही है, ध्यान दीजिएगा, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 20% है, यानी 80% अभी भी अन्य जगहों पर लगे हुए हैं, है ना, अपने अपने घरों में, वर्कशॉप्स में, स्मॉल स्केल यूनिट में, अभी भी फैक्ट्री नहीं ज्वाइन किया वर्कफोर्स, लेबर फोर्स। टेक्सटाइल डायनामिक सेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हुआ करता था ब्रिटेन के लिए, बट ए लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वॉज प्रोड्यूस नॉट विद इन फैक्ट्रीज, देख रहे हैं, यानी टेक्सटाइल एक डायनेमिक सेक्टर जरूर था, लेकिन अभी भी लार्ज पोर्शन ऑफ टेक्सटाइल जो है वो प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, फैक्ट्रीज में नहीं हो रहा है, बल्कि बाहर हो रहा है, कहाँ पे, डोमेस्टिक यूनिट्स में, समझ रहे हैं, डोमेस्टिक यूनिट्स का मतलब हो गया कि घरों में, वर्कशॉप्स में, है ना, स्मॉल स्केल यूनिट में, वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, अभी भी फैक्ट्री से उतना नहीं निकल के आ रहा। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो आपका जब बहुत सारी फैक्ट्रीज मिल करके एक एरिया में एक प्रोडक्शन, एक कोई वस्तु का प्रोडक्शन करे, तो उसको हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। सिर्फ एक दो फैक्ट्री अगर मान लीजिए कोई कारपेट बना रहा है तो वो इंडस्ट्री नहीं हुई, वो पूरा रीजन, वो पूरा क्षेत्र में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होगा, मतलब फैक्ट्री प्रोडक्शन कर रहा होगा कारपेट, तब हम पूरे ग्रुप को मिला करके बोलेंगे कि देखो ये इंडस्ट्री है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री जब हुआ तो एक तरह के प्रोडक्ट, एक तरह, एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए तमाम फैक्ट्री होंगी, ठीक है ना। जैसे कारपेट है तो 100 फैक्ट्री कारपेट के उस क्षेत्र में, ठीक है, फिर कोयला का अगर इंडस्ट्री है तो इसका मतलब वहाँ पे 100 फैक्ट्री उससे रिलेटेड होंगे, क्लॉथ का है तो 100-150 फैक्ट्री अलग होंगे, तो वो इंडस्ट्री तब बोला जाता है। चलो, टेक्सटाइल हो गया। थर्ड पॉइंट देखिएगा, द पेस ऑफ चेंज इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वॉज नॉट सेट बाई स्टीम पावर्ड कॉटन और मेटल इंडस्ट्री। जो चेंज आया है जिस रफ्तार से, ध्यान दीजिएगा, थर्ड पॉइंट क्या है, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में जो पारंपरिक जो इंडस्ट्रीज रही, जो घरों में लोग बनाते हैं और लार्ज स्केल पर, मतलब पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा 2-4 गांव, 10 गांव, 20 गांव, है ना, जो, जो मिट्टी का काम कर रहा है तो 2-3 गांव लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ, पॉटरी का इंडस्ट्री हुआ, तो ट्रेडिशनल है, वो पारंपरिक है, उसके लिए कोई फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में जो बदलाव आ रहा है जिस रफ्तार से, वो ज़रूरी नहीं कि ये बदलाव आया है इसलिए क्योंकि स्टीम पावर्ड कॉटन मिल्स आ गए, स्टीम पावर्ड मतलब वो मिल चल रहा है स्टीम से, यानी भाप हुआ, स्टीम बना, प्रेशर हुआ, तो प्रेशर से आपको स्टीम पावर्ड इंजन्स चल रहे हैं, तो उसे कॉटन मिल चल रहा है, या मेटल इंडस्ट्री स्टीम पावर्ड मेटल इंडस्ट्री से चल रहा हो, है ना, यानी मेटल इंडस्ट्री या कॉटन इंडस्ट्री है जो स्टीम पावर्ड, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दिखाता है ना, तो उसकी वजह से ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में कोई बदलाव आ गया है ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, यानी बट दे डिड नॉट रिमेन इंटायरली स्टैग्नेंट ईदर, ठीक है ना, इन सब से प्रभावित नहीं हुआ है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, लेकिन वो इनसे दूर भी नहीं रहा और ना ही, समझिएगा, डिड नॉट रिमेन इंटायरली स्टैग्नेंट, यानी स्थिर, यानी ये दूर भी नहीं रह सका, अछूता भी नहीं रह सका है ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, है ना, प्रभावित भी नहीं हुआ है, तो ये भी है कि प्रभावित नहीं हुआ है, तो लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि एकदम इफेक्ट भी नहीं किया, समझिएगा। पेस ऑफ चेंज इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, वो चेंज जो हुआ है ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, इनकी वजह से नहीं, स्टीम पावर्ड कॉटन या मेटल इंडस्ट्री की वजह से नहीं हुआ है चेंज ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में, और साथ में ये पूरी तरह से इंटायरली स्टैग्नेंट भी नहीं रहे हैं, यानी एकदम से अछूते भी नहीं रहे हैं ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। सीमिंगली ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशंस वे द बेसिस ऑफ ग्रोथ इन मेनी नॉन मैकेनाइज सेक्टर, यानी बहुत सामान्य और छोटे छोटे जो इनोवेशंस हुए हैं, है ना, खोज जो जो हुई हैं, वो आधार बना है नॉन मैकेनाइज सेक्टर में ग्रोथ का।
नॉन मैकेनाइज सेक्टर यानी घरों में जो बगैर मशीन्स का जो प्रिमिटिव तरीके से पुराने तौर तरीकों से जो प्रोडक्शन करते थे, उसमें जो छोटे छोटे इनोवेशंस की वजह से प्रोडक्शन आपको बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, या परिवर्तन आता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग में लेकर के बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग, प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स, हैं कोई हथियार वगैरह या कोई यंत्र बनाने में, है ना, प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट किसी भी तरह का, तो इनमें मशीन्स का, नॉन मैकेनाइज सेक्टर, इनमें मशीन्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनके में जो स्टेप वाइज जो भी काम होता रहा होगा, जैसे फूड प्रोसेसिंग में स्टेप वाइज जो भी काम होता रहा होगा, तो स्टेप वाइज में जहाँ भी जो इनोवेशंस, छोटे छोटे इनोवेशंस जो इस्तेमाल किए गए, उसकी वजह से इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसमें बदलाव आता है। यानी छोटा छोटा इनोवेशंस ने बहुत बदलाव किया ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में, ना कि बड़ा बड़ा स्टीम पावर्ड कॉटन या मेटल इंडस्ट्री जैसा कॉन्सेप्ट आया तो बहुत चेंज हो गया ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में, समझ गए ना। छोटे छोटे देखो, ऑर्डिनरी और स्मॉल इनोवेशन वे द बेसिस ऑफ ग्रोथ इन मेनी नॉन मैकेनाइज सेक्टर, ठीक है ना, यानी छोटे छोटे इनोवेशंस। चलो फोर्थ क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑकर स्लोली, टेक्नोलॉजिकली जो हमारे यहाँ बदलाव जो आया इंडस्ट्रियल सेक्टर में, है ना, वो बहुत स्लो प्रोसेस रहा, दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। ये ऐसा नहीं कि दम नाटकीय ढंग से दम इंडस्ट्रियल लैंडस्केप बदलिए दिया, अचानक से फैक्ट्री लगी और पूरे पूरे दम इलाके भर में पूरा सब लोगों ने एक्सेप्ट कर ही लिया कि नहीं चलो फैक्ट्री लगाते हैं, ऐसा नहीं है। न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव, देखो नए टेक्नोलॉजी अभी बहुत महंगी थी उस समय में, मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़ा सा सावधान रहते थे इसके इस्तेमाल से कि भैया सक्सेस करेगा कि नहीं। जब मशीन्स बिगड़ जाती या ख़राब हो जाती, टूट जाती, तो उसका रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत महंगा था, है ना, और साथ में ये इसे ना जो टेक्नोलॉजी को अभी भी दे वेयर नॉट एज इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर क्लेम। और जो मैन्युफैक्चरर या इन्वेंटर जो टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन किया या इन्वेंट किया, उनके क्लेम दावे के जैसा वो इफेक्टिव नहीं होते थे, प्रभावी कई बार नहीं होते थे, ठीक है। जैसा कि मैन्युफैक्चरर इन्वेंटर बोलते थे कि मेरा ये इनोवेशन है, ले लो, खरीद लो, मिल में लगाओ, लेकिन कहीं ना कहीं वो दावे भी कई बार देखा गया है कि उसमें दम नहीं होता था, खरीदने के बाद खूब सारा परेशान पनौती ये होता था। जैसे देखो, कंसीडर द केस ऑफ स्टीम इंजन, स्टीम इंजन के लिए जुड़िए, देखिए आप लूसेंट से लेकर के कई किताबों में देखिएगा, जेम्स वॉट को लेकर के दे देता है कि स्टीम इंजन जो है वो इन्वेंट किया गया जेम्स वॉट के द्वारा, ये कई किताबों में गलत दिया है। जैसे टेलीस्कोप को लेकर के सीधा पकड़ा दिया जाता है गैलीलियो गैलीली, ऐसा नहीं है, आपको लीपरशे भाई साहब हैं वो हैं, आप देखिएगा इसको गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको मिल भी जाएंगे, है ना। तो जेम्स वॉट ने क्या किया स्टीम इंजन को लेकर के, देखिए जेम्स वॉट ने इम्प्रूव किया था स्टीम इंजन को, स्टीम इंजन को प्रोड्यूस किया था न्यू कॉमन ने, और है ना, एंड पेटेंटेड द न्यू इंजन इन 1781। पेटेंट कराने वाले भी कौन थे आपको, देखो जेम्स वॉट होंगे, जेम्स वॉट इम्प्रूव द स्टीम इंजन प्रोड्यूस बाय न्यू कॉमन और पेटेंटेड, यानी पेटेंट अपने नाम से करवाए न्यू इंजन का 1781 में, ठीक है। हिज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन, भाई साहब हैं इनके एक व्यापारिक मित्र रहे, इंडस्ट्रियल फ्रेंड रहे, है ना, मैन्युफैक्चर्ड द न्यू मॉडल, यानी न्यू मॉडल को डिज़ाइन किया, बनाया स्टीम इंजन का, लेकिन कई सालों तक उस नए मॉडल का कोई बायर ही नहीं मिला, ठीक है ना। शुरुआती दौर में अगर 19th सेंचुरी का देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 321 स्टीम इंजन थे पूरे ऑल ओवर इंग्लैंड में। स्टीम इंजन उस दौर में सबसे हाईली मॉडर्नाइज्ड मैकेनाइज्ड माना जाता था, कि ये जहाँ भी लगे होंगे वो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री पूरा मैकेनाइज्ड है और मास प्रोडक्शन होगा और सबसे मॉडर्न है, ठीक है ना। लेकिन ये मात्र 321 थे पूरे के पूरे इंग्लैंड भर में। चलो इसमें से 80 जो थे वो कॉटन इंडस्ट्री में लगे हुए थे, 9 जो है वो वूल इंडस्ट्री में थे, और रेस्ट जो था वो माइनिंग में, कैनाल वर्क्स में, आयरन वर्क्स में, है ना। स्टीम इंजन
वी आर नॉट यूज इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्री, देख रहे हैं, इन सब के अलावा स्टीम इंजन और किसी भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं होते थे, है ना। बाद तक भी उस सेंचुरी में, सेंचुरी के बाद तक भी उसका इस्तेमाल अभी नहीं किया जा रहा था, यानी अभी भी कहीं ना कहीं डर था इंडस्ट्रियलिस्ट के दिमाग में कि यार खरीदा जाए कि नहीं, कितना हैंडल कर पाएंगे। सो इवन द मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी दैट इन्हांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मैनिफोल्ड वॉज स्लो टू बी एक्सेप्टेड बाई इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट अभी भी थोड़ा डाउट में थे कि भाई लेबर्स का झंझट से बचा जा सकता है, और बहुत ज़्यादा जो ये पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी है जो स्टीम इंजन वाला, इसको क्या खरीदा जाए कि नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस बहुत कम था इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा। हिस्टोरियंस नाउ हैव कम टू इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज दैट द टिपिकल वर्कर इन द मिड 18th सेंचुरी वॉज नॉट ए मशीन ऑपरेटर बट द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट पर्सन एंड लेबर्स। हिस्टोरियन अब ये मान गए और रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो टिपिकल वर्कर था मिड 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में, वो मशीन ऑपरेटर नहीं था बल्कि एक ट्रेडिशनल पारंपरिक क्राफ्टमैन और लेबरर, यानी जो वर्कर है ट्रेडिशनली, है ना, वो ही आपको ज़्यादातर आपका प्रोडक्शन करता था, ठीक है ना, ना कि मशीन ऑपरेटर। एडवांस्ड मशीन्स की बात करें, चलिए पहला टॉपिक ख़त्म हो गया है, सेकेंड टॉपिक देखते हैं सेम चैप्टर का। पानी वगैरह पीते रहिए, थोड़ा घूम फिर करके भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लगातार चलेगा, इसे लगातार कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है जी, पॉज करके भी देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने सेकंड टॉपिक के तरफ सेम चैप्टर का। विक्टोरियन ब्रिटेन, जब विक्टोरिया महारानी थी ब्रिटेन में, तो उस समय के एरा को विक्टोरियन ब्रिटेन कहते हैं। देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर, तो विक्टोरियन ब्रिटेन के टाइम में ह्यूमन लेबर का कोई शॉर्टेज नहीं हुआ करता था ब्रिटेन में। पुअर पीजेंट और वेग्रेंट्स मूव टू द सिटीज़ इन लार्ज नंबर इन सर्च ऑफ जॉब, देख रहे हैं, पुअर पीजेंट हैं या जो आवारा लोग हैं, ये सिटीज़ में आते थे बड़ी संख्या में, किस उम्मीद में कि हमें नौकरी मिल जाएगी, या वर्क के लिए वेटिंग में रहते थे शहरों में। तो एज यू विल नो वेयर वेन देयर इज़ प्लेंटी ऑफ लेबर, आप जैसा कि जानते भी हो कि जहाँ पर दुनिया भर के लेबर मौजूद होंगे वहाँ पे वेजेस कम से कम होगा, क्योंकि कोई ना कोई कम कीमत पर काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी होते थे ये लोग, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था लेबर शॉर्टेज का या हाई वेज कॉस्ट देने का, क्योंकि कम पैसे पे दुनिया भर के लेबर मिल जाते थे, है ना। तो इसी कारण से कई इंडस्ट्रियलिस्ट ना चाहते ही नहीं थे कि मशीन्स का इस्तेमाल किया जाए और ह्यूमन लेबर को छोड़ दिया जाए, है ना, क्योंकि उसमें लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, बहुत पैसा लगेगा मशीन खरीदने में, उसको मेंटेनेंस में, तो उसको ज़बरदस्ती क्या ज़रूरत है उसको लेने का, उससे अच्छा है कि ह्यूमन लेबर को ही काम पे लगाते हैं, क्योंकि कम पैसे पे ह्यूमन लेबर मिल रहे हैं, है ना। चलो, इन मेनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल, कई ऐसे भी इंडस्ट्री हुआ करती थी जिसमें लेबरों की ज़रूरत सिर्फ एक सीज़न भर में, है ना, सीज़न भर में, फिर उसके बाद इनको अनएम्प्लॉयड कर दिया जाता था, बेरोजगार कर दिया जाता था, जैसे गैस वर्क्स एंड ब्रिवरीज, है ना, ब्रिवरीज खाने के लिए चुना जाता है, और गैस वर्क का काम करने वाले या ब्रिवरीज में हैं, ब्रिवरीज को एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे इसको तो नहीं बोल रहा है, BRWE ब्रिवरीज, ब्रिवरीज क्या है, अच्छा बेवरेज को बोला जाता है, वहीं मैं भी सोचा बियर फैक्ट्री है, चलिए, तो गैस वर्क या बेवरेज फैक्ट्री, यानी जो बियर वगैरह जहाँ पीते हैं लोग, उसमें काम करने के लिए, वेयर स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ, यानी जाड़े के समय में गैस वर्क और बेवरेज इंडस्ट्री में, यानी जहाँ बियर बार वगैरह होता था, उसमें लेबर्स की बहुत ज़रूरी होती थी, लेकिन कोल्ड मंथ्स में सिर्फ और सिर्फ, सो दे नीडेड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड, इसीलिए उन्हें जाड़े के समय में अतिरिक्त और ज़्यादा लेबर्स की आवश्यकता होती थी, क्योंकि डिमांड बढ़ते जाता था। बुक बाइंडर्स, प्रिंटर्स, देख रहे हैं अलग अलग है, कैटरिंग टू क्रिश्चियन डिमांड, क्रिसमस डिमांड, कैटरिंग टू क्रिश्चियन क्रिसमस डिमांड,
टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड बिफोर दिसंबर, यानी दिसंबर के महीने में बाइंडर्स है, बुक बाइंडर्स है, प्रिंटर हैं, या क्रिसमस के मौके पर कैटरिंग करने वाले लोगों का दिसंबर में खूब ज़रूरत होता था। यानी देखो एक सीज़न भर में डिमांड हो रहा है। अच्छा, वाटर फ्रंट पर समुद्री इलाकों में जो कोस्टल रीजन की तरफ, विंटर वाज द टाइम दैट शिप्स वेयर रिपेयर्ड एंड स्प्रूस्ड अप, यानी विंटर्स में लेबर्स की बहुत ज़रूरी होती थी, कारण जो भी शिप्स होते थे उनको रिपेयरिंग करने के लिए उन्हें डॉक किया जाता था कोस्टल रीजन में, और उसकी साफ़ सफाई होती थी। जैसे इन ऑल सच इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद द सीजन, इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली प्रेफर्ड हैंड लेबर, है ना, लगभग जो ऐसे जो भी इन ऑल सच इंडस्ट्री जहाँ पे सीजनल डिमांड है, है ना, ऐसे जो भी इंडस्ट्री जहाँ पर लेबर्स का सीजनल डिमांड है, मतलब एक कुछ महीने के लिए फिर उसको छोड़ दिया जाता था, वे प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड, वहाँ पे ना प्रोडक्शन जो होता था वो फ्लक्चुएट करता था सीजन्स के अनुसार, है ना, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो उस समय रखेंगे, जाड़े में हटा देंगे तो प्रोडक्शन डिफरेंट होगा, फिर जाड़े में ज़रूरत है तो गर्मी में लेबर्स को हटा दिया जाएगा तो प्रोडक्शन या तो बंद ही कर दिया जाता था या तो कम ही कर दिया जाता था। इंडस्ट्रीज यूजली प्रेफर्ड हैंड लेबर, जब एक सीज़न भर में अगर जो काम करवाना होता था इनको, तो इंडस्ट्रीज ज़्यादातर प्रेफर करते थे हैंड लेबर का, यानी मशीन्स का नहीं, ठीक है ना, ये कोई लेबर है जो हाथ से ही काम करे, और सिर्फ एम्प्लॉइंग वर्कर फॉर द सीज़न, बस कुछ ही महीनों के लिए या एक कुछ ही समय के लिए या एक जाड़े के सीज़न के लिए या गर्मी या बरसात के सीज़न के लिए, यानी कुछ ही समय के लिए तुमको रखेंगे, उसके बाद तुम्हें हम निकाल देंगे, फिर अगले सीज़न में आना, अगले सीज़न में बात होगी। चलो, ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विथ हैंड लेबर, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि सिर्फ हाथों से ही बनाया जा सकता था, उसमें मशीन्स या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी। मशीन्स वेयर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म, मशीन्स का इस्तेमाल देखो किस चीज़ के लिए प्रोड्यूस करने के लिए की जाती थी, यूनिफॉर्म है ना, स्टैंडर्डाइज्ड गुड फॉर मास मार्केट, यानी गुड्स के स्टैंडर्डाइज्ड करने के लिए, एक तरह का गुड्स बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है ना, और अपने मास मार्केट के कंजम्पशन के लिए मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। जैसे यूनिफॉर्म्स ही हैं तो बहुत ज़्यादा, सेना का यूनिफॉर्म है तो लाखों की तादाद में चाहिए होगा एक तरह का, तो वो आपको मशीन्स के थ्रू ही आपका इस्तेमाल बनाया जाता था। बट द डिमांड इन द मार्केट वाज ऑफन फॉर गुड्स विद इंटीग्रेट डिज़ाइन, लेकिन मार्केट में जो हाई डिमांड होता था वो पता है क्या, उन वस्तुओं का होता था जिसमें इंट्रिकेट डिज़ाइन बहुत खूबसूरती के साथ बारीक डिज़ाइंस होते थे और स्पेसिफिक शेप्स का होता था, मतलब अलग अलग शेप साइज उसका आकार क्या होता था अलग अलग। और मिड 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में ऐसे करीब 500 वैरायटीज ऑफ हैमर्स थे, जो हैमर्स वेयर प्रोड्यूस्ड, है ना, हैमर्स को प्रोड्यूस किया गया। 45 काइंड्स ऑफ एक्सेस, जो नहीं होता है एक्स होता है कुल्हाड़ी टाइप, तो उसको 45 काइंड ऑफ एक्सेस को प्रोड्यूस किया गया। इसमें ह्यूमन स्किल की आवश्यकता होती थी, नॉट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, यानी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के बजाय ह्यूमन स्किल, अपने हाथ से बना रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे वैरायटीज ऑफ हैमर्स हाथ से बनाए जाते थे और उसका डिमांड बहुत होता था। इन विक्टोरियन ब्रिटेन अपर क्लास, यानी विक्टोरियन ब्रिटेन में जो अपर क्लास एलीट क्लास है, जो एरिस्टोक्रेट्स है, जो हायर एलीट क्लास है, पैसा वाला है पूरा, एंड द बर्गीज जो अधिकारी लोग हैं, है ना, ऑफिशियल्स हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, वो प्रेफर करते थे हैंडमेड प्रोडक्शन, हैंडमेड गुड, हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ज़्यादा प्रेफर करते थे। आज भी देखो कि हैंडमेड चीज़ें बहुत 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 महंगी होती हैं, क्यों, क्योंकि वो सिंबलाइज करता है रिफाइनमेंट, शुद्धता का, मतलब बहुत रिफाइनमेंट और क्लास का, यानी उसको देखिएगा कि जो आर्टिजन होगा, जो अपने हाथ से, मान लो पश्मीना शॉल, वो अपने हाथ से बनाएगा और बहुत सही चीज़ों को और बहुत समय लेकर के बनाएगा, और इवन दो कि उसमें समय भी बहुत जाता है तो इसी कारण से उसका दाम भी बहुत महंगा होता है, ठीक है ना। दे वेर बेटर फिनिश्ड, अच्छा फिनिशिंग होता है, क्योंकि मास प्रोडक्शन वाला जो आपका मिल है या फैक्ट्री है, वो उसका फिनिशिंग वैसा नहीं आता,
उस समय के दौर में वो तो हैंडमेड वाली चीज़ों में ही आता था। इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड अकेले उसे सिर्फ उसको बनाने में समय दिया और बहुत डिज़ाइन केयरफुली उसका डिज़ाइन करता है ना। मशीन मेड गुड वेयर फॉर एक्सपोर्ट फॉर द टू द कॉलेज, ज़्यादातर मशीन मेड गुड्स जो होते थे वो कहीं कहीं उसका जो मास प्रोडक्शन जो होता था मशीन मेड गुड्स वस्तुओं का वो एक्सपोर्ट कर दिया, निर्यात कर दिया जाता था कॉलोनीज़ को वहाँ पर, क्योंकि उतना बेस्ट क्वालिटी नहीं होता था मशीन से जो निकल के आ रहे हैं। तो जो हैंडमेड गुड्स हैं जो हाथ से बनाए गए हैं वो कॉस्टली होता था, क्योंकि उसकी डिज़ाइन उसका फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त होता था और महंगा बिकता था, उसको बर्गीज हैं या अरिस्टोक्रेट ही उसको खरीद सकते थे, है ना। और जो मशीन मेड गुड हैं वो कॉलोनीज़ को एक्सपोर्ट किया जाता था प्रोडक्शन को, या मार्केट में सर्कुलेट कर दिया जाता था, जो खरीदना चाहे खरीद सकता था। चलो, इन कंट्रीज विथ लेबर शॉर्टेज, उन कंट्रीज़ में जहाँ लेबर शॉर्टेज है, इंडस्ट्रियलिस्ट बेचैन रहते थे कि चलो मैकेनिकल पावर का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उनके यहाँ जो ज़रूरत थी ह्यूमन लेबर का वो कम से कम है, ठीक है ना। और जो कम से कम लेबर हैं तो यानी इसका मतलब है वो हाई से हाई वेज लेंगे, तो जो नीड फॉर ह्यूमन लेबर कैन बी मिनिमाइज्ड, तो कम से कम जो लेबर का इस्तेमाल करें और मैकेनिकल पावर का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हम अपने मास प्रोडक्शन को कर सकें। लेकिन ये उन कंट्रीज़ के लिए लागू होता है जहाँ पर लेबर शॉर्टेज है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट बेचैन रहते थे कि मैकेनिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो उनके यहाँ तादाद कम है ह्यूमन लेबर्स का तो हाई वेज लेंगे जितने बचे हुए हैं, तो उनके ह्यूमन लेबर पर निर्भरता ही कम कर दी जाए। दिस वॉज द केस इन 19th सेंचुरी अमेरिका में, ये ऐसा केस था, ब्रिटेन में थे हाउएवर हैड नो प्रॉब्लम हायरिंग ह्यूमन हैंड। यहाँ पर हालांकि ऐसा समस्या ज़रूर था अमेरिका ब्रिटेन में, लेकिन तो भी यहाँ पे ह्यूमन हैंड्स को मतलब लेबर को हायर करने में दिक्कत नहीं होता था। चलो, लाइफ ऑफ द वर्कर क्या है, देखो वर्कर का लाइफ कैसा होता था। द अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट, यानी ज़बरदस्त जो लेबर भर गए मार्केट में, इससे कहीं ना कहीं वर्कर्स का लाइफ बड़ा मिजरेबल हो गया, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है ना। एज न्यूज़ ऑफ पॉसिबल जॉब्स, जैसे जैसे हुआ कि भाई शहरों में जॉब मिल रहा है, इंडस्ट्रीज में जॉब मिल रहा है, फैक्ट्रीज में जॉब मिल रहा है ना, जॉब का बात फैला कंट्री साइड में, मतलब शहरों से बाहरी क्षेत्रों में, सैकड़ों लोग सिटीज़ में आ धम के जॉब की तलाश में। अच्छा, द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जॉब, अच्छा शहरों में आ तो गए लेकिन आपको सही में संभावना होती थी जॉब मिलने का इस बात पर कि आपका कोई फ्रेंडशिप यहाँ पर ऑलरेडी फ्रेंड कोई काम कर रहा है कि नहीं, किसी नेटवर्क में मतलब किसी फैक्ट्री में अगर कोई काम कर रहा है फ्रेंड, या कोई किन रिलेशन यानी आपका रिश्तेदार अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसके वजह से आपको जॉब मिल पाता। यानी ऐसा नहीं था कि आप स्टेट आ गए लंदन और लंदन में आकर के कोई भी फैक्ट्री वाला आपको अपने यहाँ रख लेगा, नहीं, आपकी गारंटी लेने वाला कोई आपका फ्रेंड यहाँ काम करता हो या रिलेटिव काम करता हो तो आपको जॉब मिल जाता था। चलो, इफ़ यू हैड ए रिलेटिव और ए फ्रेंड इन ए फैक्ट्री, यू आर मोर लाइकली टू गेट ए जॉब क्विकली, क्योंकि गारंटी लेने वाले आपका आपके फैक्ट्री में आपके रिलेटिव और फ्रेंड है। बट नॉट एवरी वन हैड सोशल कनेक्शन, लेकिन ऐसा सभी के साथ तो होता नहीं था। बहुत सारे जॉब सीकर वेट करते थे, हफ्तों रात गुजारते थे बेचारे ब्रिजेस के नीचे, या नाइट शेल्टर्स में अपना समय गुजारते थे। कुछ तो नाइट रेफ्यूजी जो वहाँ पे होते, नाइट रेफ्यूजीज जो सेटअप की गई थी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, कैंप जैसा होता था, वहाँ पे गुजारते थे अपने समय को, चूँकि जॉब अभी तो मिल नहीं रही है लेकिन जितना समय रुके हैं तो ऐसे जगह पर रुकते थे। अदर्स वेंट टू कैजुअल वार्ड्स मेंटेन बाय पुअर लॉ अथॉरिटी, लॉ अथॉरिटीज़ के द्वारा जो कैजुअल वार्ड्स बनाए जाते थे उसमें दम ठूस ठूस के रहते थे, क्योंकि अभी तो बेरोजगार है, अभी किसी तरह शहर में रुकना है, जॉब जैसे ही मिल जाएगी स्थिति सही हो जाएगी, ठीक है। चलो, सीजनैलिटी ऑफ वर्क जो है, यानी एक सीजन भर का काम जो है, सीजनैलिटी ऑफ वर्क इन मेनी इंडस्ट्रीज मेंट प्रोलॉन्ग पीरियड विदाउट वर्क। अब जब सीजनैलिटी ऑफ वर्क वाला भी कंडीशन आपने देखा कि सिर्फ कुछ ही समय के लिए काम मिलता फिर बाकी समय बेरोजगार रहते, ये कहीं ना कहीं
बड़ा एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि बड़े लंबे समय के लिए आपके पास कोई काम नहीं होता, सिर्फ कोल्ड मंथ में काम है, अब बारिश और गर्मी भर बैठे रहिए बगैर जॉब का। तो आफ्टर द बिजी सीजन वाज ओवर, जो पुअर है, जब बिजी सीजन ओवर हो जाता है तो जो पुअर है वो फिर से वापस से रास्ते पे आ जाता है, क्योंकि काम तो है नहीं अब उसका, कुछ तो वापस चले जाते अपने विलेज चले जाते, शहर के बाहर जो उनका विलेज होता है वहाँ चले जाते, है ना, अब विंटर्स के बाद चले जाते। व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इन द रूरल एरिया ओपेंड अप इन प्लेसेस, है ना, जहाँ पर रूरल है ना, कुछ चले जाते अपने विलेजेस को विंटर्स में, जहाँ पर गांव में डिमांड ऑफ लेबर रूरल एरियाज़ में ओपन हो गई कि मतलब ठीक है यहाँ पर आइए खेत में काम कर सकते हैं, है ना। तो अब चूंकि शहर में तो आपका काम ख़त्म हो गया है तो अब विंटर में चले गए, गांव में एटलीस्ट लेबर के तौर पर आपको रख लिया जाएगा, कुछ समय के लिए वहाँ पर काम कर लेते हैं। अच्छा, बट मोस्ट लुक्ड फॉर ऑड जॉब्स, इसमें से ज़्यादातर जो बेचारे लेबर थे वो बड़ा निम्न स्तर का भी काम करने को तैयार थे, त्याग करते ही थे, क्या करेंगे। विच स्टिल द मिड 19th सेंचुरी वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड, मिड 19th सेंचुरी तक में इसे ऑड जॉब भी खोजना बड़ा मुश्किल होता था, जो निम्न स्तर का काम है, हम किसे झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन से लेकर के साफ सफाई गंदगी का से लेकर के मजदूर वाला काम से लेकर हम किसी भी तरह का काम करने को तैयार हैं, लेकिन काम मिले तो, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और लोगों का जॉब सीकर्स भी बहुत हैं। चलो, वेजेस इंक्रीज सम वॉट इन द अर्लियर 19th सेंचुरी, वेजेस बढ़ा क्योंकि जब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज सेटअप हुई तो लोगों का एक फिक्स इनकम आया, तो अब धीरे धीरे वेजेस भी बढ़ेंगे, है ना, यानी एक जो उनको पर डे या पर वीक या पर मंथ की जो एक इनकम होती थी वो मिलना शुरू हुई, और जैसे जैसे पुराने होते जाते वैसे वैसे वेजेस आपके बढ़ते जाते, है ना। तो वेजेस हम देखते हैं कि वेजेस में मजदूरी जो है वो बढ़ती है, मजदूरी का जो पैसा पैसा मिलता है वो बढ़ते जाता है अर्ली 19th सेंचुरी में। बट दे टेल अस लिटिल अबाउट द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, वेजेस बढ़ रहे हैं लेकिन वर्कर्स का वेलफेयर यानी उनके क्या वाकई वर्कर्स का भला हो रहा है, ये थोड़ा भ्रामक स्थिति है। वेजेस बढ़ रहा है लेकिन क्या सारे वर्कर्स खुश हैं, ऐसा नहीं है। द एवरेज फिगर हाइड द वेरिएशंस बिटवीन ट्रेड्स, जो एवरेज फिगर दिखाया जाता है, एवरेज फिगर किसका, जो वेजेस का, कि वेजेस देखो बढ़ रहा है वर्कर्स का, लेकिन उसमें ना कई तरह की चीज़ें छिप जाती थी। कैसे, जो हाइड द वेरिएशंस, किस तरह की चीज़ें छिप जाती थी, बहुत तरह के जो ट्रेड्स हैं उन ट्रेड्स में पर ट्रेड में कितना पैसा बढ़ रहा है वहाँ के मजदूरों का, ये तो बताओ। या जो फ्लक्चुएशंस यानी अप्स एंड डाउन्स हो रहा है आपको रेट का, वो पर्टिकुलर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ट्रेड है ईयर टू ईयर, आज इस साल इतना हुआ, अगले साल इतना हुआ, उसके 2 साल पहले कितना हुआ, तो ईयर टू ईयर जो जो वेजेस फ्लक्चुएट कर रहा है हर अलग अलग सिंगल इंडिविजुअल ट्रेड में, तो ये सारा चीज़ जो है ना वो छिप जाता था, बस कॉमनली बोल दिया गया। जैसे बोलते हैं ना एवरेज इनकम, एवरेज इनकम बोलते हैं ना कि भाई एक बार कैपिटा इनकम जो निकाल रहे हैं कि भाई 4 लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वहाँ टोटल 10 लोग रहते हैं किसी मान लीजिए क्षेत्र में, 4 लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, 6 लोग कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन जब एवरेज इनकम निकालिएगा तो टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन, या 4 लोग मान लो 40 रुपया कमा रहे हैं तो टोटल पॉपुलेशन 10 है तो एवरेज इनकम आ गया 4 रुपया, कि पता 4 रुपया प्रति व्यक्ति का आय है, लेकिन क्या ये वाकई ट्रू करेक्ट आपका डेटा है, क्या 4 रुपया हर पर्सन कमा रहा है, नहीं। इसी तरह वेजेस बढ़ा दिए, वेजेस बढ़ रहे हैं वर्कर्स के, लेकिन क्या हर अलग अलग इंडस्ट्री के वेजेस बढ़ रहे हैं, क्या उन पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस या मनी अर्निंग जैसा भी हो रहा है साल दर साल, हर एक साल का जो फ्लक्चुएशन आ रहा है उस अनुसार उनका वेजेस बढ़ रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें कवर अप हो जाती थी। चलो फॉर इंस्टांस, देखो उदाहरण के लिए देखिए, व्हेन प्राइसेस रोज शार्पली ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग नेपोलियनिक वॉर, यानी जब नेपोलियनिक वॉर हो रहा था नेपोलियन बोनापार्ट का,
उस समय जो वस्तुओं के दाम थे वो बहुत तेजी के साथ महंगी हुई। द रियल वैल्यू ऑफ व्हाट द वर्कर्स अर्नड फेल सिग्निफिकेंटली, लेकिन जो वर्कर्स जो पैसा कमा रहे थे वो बहुत कम था, वो बहुत ही कम होता था नेपोलियनिक वॉर के समय में, है ना। प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं वस्तुओं के, लेकिन जो रियल वैल्यू ऑफ व्हाट द वर्कर अर्न, यानी वर्कर्स के द्वारा कमाया गया जो वेजेस है वो बहुत ज़्यादा कम होता था। सिंस द सेम वेजेस कुड नाउ बाय फ्यूअर थिंग, इसीलिए जो वेजेस जो उनको मिलता था वर्कर्स को नेपोलियनिक वॉर के समय में, उससे वो बहुत कम ही चीज़ खरीद पाते थे। मोर एवर द इनकम ऑफ वर्कर्स डिपेंडेड नॉट ऑन द वेज रेट अलोन, इसीलिए इनकम ऑफ जो वर्कर के जो इनकम थे वो सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करते थे कि उनका वेज रेट क्या है, यानी किस दर से उनका वेज बढ़ रहा है, इस बात पर निर्भर नहीं होता था। फिर से पढ़िए। मोर एवर द इनकम ऑफ वर्कर डिपेंडेंट नॉट ऑन द वेज रेट, यानी जो वर्कर्स का जो इनकम है वो टोटली डिपेंडेंट नहीं होता था कि किस दर से उनका वेज रेट बढ़ रहा है। भाई महंगाई भी तो बढ़ रहा है उसी हिसाब से। तो व्हाट वाज आल्सो क्रिटिकल वाज द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये इस बात पर भी निर्भर करता था कि उनके पास कितने समय के लिए रोजगार है, कितने दिन के लिए वो रोजगार करते हैं। द नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क डिटरमाइंड द एवरेज डेली इनकम ऑफ द वर्कर, यानी उसके पास कितने दिनों का काम है जो ये बताता था कि उसका रोजमर्रा का उसका इनकम कितना हो रहा है उस वर्कर का। समझिए वेज रेट से क्या मतलब है। हम बोल रहे हैं कि 10 रुपया के बजाय हम 50 रुपया दे दें, ठीक है, लेकिन 3 महीना के लिए ही काम दीजिएगा, तो 3 महीने में हम क्या पैसा कमाएंगे। लेकिन यही 10 रुपया हमको दीजिए और हमको 12 महीना रखिए तो मेरे पास ज़्यादा अर्निंग आएगा ना। समझिएगा, एट द बेस्ट टाइम टिल द मिड 19th century 10% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन जो थे वो एक्सट्रीमली पुअर थे, एक्सट्रीमली जबरदस्त गरीब थे, है ना। मिड 19th century तक में अर्बन पॉपुलेशन एक्सट्रीमली पुअर थे। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाया तो सबको लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इन पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्लम, जब आपको आर्थिक गिरावट दिखाई देता है उस समय में, लाइक द 1830s के समय में, द प्रपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड वेंट अप टू एनीथिंग बिटवीन, देख लो जो अनएम्प्लॉयड की संख्या जो थी उस समय 1830s में 35% से बढ़कर के 75% तक हो गई अलग अलग क्षेत्रों में ब्रिटेन में। देख लीजिए, यानी इकोनॉमिक स्लम यानी आर्थिक जो गिरावट आती है वो 1830 से में जो अनएम्प्लॉयमेंट जो सिर्फ 35% था वो 75% हो गया। सोचो कितने लोग बेरोजगार हुए, है ना। चलो द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देखो एक डर एक भय, द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, लोगों में एक भय का वातावरण जो जागा, भय किस बात का कि हम बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। वो वर्कर्स को एक जो डर हुआ ना कि हम अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, इस बात का डर उन्हें और दुश्मन बना दिया और उनको कहीं ना कहीं गुस्से में ला दिया कि कोई भी नया टेक्नोलॉजी होगा हम लोग बाहर जाएंगे, है ना। इसी में एक क्रम आता है विनिंग द व्हेन द स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। देखिए स्पिनिंग जेनी जो है ना उसका इमेज देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर आपका स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा 1764 में, है ना। स्पिनिंग प्रोसेस रिड्यूस लेबर डिमांड, यानी कम से कम लोग जरूरी था। यहाँ पे देखिएगा स्पिनिंग जेनी का एक इमेज है, मेरे ख्याल से पीछे रहा होगा, चलिए उसको देख लीजिएगा, हालांकि बना हुआ है तो प्लीज़ उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। चलो स्पिनिंग जेनी जो इंट्रोड्यूस किया गया इन द वुलन इंडस्ट्री, वुमेन हु सर्वाइव्ड ऑन हैंड स्पिनिंग बिगैन अटैकिंग द न्यू मशीन। तो वुलन इंडस्ट्री में जो स्पिनिंग जेनी लाया गया जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा डिज़ाइन था, है ना, उसमें आप लेबर कर्टेल कर सकते थे, यानी कम से कम लेबर में भी आप बना सकते हैं कपड़ों को। तो वुमेन जो उस समय सर्वाइव कर रही थी हैंड स्पिनिंग पर, मतलब बेचारी महिलाएं हैंड स्पिनिंग पर ही जो वहाँ कपड़े उपड़े बनाती थी,
उसके जगह पे ये स्पिनिंग जेनी जैसा नया मशीन आ रहा था, तो इन लोगों ने वुमेन्स ने हमले करने शुरू कर दिए उन फैक्ट्रीज़ पर जो स्पिनिंग जेनी लगा रहे थे। दिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनी कंटिन्यूड, ये लंबे समय तक चला, मतलब कि भाई स्पिनिंग जेनी ना लगाई जाए, इससे कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। आफ्टर द 1840s के बाद बिल्डिंग एक्टिविटी बहुत बढ़ गया, सिटीज़ में नए नए इमारतें बनाने का बड़ा ट्रेंड शुरू हो गया। इससे कहीं ना कहीं एक नया रोजगार का अपॉर्चुनिटी खुल गया कि मतलब जो बिल्डिंग्स बन रही है उसमें, जैसे रोड को वाइडन किया गया तो उसमें भी जरूरी था रोजगार के लिए। न्यू रेलवे स्टेशंस कम अप, रेलवे लाइंस वेर एक्सटेंडेड, टनल डग, है ना, सुरंगें बनाई जा रही हैं, ड्रेनेज सिस्टम सही किया जा रहा है, नाली सही की जा रही है, रिवर्स के किनारे एम्बैंकमेंट यानी तट बनाए जा रहे हैं, उसको पक्का किया जा रहा है। तो इन सब में नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, देख रहे हैं, बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत थी। इवन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी हम देखते हैं नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल हुआ है इन 1840s, है ना, एंड डबल्ड अगेन इन द सब्सिक्वेंट 30 ईयर। यानी 1840s में आपको डबल हुए हैं वर्कर्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, और आने वाले 30 साल में और डबल हो गए। यानी जैसे जैसे मौके बनते जा रहे हैं अन्य अन्य सेक्टर्स में, जैसे ये तो आया था बिल्डिंग एक्टिविटी वाला सेक्टर, फिर धीरे धीरे रोड वाला आ गया कि रोड बनाने में वर्कर चाहिए, नए रेलवे स्टेशन बनाने के लिए वर्कर चाहिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए वर्कर चाहिए, टनल्स डगअप करने के लिए वर्कर चाहिए, ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम को बनाने के लिए वर्कर चाहिए, रिवर। तो जो जो एरिया खुलते चला गया उसमें वर्कर्स तमाम लगते चले गए। फाइनली लास्ट में लिखा है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में 1840 तक में जो वर्कर्स एम्प्लॉयड थे वो डबल्ड हुए, यानी दुगुना वर्कर्स अब काम करने लगे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, है ना। और उसके बाद 1840 से लेकर 30 यानी 1870s तक में और दुगुने वर्कर इस काम करना शुरू किए। चलो इंडस्ट्रियलाइजेशन तीसरा टॉपिक, पहला दूसरा डन है, तीसरा टॉपिक देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, यानी जो कंट्री किसी का कॉलोनी है उसमें क्या हाल है। हमारा भी कंट्री एक कॉलोनी हुआ करता था ब्रिटेन का। चलो लेट अस नाउ मूव टू इंडिया, इंडिया को देखते हैं कि हमारे यहाँ कॉलोनी कैसे इंडस्ट्रियलाइज हुई, क्या कैसे यहाँ पे उद्योगों को लगाया गया। वंस अगेन वी विल लुक नॉट ओनली ए फैक्ट्री इंडस्ट्री, एक बार फिर से हम लोग से फैक्ट्री इंडस्ट्री को ही नहीं देखेंगे, बल्कि यहाँ पे नॉन मैकेनाइज सेक्टर जिसमें फैक्ट्री जिसमें मशीन्स नहीं लगी हुई होती, है ना, उन एरियाज को भी देखेंगे जो छोटे छोटे सदियों से यहाँ रहे हैं और प्रोडक्शन करते रहते हैं। वी विल लिमिट अवर डिस्कशन प्राइमरली टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हम लोग अपनी जो इस चर्चा को सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक ही सीमित अभी रखेंगे, आगे चीज़ें और देखा जाएगा। द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, देखिए एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, हमारे यहाँ मशीन इंडस्ट्री से बहुत पहले सिल्क और कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया, जो हमारे यहाँ से सिल्क और कॉटन के बने हुए कपड़े जो होते थे इंडिया के, वो डोमिनेट करता था इंटरनेशनल मार्केट में टेक्सटाइल में, कपड़ा उद्योग में। हमारे यहाँ कोर्सर कॉटन बहुत ज़बरदस्त प्रोड्यूस किया जाता था, कोर्सर कॉटन वे प्रोड्यूस्ड इन मेनी कंट्रीज, कोर्सर कॉटन बहुत सारे कंट्री में प्रोड्यूस होता है, लेकिन फाइनर वेराइटी जो है उसका एकदम सबसे अच्छी वेराइटी जो है वो इंडिया से ही आता है। देख लेते हैं कोर्सर का मतलब एक बार देख लिया जाए, मोटा कोर्सर कॉटन, तो जो कोर्सर कॉटन है आपको मोटा ये होता, देखिए ये है कोर्सर कॉटन, देखिए ये जो है ना इस तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये है कोर्सर कॉटन पहला वाला, ये देखिए ये है कोर्सर कॉटन, तो इसका जो है ये थोड़ा मोटा होता है, ठीक है ना। तो जो कोर्सर कॉटन है वो दुनिया भर में लगाए मिलता था, लेकिन भारत में फाइनर वेराइटीज़ का कॉटन आपको पाया जाता था। आर्मेनियन हो, पर्शियन हो, मर्चेंट्स जो होते थे वो टुक द गुड्स फ्रॉम द पंजाब टू अफगानिस्तान, देख रहे हैं आर्मेनियन है, पर्शियन मर्चेंट जो है वो पंजाब से, भारत के पंजाब से गुड्स को लेते और अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया और सेंट्रल एशिया में क्या करते, ले जाते थे बेचने के लिए।
बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल्स वेर कैरिड ऑन कैमल बैक. बेल्स यानी फाइन टेक्सटाइल्स के बेल्स. देखो बेल्स कैसे होते हैं, हम आपको दिखाते हैं. देखो इस तरह से बनाए जाते हैं, देख रहे हैं ये बेल्स हैं. देखो ये बेल्स है, इस तरह से इकट्ठा कर करके उसको ऊंट के ऊपर लाद देते थे. बेल्स ऑफ क्लॉथ कर देता हूँ इसको भी, देखो आप इसको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. देखो ये है ना, इस तरह से बांध दिया ना, ये बेल्स है, रोल ऑन कर करके ले जाते हैं. तो देखिए बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल्स को ये कैमल बैक पर बांध करके नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर यानी पाकिस्तान के रास्ते होते हुए नॉर्थ वेस्टर्न यानी इंडिया के कंसर्न में समझिए डायरेक्शंस ले जाते थ्रू माउंटेन पास क्रॉस डेजर्ट यानी माउंटेन पासेस से पहाड़ों के बीच से होते हुए डेजर्ट को पार करके ले जाते बेचने के लिए. अच्छा एक वाइब्रेंट यानी बहुत विकसित और खुला हुआ और ज़बरदस्त सी ट्रेड ऑपरेट होता था आपको थ्रू मेनी प्री कॉलोनियल पोर्ट यानी प्री कॉलोनियल यानी अंग्रेजों के आने से पहले जो बंदरगाह जो ऑपरेट करता था सी ट्रेड यानी समुद्र के रास्ते आपको व्यापार जो होता था उसमें पोर्ट्स कहाँ कहाँ का, सूरत गुजरात का, गुजरात के कोस्ट पर वो कनेक्ट करता था इंडिया को गल्फ कंट्रीज़ यानी अरब नेशंस के साथ और रेड सी के साथ, रेड सी के पोर्ट के साथ कनेक्ट करता था. दूसरे तरफ मसूलीपट्टनम ऑन द कोरोमंडल कोस्ट है ना, कोरोमंडल कोस्ट पर मसूलीपट्टनम है वो हुगली एंड हुगली इन बंगाल है ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन इंडोनेशिया या आपका मलेशिया सिंगापुर ऐसे कई कंट्रीज थे उनके साथ ट्रेड रिलेशंस हुआ करता था सी रूट के तहत मसूलीपट्टनम और हुगली इन बंगाल से होते हुए ट्रेड होता था है ना साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ. चलो एक वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट और बैंकर्स थे जो इन्वॉल्व होते थे इस तरह के एक्सपोर्ट ट्रेड के नेटवर्क में यानी एक्सपोर्ट ट्रेड यानी वस्तुओं को अपने देश से निर्यात करते थे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते थे तो उसमें कुछ इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स भी इन्वॉल्व रहते थे. और इनका काम क्या होता था, जैसे फाइनेंस करते थे प्रोडक्शन के लिए फाइनेंस पैसा लगाते थे कैरिंग गुड एंड सप्लाइंग एक्सपोर्टर्स है ना, ये गुड्स कैरी करते थे वस्तुओं को माल ढुलाई करते थे एक जगह से दूसरे जगह और सप्लाई करते थे एक्सपोर्टर्स को, जो एक्सपोर्टर है जहाँ पर भी उसको ये मर्चेंट सप्लाई करते थे मतलब गुड्स कैरी करके उनके तक पहुँचा दिया अब वो अपना शिप करके कहीं और ले गया ठीक है ना. ये सप्लाई मर्चेंट्स क्या लिंक करते थे जहाँ ध्यान से देखिएगा ये बार बार आएंगे बार बार इनका वर्ड आएगा. ये सप्लाई मर्चेंट्स जो हैं ये लिंक करते थे पोर्ट टाउन्स टू इनलैंड रीजन यानी समुद्री तटीय इलाके में जो बंदरगाह हैं उन क्षेत्र को भारत के अंदरूनी क्षेत्र से ये क्या करते थे सप्लाई मर्चेंट कनेक्ट करते थे. क्यों सप्लाई मर्चेंट सपोज करो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में तो समुद्र नहीं है ना, तो भोपाल से मान लो कोई सामान उठाया उसको लेकर के आए सूरत के पोर्ट तक. अब सूरत के पोर्ट पर वहाँ कोई खड़ा होगा एजेंट खड़ा होगा या एक्सपोर्टर खुद खड़ा होगा वो खरीदेगा सप्लाई मर्चेंट से सामान उसके बाद उसको शिप करके ले जाएगा जहाँ भी बेचना होगा है ना. अच्छा सप्लाई मर्चेंट क्या करते हैं दे गिव एडवांसेस टू वीवर्स, ये लोग वीवर्स को एडवांस पेमेंट करते थे. वीवर जो बुनकर होते थे कपड़ा बनाते थे प्रोक्योर द वुमेन क्लॉथ फ्रॉम वीविंग विलेजेस और जो वीविंग विलेजेस से जो बुने गए कपड़े हैं उनको रखते थे अपने पास संभाल करके और एंड कैरीड द सप्लाई टू द पोर्ट और उन जो सप्लाई है ना उन जो कमोडिटी है कपड़े हैं उनको क्या करते थे बंदरगाह तक भेजते थे जहां पर वो फिर आगे के प्रोसेस में जाता था एट द पोर्ट. अब देखो जो बंदरगाह तक पहुँचाई ये सप्लाई मर्चेंट, अब पोर्ट पर क्या होते थे बिग शिपर्स वहाँ मौजूद होते थे बड़े बड़े जहाजी जो सप्लाई मर्चेंट से सामान खरीदते थे या एक्सपोर्ट मर्चेंट जो है वहाँ पे खड़ा होता था जो कि या उसके पास ब्रोकर्स होते थे दलाल लोग होते थे उसके द्वारा रखे गए ऑफिशियल्स होते थे वो निगोशिएट करते थे प्राइस सप्लाई मर्चेंट से कि भोपाल से लाए हो तुम ये सामान हम देखो इतना रुपया में ले लो हमको ये सामान दे दो है ना
निगोशिएट हो जाता था, सामान खरीद लिए जाते थे सप्लाई मर्चेंट से, जो कि ऑपरेट करता था अंदरूनी क्षेत्रों से भारत के, ताकि बंदरगाह तक पहुंचा दिया, पैसा मुनाफा ज़बरदस्त कमाए, कि इस तरह से काम करते थे ये लोग। बाय द 1750s, देखिए 1750s में ये जो नेटवर्क है ये कंट्रोल करते थे इंडियन मर्चेंट्स, है ना, इसे तोड़ दिया गया क्योंकि पैसा कमा रहे हैं। अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स को ये बात पसंद आएगा नहीं, है ना, यूरोपियन पावर्स को ये सब पसंद आएगा नहीं कि भारतीय कैसे मुनाफा कमा ले, तो इसीलिए उन्होंने सिस्टमैटिकली डिसमेंटल करना शुरू कर दिया हमारे यहाँ के उद्योग को। क्या था, यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली गेंड पावर, याद होगा 1757 का प्लासी और 1761 से 64 में देख लीजिएगा एक बार बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ये दोनों वॉर के बाद बैटल के बाद पूरा भारत उनके कब्जे में चला गया, आप भी जानते हैं। तो चलो देख लेते हैं, एग्जैक्ट 1764 है बैटल ऑफ प्लासी, तो 1757 है। अब देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ है, इसके बाद तो तीनों कंबाइन फोर्सेस को हरा दिया गया था ना, देख लेते हैं ईयर क्या था, 1764 करेक्ट है, 1764 में लड़ा गया और पूरा भारत चला गया ब्रिटिशर्स के हाथ में। चलो अब जैसे ही ये पावर गेन किए ये यूरोपियन कंपनी, जैसे पोर्तुगीज़ हैं, फ्रेंच हैं, डच हैं, ब्रिटिश हैं, ये भारत में आए हैं अपने को यहाँ पे व्यापार करने और फिर रूलिंग करना शुरू किया अलग अलग हिस्सों को। इन लोगों ने क्या किया, फर्स्ट सिक्योरिंग ए वैरायटी ऑफ कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट, यानी लोकल दरबार से, यहाँ कोर्ट का मतलब है कि राजा का जो दरबार होता था लोकल कोर्ट, वहाँ से ज़बरदस्त कटौती पर यानी कम पैसे पर ट्रेड करने के लिए परमिशन प्राप्त कर लिया, वैरायटी ऑफ कंसेशन छूट मिली इनको, है ना, रूलर से। और उसके बाद देन द मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड, फिर एकाधिकार कर लिया कि एक्सक्लूसिव राइट होगा सॉल्ट पर, सिर्फ हम ही लोग बना सकेंगे और उसके मुनाफे का इतना हिस्सा राजा को दे देंगे, बाकी अपने ऑफिशियल्स में बांटा जाएगा या इतना उस प्रोडक्ट को अपने देश में भेज देंगे, है ना। तो मोनोपोली राइट ले लिया, पहले कंसेशन प्राप्त किया लोकल कोर्ट से, फिर मोनोपोली राइट ले लिया उस ट्रेड पर। फिर उसके बाद देखिए इसकी वजह से क्या हुआ, दिस रिजल्ट इन अ डिक्लाइन ऑफ ओल्ड पोर्ट्स, इसकी वजह से हम देखते हैं गिरावट। ओल्ड पोर्ट जैसे सूरत और हुगली जो था, जो जिस पोर्ट से ज़्यादातर सामान वस्तुओं का निर्यात होता था दूसरे दूसरे देशों में, वहाँ पर स्थिति और गिरावट आई, थ्रू विच लोकल मर्चेंट्स हैड ऑपरेटेड। तो जो लोकल मर्चेंट सूरत या हुगली के थ्रू वस्तुओं का निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, अब उन पोर्ट्स को कहीं ना कहीं डिस्करेज किया गया, डिसमेंटल किया गया समय के साथ साथ यूरोपियन पावर्स के द्वारा, और वहाँ से एक्सपोर्ट को दम ख़त्म कर दिया गया, मतलब एकदम धीरे 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 ये लुप्त ही हो गए। अच्छा, एक्सपोर्ट फ्रॉम दीज पोर्ट्स फेल ड्रामेटिकली, बहुत ही नाटकीय ढंग से इन पोर्ट्स सूरत और हुगली से एक्सपोर्ट होना, निर्यात होना कम हो गए नाटकीय ढंग से। द क्रेडिट दैट हैड फाइनेंस्ड द अर्लियर ट्रेड बिगैन ड्राइंग अप, अब यहाँ से जिन लोगों ने भी अपना अपना पैसा लगाया था इन पोर्ट्स के थ्रू, बंदरगाह के थ्रू सूरत और हुगली के, अब वहाँ से सूखना शुरू हो गया वो पैसा, यानी अब कोई वहाँ से पैसा नहीं लगाता था उस तरफ से, कोई भी एक्सपोर्ट एक्टिविटी, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करता था, है ना। अब उधर से देखो, ये यूरोपियंस का मकसद था कि कैसे हम लोग जो ओल्ड पोर्ट है जिस पर कि कंट्रोल अभी यूरोपियन पावर का नहीं है, जैसे ब्रिटेन का भारत के सूरत वगैरह पर, उसको डिस्करेज किया जाए और नए पोर्ट्स बनाए जाए जो टोटली डोमिनेटेड हो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अच्छा, लोकल बैंकर स्लोली वेंट बैंकरप्ट, क्योंकि जो लोकल बैंकर्स थे जिन्होंने सूरत और हुगली के थ्रू पैसे लगा रखे थे ताकि वहाँ से व्यवसाय ट्रेड कर सके, वो पूरी तरह से कंगाल हो गए। इन द लास्ट ईयर ऑफ 17th सेंचुरी, देख लीजिए 17th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते, ग्रॉस वैल्यू ऑफ ट्रेड दैट पास थ्रू सूरत हैड बीन रुपीज 16 मिलियन। अब देखो 17th सेंचुरी के लास्ट में जो व्यापार होता था, ग्रॉस वैल्यू ऑफ ट्रेड, जो सकल पूरा मूल्य, जो आपका पूरा एक ग्रॉस वैल्यू लीजिए पूरे ट्रेड का जो सूरत के पोर्ट से होता था, वो 16 मिलियन रुपीज़ का होता था। ये 1740s तक आते आते ये गिरावट आई 3 मिलियन, यानी 16 मिलियन से 3 मिलियन।
सोचिए कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ हमारे इस तरफ से, ये ब्रिटिशर्स ने कितना डिस्करेज किया है। चलिए अगला है, वाइल सूरत एंड हुगली डिकेड, यानी सूरत और हुगली ख़त्म होना शुरू हो गए, जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, वो धीरे धीरे उसमें गिरावट आना शुरू हो गई। बॉम्बे और कलकत्ता ग्रियो, क्योंकि बॉम्बे और कलकत्ता अंग्रेजों के हाथ में था। दिस शिफ्ट फ्रॉम ओल्ड पोर्ट टू द न्यू वंस वॉज द इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल पावर। ये ओल्डर पोर्ट से जो न्यूअर पोर्ट्स की तरफ ये जो शिफ्ट घूम रहा था, ट्रेड का घुमा दिया गया था, ये दिखाता था कॉलोनियल पावर का ग्रोथ, यानी ब्रिटिश अब डोमिनेंट फेस हो रहे हैं। तो ये अब दिखता है कि अब आप लोग को करना भी है, जो भी एक्सपोर्ट वो करना है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, वो आपको बॉम्बे और कलकत्ता से करना है, न कि सूरत और हुगली से। चलो, ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट्स केम टू बी कंट्रोल्ड बाय यूरोपियन कंपनी। जो ट्रेड होता है न्यू पोर्ट से, वो अब डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे यूरोपियन कंपनीज, और यूरोपियन शिप्स के थ्रू होगा। यानी ये लोग अब इंडियन मर्चेंट्स का गला दबा के रखे थे, अब तुम करो, तुम बॉम्बे और कलकत्ता पोर्ट का इस्तेमाल यहाँ से तुम बेरही शिप से करोगे या हमको उतना टैक्सेस पे करोगे। प्रॉब्लम काफ़ी था। वाइल मेनी ऑफ द ओल्ड ट्रेडिंग हाउस कोलैप, बहुत सारे पुराने जो हमारे यहाँ बिजनेस फैमिली थी, ट्रेडिंग हाउसेस था, वो ख़त्म होते चले गए, क्योंकि पैसा का गाली में आ गए, क्योंकि इन लोगों ने इतना टैक्सेस इम्पोज कर दिया, इतना नियम को सख्त कर दिया। दोज दैट हु वांटेड टू सर्वाइव हैड नाउ ऑपरेट विद इन ए नेटवर्क शेप्ड बाय द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। जो जीवित रहना चाहते थे, सर्वाइव करना चाहते थे और ट्रेड को जिंदा रखना चाहते थे, वो उन लोगों ने मान लिया और उन लोगों ने समझौता कर लिया कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने जो एक नेटवर्क बनाया है कि सिर्फ बॉम्बे और कलकत्ता के थ्रू, या उनका जो भी सिस्टम है जिसके थ्रू वो इजाज़त देते हैं, अलाउ करते हैं इंडियन ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए, उसमें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इंडियन ट्रेडर्स ने कि चलो भाई, मरता क्या ना करता, इन्हीं के हिसाब से करें। चलो, हाउ डिड दिस चेंज अफेक्ट द लाइफ ऑफ वीवर एंड द आर्टिजन। इन सारी चीज़ों की वजह से जो ये सब चीज़ें ऊपर हो रही हैं, इससे वीवर बुनकर, भारतीय बुनकर और जो छोटा छोटा कर्म करने वाला है, वो कैसे प्रभावित होता है, उसे देखते हैं। चलिए, व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, वीवर्स को क्या हुआ, बुनकर को। द कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कंसोलिडेशन यानी राजनीतिक विस्तार। तो भारत में चूंकि अब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर भी हो गया है, तो और राजनीतिक तौर पे इस विस्तार हो गया, यानी भारत पूरा तरह से उनके कब्जे में चला गया। तो कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पावर आफ्टर द 1760 डिड नॉट इनिशियली लेड टू ए डिक्लाइन इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे जैसे राजनीतिक विस्तार होता है 1760s के बाद, तो इसकी वजह से ऐसा भी नहीं था कि शुरुआती दौर में ही 1760s के बाद जब वो ताकतवर हुए भारत में, तो उसी दौर में हम कहीं ना कहीं ये नहीं देखते हैं कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो भारत का है उसमें गिरावट आ गई। उस समय हम लोग अच्छे खासे पोजीशन में थे, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता था भारत से, ठीक है ना। ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री हैड नॉट येट एक्सपेंडेड, भारत में ब्रिटेन के कॉटन इंडस्ट्री अभी पैर नहीं पसारी थी, और इंडियन फाइन टेक्सटाइल्स वेयर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। और इंडिया में बने हुए जो फाइन टेक्सटाइल, खूबसूरत और बेहतर क्वालिटी के जो कपड़े थे, यूरोप में बहुत डिमांड में थे। सो द कंपनी वॉज कीन ऑन एक्सपेंडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। इसलिए कंपनी और बेचैन थी कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को और बढ़ाया जाए इंडिया से यूरोप को, है ना, एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, क्योंकि उससे उनको मुनाफा चाहिए था, ना कि हम लोग के लिए कोई रास्ता खोलने वाले थे। बिफोर इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, याद होगा 1757 का रिवॉल्ट बैटल ऑफ प्लासी बंगाल रीजन में। तो बिफोर इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, बंगाल में पॉलिटिकल पावर स्थापित करने से पहले, जब नवाब्स बने थे, और क्रेनेटिक वॉर इन 1760s एंड 1770s, क्रेनेटिक वॉर हुआ था इन ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस में, जो युद्ध हुआ चला है हम भारत में। तो द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फाउंड इट डिफिकल्ट टू इंश्योर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, है ना। तो जो क्रेनेटिक वॉर चला है फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन का भारत में,
और साथ में पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश करने से पहले बंगाल रीजन में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बड़ा ही मुश्किल था कि वो इंश्योर करे रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, वस्तुओं का एक रेगुलर सप्लाई किया जा सके एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है ना। एक्सपोर्ट के लिए रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स को इंश्योर कर पाना ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल था। कब? जब तक वो बंगाल रीजन में स्थापित नहीं हुए और क्रेनेटिक वॉर में फंसे हुए थे। चलो दूसरी तरफ देखते हैं, द फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज एज वेल एज द लोकल ट्रेडर्स कम्पीटेड इन द मार्केट टू सिक्योर वुवन क्लोथ। उसी तरफ दूसरे तरफ में यहाँ पर फ्रेंच भी थे, डच भी थे, पोर्तुगीज थे और साथ में इंडियन लोकल ट्रेडर्स भी थे जो ब्रिटिश को काफ़ी कंपटीशन देते थे मार्केट में, है ना, कि वुवन क्लोथ ज़्यादा से ज़्यादा कौन एक्यूमुलेट कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जो ज़्यादा एक्यूमुलेट करेगा फिर वो एक्सपोर्ट करेगा, मुनाफा कमाएगा, है ना। तो इसीलिए सो द वीवर्स एंड सप्लाई मर्चेंट, इसीलिए जो वीवर हैं, जो बुनकर हैं, सो द वीवर एंड सप्लाई मर्चेंट कुड बार्गेन एंड ट्राई सेलिंग द प्रोड्यूस टू द बेस्ट बायर। इसीलिए जो बुनकर और सप्लाई मर्चेंट हैं उनके पास बार्गेन करने का, यानी उनके पास थोड़ा सा कि भाई इतना कौन ज़्यादा पैसा देगा, फ्रेंच देगा, डच देगा, पोर्तुगीज देगा या लोकल ट्रेडर देगा या ब्रिटेन देंगे, तो उनके पास मौका था कि वो बार्गेन कर सकते थे किससे ज़्यादा पैसा मिल सकता है। तो सो द वीवर और सप्लाई मर्चेंट कुड बार्गेन और अपने सेल को बेस्ट बायर को बेच सकते थे, अपने जो भी प्रोडक्शन है या गुड्स हैं उसको बेस्ट बायर को देंगे जो ज़्यादा पैसा देता है ना। अच्छा, इन देयर लेटर बैक टू लंडन कंपनी ऑफिशियल्स कंटिन्यूसली कंप्लेंट ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑफ सप्लाई इन हाई प्राइसेस। जो लंदन को कंपनी ऑफिशियल जो बार बार लेटर लिखते थे सूचित करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए कि बड़ा मुश्किल हो रहा है कि एक लगातार हम सप्लाई को मेंटेन रख पाए, है ना, रेगुलर रख पाएँ, कंटिन्यू रख पाएँ सप्लाईज को, जो भी कोई भी कमोडिटी वस्तु हो या प्रोडक्शन हो ब्रिटेन को हम भेज पाएँ रेगुलर बेसिस पर, ये बड़ा मुश्किल है। और उसके प्राइसेस को हम भी कंट्रोल कर पाए ये भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज, है ना, डेन्स, फिर लोकल ट्रेडर सब मौजूद हैं जो कि हाथ ज़बरदस्त कंपटीशन दे रहे हैं, ये लोग जाके खरीद लेते हैं अच्छे पैसे देकर। तो हाउएवर वंस द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश ए पॉलिटिकल पावर, एक बार जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर भारत में इस्टेब्लिश कर लिया तो उसके बाद वो मोनोपोली राइट टू ट्रेड यानी एकाधिकार स्थापित कर देगी ब्रिटेन वाले अपना भारत में, कि सिर्फ हम ही व्यवसाय कर सकते हैं, तुमको व्यवसाय करना है तो मेरे तरीके से करो, टैक्सेस पे करो तब कर सकते हो, ठीक है ना। इट प्रोसीडेड टू डेवलप ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। इन लोगों ने, ब्रिटेन वालों ने क्या किया कि इन लोगों ने एक सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट यानी कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम को तैयार किया, है ना, डेवलप किया एक सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, कैसे मैनेज किया जाए ये वीवर वगैरह, कैसे हम लोग को बेचे, हम लोग को कम से कम कीमत पे बेचे वगैरह, एक सिस्टम को मैनेजमेंट को डेवलप किया। साथ में कंट्रोल दैट वुड एलिमिनेट कंपटीशन, और एक तरीका ऐसा इजाद किया जो कंट्रोल कर सके, है ना, और एलिमिनेट कर सके कॉम्पटिशन को, जो पैरेलली और अदर जो बायर्स हैं मार्केट में उसको हटा दे, उसको पूरी तरह से एलिमिनेट हटा दे, कंट्रोल करें जो प्राइसेस है, कॉस्ट को कंट्रोल करें और इंश्योर करें रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन और सिल्क गुड आपको ब्रिटेन को, है ना। ये सब चरणबद्ध तरीके से हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आपको तरीके से हुआ है, है ना, चरणबद्ध तरीके से। कैसे देखते हैं, पहला, फर्स्ट, कंपनी ट्राइड टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स। कंपनी ने पहले कोशिश किया कि जो भी एग्जिस्टिंग ट्रेडर हैं उस समय मौजूद हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं जो व्यवसाय करने वाले हैं या ब्रोकर्स हैं, दलाल हैं जो कनेक्टेड हैं क्लोथ ट्रेड से, है ना, उनको तो पहले ख़त्म करो, हटाओ पहले मार्केट से, इतना टैक्स लगा दो, इतना रिस्ट्रिक्शंस लगा दो कि ये क्लोथ ट्रेड में ये एग्जिस्टिंग ट्रेडर ही हट जाए या उनके ब्रोकर हट जाए। और साथ में एंड इस्टेब्लिश अ मोर डायरेक्ट कंट्रोल ऑन द ओवर द वीवर, और ब्रिटेन वाले डायरेक्ट कंट्रोल करें ये बुनकरों पर, ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने एक पेड सर्वेंट को अपॉइंट किया जिसको इन लोगों ने गोमस्थास कहा गया, जो कि सुपरवाइज करे वीवर्स को, यानी वीवर्स को देख अपने ऑब्जर्वेशन में रखे कि ये कहीं और को कुछ बेच ना पाए ये बुनकर, ठीक है ना, कलेक्ट सप्लाईज,
सुपरवाइज करे व्यूवर्स को, फिर उनसे जो भी सप्लाई हो उसको कलेक्ट कर ले, एग्जामिन करे कि क्लोथ का क्वालिटी क्या है। ये सारा जिम्मेदारी गुमस्था नाम का अधिकारी को दिया गया, ठीक है, ये किया गया। सेकंड देखिए, इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर फ्रॉम डीलिंग विथ अनदर बायर, यानी दूसरा ये भी था कि कंपनी के अलावा, है ना, इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स, कंपनी वीवर्स, हाँ ये प्रिवेंट किया क्या कि कंपनी वीवर्स जो वीवर हैं वो किसी और के साथ डील नहीं कर सकती है, या किसी और बायर को अपना जो प्रोडक्ट है वो नहीं बेचेगी, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी को ही बेचेगी। इसके लिए वन वे ऑफ डूइंग दिस वॉज थ्रू द सिस्टम एडवांसेस। इसके लिए कंपनी ने ये तरीका देखा कि जो बुनकर हैं, वीवर हैं, उसको इतना कर्जा दे दो, इतना कर्जा दे दो कि वंस और एन ऑर्डर वर प्लेस द वीवर्स वेयर गिवन लोन्स टू परचेज द रॉ मटेरियल फॉर देयर प्रोडक्शन। खूब सारे एडवांस दो वीवर को कंपनी की तरफ से, ब्रिटिश ऑफिशियल्स की तरफ से, है ना, कंपनी को वीवर्स को ज़बरदस्त एडवांस दो, क्योंकि इन वीवर्स को एक बार ऑर्डर दे दिया गया तो ये वीवर खूब सारे कर्जे इनको मिल जाता था ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा तरफ से, है ना, ताकि वो रॉ मटेरियल खरीद सके प्रोडक्शन के लिए, क्लॉथ बनाना है तो रॉ मटेरियल खरीद सके। अच्छा, दोज हु टेकन टुक लोन्स हैड टू हैंड ओवर द क्लॉथ दे प्रोड्यूस टू द गुमस्ता, जिन्होंने कर्जा ले लिया है, ध्यान रखिएगा, जिन वर्कर्स ने कब्जा ले, वीवर्स ने कर्जा ले लिया, तो जब क्लॉथ फाइनल बन जाएगा तो उनको गुमस्तास को वो दे देना होगा, ध्यान रखना, वो किसी और ट्रेडर को नहीं बेच सकते हैं, समझिएगा, इतना कम कीमत पर, बहुत कम कीमत पर ही गुमस्तास लेते थे, याद रखिएगा कि मतलब लोन बरकरार रहे उन लोगों पर, वीवर्स पर। चलो, एज लोन्स फ्लोड इन एंड द डिमांड ऑफ फॉर फाइन टेक्सटाइल एक्सपेंडेड, वीवर्स ईगरली टुक द एडवांसेस, जैसे जैसे कर्जा मिलते गया, ठीक है ना, और साथ में डिमांड बढ़ता गया कि भाई फाइन टेक्सटाइल्स का डिमांड बढ़ता गया, है ना, और एक्सपैंड होने के लिए डिमांड बढ़ता गया और लोन मिलता गया, वीवर्स और बेचैन रह के और मिले हम लोग को एडवांस, जिससे कि हम कच्चा माल खरीदें और क्लॉथ बनाएं और बेचें, जिससे कि पैसा ज़्यादा, होपिंग टू अर्न मोर, यानी पैसा ज़्यादा कमाने की उम्मीद में खूब कर्जा लिए, है ना, एडवांस खूब प्राप्त किया। मेनी वीवर्स हैड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, कई वीवर्स बुनकर के पास छोटे छोटे लैंड थे, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड थे, है ना, जिसको कि वो कल्टिवेट भी करते थे अर्लियर, है ना, और साथ में अलॉन्ग विथ वीविंग यानी बुनकरी का भी काम करते थे और अपने छोटे से ज़मीन को खेती भी करते थे। एंड द प्रोड्यूस फ्रॉम दिस टुक केयर ऑफ देयर फैमिली नीड्स, और इन दोनों से जो भी पैसा आता उससे वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करते थे। नाउ दे हैड टू लीज आउट ऑफ द लैंड एंड डिवोट ऑल देयर टाइम इन वीविंग। अब चूंकि जैसे जैसे टेक्सटाइल का, फाइन टेक्सटाइल का डिमांड और बढ़ते जा रहा है तो उसमें वीविंग में और इनको समय देना पड़ता था, तो अपने लैंड को क्या कर देते, लीज पर दे देते थे तो किसी अन्य को, टेनेंट को, कि तुम मेरे खेत को कल्टीवेट करो, हम पूरे परिवार के साथ अपना पूरा समय वीविंग यानी बुनकरी में दे देंगे। देख रहे हैं, वीविंग इन फैक्ट रिक्वायर्ड द लेबर ऑफ द इंटायर फैमिली, जिसमें चिल्ड्रन, वुमेन, है ना, सारे इंगेज हो जाते थे, क्योंकि उसमें चरणबद्ध तरीके से जो स्टेज वाइज जो प्रोसेसेस होता था उसमें बहुत लेबर लगता था क्लॉथ बनाने में, तो इसीलिए उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत होती थी, तो कभी कभी बच्चे, बीवी सब लग जाते थे काम पर, उनके खेत कौन जोतता था, दूसरे टेनेंट्स को दे दिया जाता था। चलो, सून हाउ एवर इन मेनी वीविंग विलेजेस, बहुत जल्दी ही बहुत सारे बुनकरों के गांव में ऐसी भी रिपोर्टें आईं कि वहाँ पे क्लैशेस हुए हैं बुनकर्स और गुमस्थास के बीच में, है ना। पहले क्या होता था कि सप्लाई मर्चेंट का क्या होता था, बहुत ही अर्लियर सप्लाई मर्चेंट्स हैड वेरी ऑफन लिव्ड विद इन द वीविंग विलेजेस। पहले क्या होता था कि सप्लाई मर्चेंट जो होते थे वो कभी कभी आते थे बुनकरों के गांव में, बहुत कम समय ही रहते थे, और इनका एक रिश्ता, भावनात्मक रिश्ता होता था बुनकरों के साथ, है ना,
उन कभी कभी ये भी देखा जाता था कि ये सप्लाई मर्चेंट जो हैं बुनकरों के वीवर्स के जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर देते थे। फिर उनके समय उनके यहाँ कभी बुनकरों के यहाँ कभी मुश्किल की घड़ी आ जाए तो उसमें यहाँ तक कि मदद भी कर देते थे जो सप्लाई मर्चेंट्स होते थे पहले के टाइम में। लेकिन अब ये जो नए गोमस्थाज आए हैं ये तो पहले तो बाहरी हैं, इनको गांव के कोई जानकारी नहीं है, ना बुनकरों के गांव के विषय में कोई जानकारी नहीं है। भावनात्मक रिश्ता तो छोड़ ही दीजिए, इनका कोई लॉन्ग टर्म सोशल लिंक किसी भी गांव के साथ नहीं होता था, तो उसका एक सेंटिमेंट भी नहीं लाता आता था इनके मन में। बहुत ही बदतमीजी से बात करते थे ये, गाँव में मार्च करते थे, मतलब गश्त लगाते रहते थे अपने सिपाही अपने लोगों के साथ, है ना, और पनिश करते थे उन बुनकरों को जो डिले यानी देरी करते थे सप्लाई में, मतलब तुम्हारा कहाँ है क्लॉथ बना क्यों नहीं, तो उनको बहुत हेवीली पनिश करते थे, उनको मारते पीटते थे, भगा दिया जाता था, है ना, मारते पीटना बहुत बुरी तरीके से। वीवर्स जो वीवर्स अब हालत यह आ गया था कि जो वीवर्स हैं वो लॉस्ट द स्पेस ऑफ बार्गेन फॉर प्राइसेस, यानी अब जो वीवर है इतना एडवांस ले चुका है कि गोमस्ताज के साथ कोई बार्गेन करने का कोई जगह ही नहीं बचता है प्राइस पर, है ना, और किसी भी दूसरे बायर को बेच भी नहीं सकता है। जो प्राइस उनको रिसीव होता था वीवर्स को कंपनी की तरफ से वो मिजरेबली लो होता था, वो इतना कम होता था इतना कम होता था, ठीक है, एंड द लोन्स दे हैड एक्सेप्टेड टाइड देम टू द कंपनी कि उन्हें और फिर कर्ज भी लेना पड़ता था, ठीक है ना। अब हाल ये था कि कंपनी से लोन लेते जा रहे हैं और जो अपना फाइनल क्लोथ वीवर्स बना रहे हैं तो इतना कम कीमत पर सस्ते कीमत पर बेच रहे हैं गोमस्ताज को कि डेब्ट से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं और अपने भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। चलो, इन मेनी प्लेसेस जैसे कार्नेटिक जो प्लेस है और बंगाल रीजन में, एक बार देख लीजिए आप लोग कार्नेटिक जो प्लेस है इन इंडिया जहाँ पे फ्रेंच कंट्रोल होना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ, कार्नेटिक रीजन द पेनिनसुला साउथ इंडियन रीजन हो गया, है ना, साउथ इंडियन रीजन में जिसमें ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल, यानी ईस्टर्न घाट इस तरफ का ईस्टर्न घाट से याद रखिएगा और बे ऑफ बंगाल यानी उसके बीच का रीजन जो है मद्रास प्रेसिडेंसी कह लीजिए, जहाँ पर कभी आप देखोगे कि उस रीजन को ही बोलते हैं बेसिकली कार्नेटिक, ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ बच्चा पार्टी है। तो हम लोग कहाँ थे, जैसे बहुत सारे जगह है क्रेनेटिक हिस्सा है, क्रेनेटिक जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी के आसपास क्रेनेटिक हिस्सा और बंगाल, जहाँ पर बुनकर जो वीवर्स हैं उन्होंने विलेज डेजर्ट कर दिया, छोड़ दिया, माइग्रेट होकर के कहीं और विलेजेस में चल गए जहाँ उनके फैमिली रिलेशन रहा करते थे, वहाँ पर उन्होंने अपने लूम्स पावर लूम होता है ना हैंडलूम जिसमें देखे होंगे बुनकर आगे पीछे करता है और धागों को जोड़ते हुए कपड़ा बनाता है, है ना। फिर कई और जगह पर वीवर्स जो हैं अलॉन्ग विद द विलेज ट्रेडर्स रिवॉल्टेड, यानी वीवर बुनकर जो हैं और विलेज ट्रेडर्स जो हैं साथ में मिलकर के विद्रोह कर देते हैं कंपनी के खिलाफ और उनके ऑफिशियल्स के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। ओवर टाइम में कई वीवर्स ऐसे हैं जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कर्ज को वापस देने से, उन्होंने अपने वर्कशॉप्स को क्लोज कर दिया और फिर से वो एग्रीकल्चरल लेबर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया, वीविंग छोड़ दिया उन्होंने। तो ये बाय द टर्न ऑफ 19th सेंचुरी कॉटन वीवर्स फेस्ड ए नए सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, कुछ अन्य प्रॉब्लम भी आपको 19th सेंचुरी में आपको कॉटन वीवर्स महसूस किए, है ना। चलो, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, ये है यानी बाहर से बने हुए कपड़े भारत में आ रहे हैं। तो इन 1772 हेनरी पटुलो भाई साहब है कंपनी ऑफिशियल हैं, हैड वेंचर टू से दैट द डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर रिड्यूस सिंस नो अदर नेशन प्रोड्यूस गुड्स ऑफ सेम क्वालिटी। हेनरी पटुलो भाई साहब हैं कंपनी ऑफिशियल, उन्होंने कहा कि जो डिमांड है इंडियन टेक्सटाइल का दुनिया भर में, मतलब उसकी जो डिमांड है इंडियन टेक्सटाइल का जो दुनिया भर में जो डिमांड है उसे कभी भी कम नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कोई दुनिया का ऐसा कोई देश ही नहीं है जो इस क्वालिटी का गुड्स को बना सके, इस क्वालिटी सेम क्वालिटी प्रोड्यूस गुड्स
मतलब इतना बेहतरीन क्वालिटी का जो कपड़ा जो है वो बना सके, इंडिया के अलावा कोई देश ही नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया हेनरी पटुलो भाई साहब ने। येट बाय द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी वी सॉ द बिगनिंग ऑफ लॉन्ग डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। लेकिन हम लोग 19th सेंचुरी में देखते हैं, उसके शुरुआती दौर में ही, 19th सेंचुरी के शुरुआती दौर में ही देखते हैं कि हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, जो कपड़ों का उद्योग जो एक्सपोर्ट करता था इंडिया से बाहर, उसमें गिरावट दिखता है। ये ब्रिटिशर्स, थैंक्स टू ब्रिटिशर्स। इन 1811-12 पीस गुड्स अकाउंटेड फॉर 33%, है ना, जो कपड़े हैं वो 33% होते थे। देखिए 1811-1812 में पीस गुड्स अकाउंटेड फॉर 33% इंडिया का एक्सपोर्ट होता था 1811-12 में। 1850-51 तक आते आते मात्र 3% हो गया, देख रहे हैं, मात्र 33%। फैब्रिक वुवेन इन स्टैंडर्ड लेंथ फॉर सेल, देख रहे हैं, फैब्रिक है ऐसे फैब्रिक जो कि उस स्टैंडर्ड लेंथ और के अनुसार उसे बुना गया है सेल के लिए। देख रहे हैं पीस गुड्स, ये देखिए ये है पीस गुड्स, है ना। अब उसे बना दिया गया है, अब जैसे आपको बनाना है, जैसे बेचना है वैसे बेचिए, तो ठीक है। तो ये जो है आपको देखो 33% से 3% पे आ गए, इन लोगों ने सब चौपट कर दिया। एज कॉटन इंडस्ट्री डेवलप्ड इन इंग्लैंड, जैसे जैसे कॉटन इंडस्ट्री डेवलप होता गया इंग्लैंड में, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स बिगैन वरिंग अबाउट इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। ब्रिटेन में जो ऑफिशियल्स थे उनको बड़ी चिंता हुई कि यार हाँ, और कंट्रीज से जो ब्रिटेन अगर इम्पोर्ट कराएगा तो फिर हमारे यहाँ के कॉटन इंडस्ट्री का क्या होगा, है ना। ब्रिटेन की तरफ से समझिए कि जैसे जैसे इंग्लैंड में कॉटन इंडस्ट्री ब्रिटेन इंग्लैंड में डेवलप होती गई, वहाँ पर इम्पोर्ट को लेकर के बड़ी चिंता हुई कि अदर कंट्री से इम्पोर्ट रोका जाए। दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इम्पोज इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल, सो दैट मैनचेस्टर गुड्स कुड सेल इन ब्रिटेन विदाउट फेसिंग एनी कॉम्पिटिशन फ्रॉम आउटसाइड। तो इन लोगों ने ब्रिटेन की गवर्नमेंट पर इम्पोज किया कि प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, दबाव बनाया कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, भारी इम्पोर्ट ड्यूटी। अगर कोई ब्रिटेन में कोई भी ट्रेडर बाहर से कपड़े मंगाता है तो इतना टैक्सेस उस पर थोप दो कि वो बाहर से कपड़े ही ना मंगवा सके, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दो जबरदस्त, तो इम्पोर्ट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर के बने हुए कपड़े ब्रिटेन भर में बगैर बाहरी किसी बाहरी कपड़ों के कंपटीशन के बगैर ब्रिटेन में बेचे जा सके आसानी से, देख रहे हैं ना। अपने मार्केट में वो नहीं चाह रहे हैं कि किसी का बाहरी देश के कपड़े का दखल हो, लेकिन हमारे यहाँ पे पूरा फ्लडेड कर दिया, भर दिया। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियली परसुएडेड ईस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसी समय जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव बनाया कि टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इन इंडियन मार्केट एज वेल। यानी ब्रिटेन में जैसे आपका मैनचेस्टर के बने कपड़े हैं, उसे भी आप कपड़े को इंडियन मार्केट में बेचो, ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव बनाया सब। तो एक्सपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली इन द अर्ली 19th सेंचुरी। यानी ब्रिटिश कॉटन जो एक्सपोर्ट कॉटन गुड्स हैं, है ना, ब्रिटेन में जो कपड़े हैं, ब्रिटेन के मैनचेस्टर के बने हुए कपड़े, उसका एक्सपोर्ट में ज़बरदस्त नाटकीय ढंग से अर्ली 19th सेंचुरी में ज़बरदस्त इजाफा होता है, इंक्रीज करता है। एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते देर हैड बीन वर्चुअली नो इम्पोर्ट ऑफ कॉटन पीस गुड्स इन टू इंडिया, है ना। यहाँ तक मतलब एंड ऑफ 18th सेंचुरी तक आते आते तक ये देखा गया कि भारत में जो पीस गुड्स था ना, जो थान बना के कपड़े जो अभी इमेज दिखाया था मैं, उसका कोई इम्पोर्ट होता ही नहीं था, समझ रहे हैं, उसको कहीं कोई एक्सपोर्ट के लिए भेजता ही नहीं था, और ब्रिटेन में इम्पोर्ट पीस गुड्स का, है ना, उल खरीदता ही नहीं था। फिर से पढ़िए, एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के एंड में देर हैड बिन वर्चुअली ये देखा गया कि नो इम्पोर्ट ऑफ कॉटन पीस गुड्स इन टू इंडिया, है ना, यानी नो इम्पोर्ट ऑफ कॉटन पीस गुड्स इन टू इंडिया, यानी इम्पोर्ट लगभग ना के बराबर था जिसमें कॉटन पीस गुड्स इंडिया में मतलब भेजा जाता था।
इम्पोर्ट ऑफ कॉटन पीस गुड्स इनटू इंडिया, यानी इंडिया में कॉटन पीस गुड्स को इम्पोर्ट ना के बराबर ख़त्म हो चुका था, बट बाय द 1850 कॉटन पीस गुड्स कॉन्स्टिट्यूटेड ओवर 31% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंडियन इम्पोर्ट्स, है ना। यानी 1850 में कॉटन पीस गुड, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इमेज दिखाया था जिसमें कपड़े थान में बने हुए थे, है ना, वो टोटल इंडियन इम्पोर्ट्स का 31% होता था, ठीक है। इन 1870 यानी 20 साल के अंतराल में ये 50% तक हो गया, देख रहे हैं ना, 50% तक। कॉटन वीवर्स इन इंडिया दस फेस टू प्रॉब्लम, कॉटन वीवर्स जो इंडिया में थे, जो बुनकर थे, वो इंडिया में दो चीज़ों का समस्या फेस किए एक ही समय में। पहला, देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड, उनका जो एक्सपोर्ट मार्केट था बुनकर कॉटन वीवर्स ने, क्या जो एक्सपोर्ट मार्केट था वो पूरा चरमरा गया था, और लोकल मार्केट था वो सिकुड़ गया था, लोकल मार्केट सिकुड़ गया, और बीइंग ग्लटेड यानी भरमार हो जाना मैनचेस्टर के बने हुए कपड़ों से, मैनचेस्टर से इंपोर्ट कराए गए कपड़ों से भर गया, तो जो इंडियन कॉटन वीवर है उसके द्वारा तैयार किए गए कपड़ों अब कहाँ बेचाते, ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन एट लोअर कॉस्ट, अब जो ये मैनचेस्टर से बन के कपड़े जो आ रहे हैं इंडियन मार्केट में, वो मशीन से बने हैं, बड़े लोअर कॉस्ट पे बने हैं, कम कीमत पर, है ना। द इम्पोर्टेड कॉटन गुड्स वे आर सो चीप, और ये जो कॉटन गुड्स हैं जो मशीन से बने हैं मैनचेस्टर में, ये इतने सस्ते हैं कि जो वीवर्स हैं, इंडियन वीवर्स, भारतीय बुनकर जो हैं जो कपड़ा बनाते थे, वो इनके साथ कोई भी कंपटीशन नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके थोड़ा महंगे पड़ जाते थे। 1850s तक में ऐसे रिपोर्ट्स हम लोगों को मोस्ट वीविंग रीजन्स ऑफ इंडिया, है ना, नरेटिव स्टोरीज ऑफ डिक्लाइन एंड डिसोलेशन, यानी 1850 में ही हम लोग को ऐसे रिपोर्ट देखने को मिलते हैं कई बुनकर वाले क्षेत्र भारत के, जहाँ पर इस तरह की स्टोरी हमको सुनने में मिलता है कि अब उनके द्वारा बनाए गए कपड़े का जो मांग है वो कम से कम होते जा रहा है, और उनको एकदम से ख़त्म ही कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट फ्लडेड है, किससे, आपको भरे पड़े हैं आपको मैनचेस्टर के बने कपड़ों से। चलो भाई, इधर 1860s में देखे वीवर्स एक नया और समस्या से जूझ रहे थे, क्या था भैया, दे कुड नॉट गेट सफिशियंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी, अब उनको रॉ कॉटन अच्छे क्वालिटी का वो भी सफिशियंट सप्लाई नहीं मिल रहा था, है ना। अब ये कहाँ जा रहा है, व्हेन द अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट एंड कॉटन सप्लाईज फ्रॉम द यूएस वेयर कट ऑफ, जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था उनके यहाँ, गृह युद्ध, और तब कॉटन सप्लाई जो यूनाइटेड स्टेट्स से कट गया ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन फिर इंडिया के तरफ मुड़ा। पहले ब्रिटेन क्या करता था कि यूएस से भी बड़े मात्रा में कॉटन सप्लाईज उठाता था, ताकि ब्रिटेन के कॉटन इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रन कर सके, लेकिन चूंकि सिविल वॉर ब्रेक छिड़ गया अमेरिका में, तो कॉटन मिलना बंद हो गया वहाँ से, तब वो इंडिया से कॉटन उठाना शुरू किया, रॉ कॉटन। एज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज, जैसे जैसे देखिए रॉ कॉटन एक्सपोर्ट इंडिया से बढ़ता गया, और प्राइस ऑफ रॉ कॉटन शॉट अप, इतना महंगा हो गया रॉ कॉटन, क्योंकि जितना रॉ कॉटन निकाल निकाल के सब ब्रिटेन वाले अपना कंट्री में भेज रहे हैं, वीवर्स जो बुनकर हैं इंडिया के, ऐसी मुश्किल स्थिति में आ गए जहाँ पर वो पूरी तरह से जूझ रहे थे कमी सप्लाईज के, है ना, रॉ मटेरियल के सप्लाईज का, रॉ कॉटन के सप्लाईज की कमी से जूझ रहे थे, और इनको ज़बरदस्ती इनके साथ किया जा रहा था कि रॉ कॉटन खरीदो महंगी कीमत पर, और ऐसी स्थिति में वीविंग कुड नॉट पे, ऐसी स्थिति में जो कपड़ा बनता है वो, मतलब उसका दाम नहीं मिल पाता, है ना। देन बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के अंत तक आते आते वीवर्स और जो अदर क्राफ्ट्स पीपल है, यानी जो छोटे छोटे और भी काम करते हैं, उन्होंने एक और समस्या फेस की, फैक्ट्रीज जो इंडिया में थी वो प्रोडक्शन बिगैन करना शुरू कर दी। अब जब फैक्ट्रीज आ गई तो वो अलग से इंडियन मार्केट को फ्लड कर रही थी, मार्केट भर दी पूरे सामानों से, कपड़े मशीन से बने हुए, अब वीविंग इंडस्ट्री तो अब तो सर्वाइव करना कटाई बहुत मुश्किल हो गया।
यानी वीवर्स के लिए, क्राफ्ट पीपल के लिए और मुश्किल आ गया, क्योंकि वो बड़ा ही अनऑर्गेनाइज तरीके से अपने घरों में बनाते थे लूम लगा लगा के। अब इंडियन सॉइल पर अब फैक्ट्रीज बनना शुरू हो गई। अब जब फैक्ट्रीज बनी, टेक्सटाइल मिल बन गई, तो टेक्सटाइल मिल ऑब्वियस है कि मास प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए। एक तो मैनचेस्टर के बने कपड़े पूरा इंडियन मार्केट में भरे पड़े हैं, ऊपर से इंडियन फैक्ट्री से भी कपड़े बन बन करके वो भी भर रहे हैं मार्केट में, इंडियन मार्केट में। तो भाई जो छोटे छोटे ये वीवर्स है कहाँ जाए, कैसे सर्वाइव करें। चलिए फैक्ट्रीज कम अप देखते हैं, फैक्ट्रीज कैसे ये आती हैं अपने इस वजूद में। तो फर्स्ट कॉटन मिल जो है, पूरा फैक्ट है भाई लोग ध्यान रखिएगा, पूरा फैक्ट है। तो फर्स्ट कॉटन मिल जो है लगाया गया बॉम्बे में, वो 1854 में देखते हैं। और फिर इसके बाद प्रोडक्शन करता है दो साल बाद, है ना। फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे में लगा 1854 में, और इसको प्रोडक्शन करने में दो साल लग गए। 1862 में फोर मिल्स काम पे लग गए विथ 94,000 स्पिंडल्स, है ना, स्पिंडल्स और 2,150 लूम्स। तो लूम्स क्या होता है, जिस पर आप कपड़ा बनाते हो, धागा जोड़ जोड़ के कपड़ा बनाते हो। और स्पिंडल्स क्या होता है ये देख लो, स्पिंडल्स देखो, स्पिंडल्स क्या होता है, इस तरह का स्पिंडल होता है ध्यान रखना, जिसमें धागे इस तरह बंधे रहते हैं, है ना। तो स्पिंडल्स हुआ, है ना, तो ये उसमें धागे बंधे रहेंगे, स्पिंडल एंड लूम, ये भी देख लो आप। तो आप देख रहे होगे ये एक हैंडलूम सॉर्ट ऑफ है, देखो ये हैंडलूम सॉर्ट ऑफ है, देख रहे हैं ना, धागे जोड़ जोड़ के कपड़ा बनते जा रहे हैं, और स्पिंडल यहाँ पे रखा हुआ है। तो बेसिकली स्पिंडल 94,000 और 2,150 जो लूम्स लगाए गए। फिर इसी समय में जूट मिल बंगाल में लगाई गई, और पहली जो थी वो 1855 में। फिर अनदर वन 7 साल बाद 1862 में जूट मिल इस्टेब्लिश किया गया बंगाल रीजन में। नॉर्थ इंडिया में एल्गिन मिल स्टार्ट किया गया कानपुर में 1860s में, ध्यान रखना एल्गिन मिल कानपुर में लगाया गया। अच्छा, 1 साल बाद ईयर लेटर फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद को सेटअप किया गया, पहला कॉटन मिल अहमदाबाद में। 1874 में पहली फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल मद्रास में प्रोडक्शन बिगैन की, है ना, मद्रास रीजन में, ठीक है। तो हु सेटअप द इंडस्ट्री, किन्होंने इंडस्ट्री सेटअप की, कहाँ से कैपिटल इनके पास आया, और कौन इस मिल में काम करने के लिए आए, तो चलिए देखते हैं। द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, जो पहले जो निवेश करने वाले लोग होते थे, जो अर्ली एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ये निवेश करते हैं पैसा ताकि भविष्य में ये और मुनाफा कमा सके, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रीज वेयर सेटअप इन डिफरेंट रीजन बाई वेरिंग सॉर्ट ऑफ पीपल, इंडस्ट्रीज अलग अलग भारत में क्षेत्रों में लगाए गए, और कई तरह के लोगों के द्वारा उसमें शामिल भी हुए, है ना, लोग उससे जुड़े। द हिस्ट्री ऑफ मेनी बिजनेस ग्रुप्स बैक टू ट्रेड विद चाइना, द हिस्ट्री ऑफ मेनी बिजनेस ग्रुप्स, तो हमारे यहाँ जो अगर बिजनेस ग्रुप देखिएगा, तो हमारे यहाँ थोड़ा एक लंबा इतिहास रहा है कि चाइना के साथ भी हमारा बिजनेस रहा है, ऐसे तो वर्ल्ड भर में रहा है, लेकिन अगर हम देखें कि एक सही मायनों में बिजनेस का कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ वो हम लोग का चाइना के साथ रहा है। फ्रॉम द लेट 18th century, जैसा कि आपने किताबों में पढ़ा है लास्ट ईयर, कि ब्रिटिश इन इंडिया बिगैन एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना। जैसे ब्रिटेन इंडिया से एक्सपोर्ट करता था अफीम ओपियम टू चाइना एंड टुक टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड, और चाइना से चाय खरीद करके ब्रिटेन ले जाता था, ठीक है, क्योंकि चाइनीज़ को ओपियम बहुत पसंद है, तो ओपियम भारत में निकाल करके भारत से बगल में चाइना बेचता और चाइना से टी उठा लेता, ठीक है ना। तो मेनी इंडियंस बिकेम जूनियर प्लेयर्स, तो ये जो ओपियम ट्रेड हो रहा है चाइना के साथ, तो इसमें कई ऐसे इंडियन बिजनेसमैन भी थे जो छोटे खिलाड़ी बन करके उभरे इस ओपियम ट्रेड में, ठीक है। ये निवेश करते थे पैसा में, प्रोक्योर सप्लाईज, मतलब जो भी सप्लाईज होता था उसको देखभाल करते थे, उसको कैरी करते थे, है ना, उसको सुरक्षित रखते थे अपने पास, है ना, और शिपिंग करते थे कंसाइनमेंट्स, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर ये
जो भी माल होता था, जो भी गुड्स वस्तुएं कमोडिटी होती थी, वस्तुएं होती थी, उनको भेजा जाता था कंसाइनमेंट, शिपिंग कंसाइनमेंट, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे सी रूट के थ्रू भेजना, है ना, जो भी माल वगैरह कंसाइनमेंट है वो भेजा जाता था इंडियंस के द्वारा, ध्यान रखना। हैविंग अर्न थ्रू ट्रेड, सम ऑफ दीज बिजनेसमैन हैड विजन्स ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इन इंडिया। देखिएगा शुरुआती दौर में कुछ पैसा कमाए, इंडियन बिजनेस ग्रुप कुछ पैसा कमाए ऐसे छोटे छोटे ट्रेड से, व्यवसाय से, कि एक शिपिंग कर दिया कंसाइनमेंट, कहीं से प्रोडक्शन सप्लाई मर्चेंट कहीं से उठा के कहीं को पहुंचा दिया, इससे कुछ पैसा कमा के कुछ ऐसे बिजनेसमैन का एक विजन डेवलप हुआ कि क्यों नहीं इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस इंडिया में लगाई जाए, इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस बड़ा कुछ सेटअप किया जाए। तो इसी क्रम में बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने अपना एक फॉर्च्यून बनाया चाइनीज ट्रेड के साथ, है ना, चाइनीज ट्रेड। द्वारकानाथ टैगोर मेड हिज फॉर्च्यून इन द चाइना ट्रेड बिफोर ही टर्न टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उससे पहले ये इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करते थे। इन्होंने सेटअप किए 6 जॉइंट कंपनीज, छोटी छोटी कई 6 छोटी छोटी कंपनीज भी इस्टेब्लिश किया था 1830 से 1840 तक। यानी द्वारकानाथ टैगोर बंगाल रीजन में क्या करते थे, चाइनीज ट्रेड करते थे, चाइना के साथ ट्रेड करते थे, और जल्द ही ये इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने करना शुरू कर दिया, यानी पैसा लगाना शुरू कर दिए। इन्होंने 6 कंपनीज भी बनाई 1830 से 1840 के बीच में। अच्छा, टैगोर इंटरप्राइजेस सैंक, डूबा टैगोर जी का, द्वारकानाथ टैगोर जी का ये जो इंटरप्राइज है यानी जो कंपनी है ये डूबा अलॉन्ग विद दोज ऑफ अदर इन द वाइडर बिजनेस क्राइसिस। यानी सिर्फ ना सिर्फ टैगोर के इंटरप्राइजेस डूबी बल्कि उन लोगों का भी बिजनेस डूबा, ठीक है ना, जिनका 1840s में जो आर्थिक मंदी आती है ना, उसके उस मंदी में कई लोगों का बिजनेस डूबा है। जैसे पढ़ लेते हैं, टैगोर इंटरप्राइजेस सैंक अलॉन्ग विद दोज ऑफ अदर्स इन द वाइडर बिजनेस क्राइसिस ऑफ द 1840s, यानी 1840s के बिजनेस क्राइसिस, यानी जो मंदी आती है बिजनेस में गिरावट आता है उसमें ना सिर्फ टैगोर के इंटरप्राइज कंपनी डूबी बल्कि और भी इंडियन मर्चेंट्स थे उनकी भी कंपनियां डूबी। अच्छा, बट लेटर इन द 19th century मैनी ऑफ द चाइना ट्रेडर्स बिकेम सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। लेकिन 19th century के अंत तक में देखिएगा, वो लोग जो चाइना ट्रेडर्स चाइना के साथ ट्रेड करते थे वैसे इंडस्ट्रियलिस्ट काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाए, सक्सेसफुल रहे पैसा कमाने में। बॉम्बे में देखिए एक पारसी भाई साहब हैं, जोरोस्ट्रियंस बोलते हैं इनको, धर्म है पारसी हैं, जैसे दिनशॉर पेटीट और जमशेद जी नौसरवान जी टाटा, उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर यानी औद्योगिक साम्राज्य बनाया इंडिया में और अच्छा खासा एक्यूमुलेट किया, जमा किया शुरुआत में पैसों को, है ना, वेल्थ को, धन संपदा को अच्छा खासा इन्होंने एक्यूमुलेट किया, इकट्ठा किया, और अच्छा खासा इसमें रहा जो पैसा आने का एक जगह बना, चाइना से एक्सपोर्ट से भी अच्छा इन्होंने मुनाफा कमाया, है ना, एंड पार्टली फ्रॉम रॉ कॉटन शिपमेंट टू इंग्लैंड। अच्छा खासा पैसा किसे किसे कमाया, चाइना को एक्सपोर्ट करने से कमाया और जो रॉ कॉटन जो इंग्लैंड को ये लोग ले जाके बेचते थे उससे भी अच्छा मोटा मुनाफा कमाया। दूसरे का और नाम है सेठ हुकुम चंद है, ये मारवाड़ी बिजनेसमैन है, इन्होंने पहला इंडियन जूट मिल इस्टेब्लिश किया कोलकाता 1917 में। इनका भी ट्रेड होता था चाइना के साथ, ऐसे ही उनके फादर का भी था, है ना, चाइना के साथ। अच्छा, इसके बाद तीसरा नाम देखो, सो डिड द फादर एज वेल एज ग्रैंडफादर ऑफ द जी डी बिरला साहब, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, देखिएगा भारत में बिरला ग्रुप आज भी है ना, तो इनके फादर ग्रैंडफादर भी आपको ट्रेड करते थे चाइना के साथ और इंडस्ट्रियलिस्ट तो आज भी हैं ये लोग, तो इन लोगों का एक लंबा इतिहास है। टाटा लोग की तो बात करें तो इन लोगों को तो भारत रत्न मिलना चाहिए क्योंकि ये लोग समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, कैपिटल वॉज एक्यूमुलेटेड, जो धन संपदा है इन्हें इकट्ठा किया गया इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क, कई अदर ट्रेड चैनल्स हैं नेटवर्क के तहत पैसों को इकट्ठा किया गया। सम मर्चेंट्स फ्रॉम मद्रास ट्रेडेड विद बर्मा, देखो कुछ मर्चेंट मद्रास रीजन के वो बर्मा के साथ यानी आज का म्यांमार के साथ ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे,
वाइल अदर्स, और जबकि जो बाकी जो इंडियन मर्चेंट्स होते थे उनका अच्छा खासा लिंक होता था मिडिल ईस्ट या ईस्ट अफ्रीका के साथ, यानी इन देशों के भी साथ, इस रीजन के भी साथ इनका ट्रेड होता था, है ना। अभी हम लोग इंडियन मर्चेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। देयर वेयर येट अदर कमर्शियल ग्रुप, कुछ और भी ऐसे कमर्शियल ग्रुप यानी व्यवसाय करने वाले ग्रुप इंडिया में रहती थी, है ना, लेकिन ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते थे एक्सटर्नल ट्रेड में, यानी ये देवर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, मतलब ये सामने नहीं खुल करके आते थे कि ये बाहरी विदेशों में कहीं ले जा करके अपने माल को बेच रहे हैं, है ना। तो इनका रोल कैसे होता था, दे ऑपरेटेड विद इन इंडिया, ये जो कमर्शियल ग्रुप्स हैं ये इंडिया में ही ऑपरेट करते थे अपने बिजनेस एक्टिविटी, गुड्स कैरी करते थे, माल एक जगह से उठाया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बैंकिंग मनी, पैसों को लेन देन करने का काम, या फंड्स को ट्रांसफ़र करते थे एक शहर से दूसरे शहर, या ट्रेडर्स को भी, जो व्यवसायी लोग हैं उनको भी फाइनेंस करते थे, पैसे देते थे, देख रहे हैं जो ये कमर्शियल ग्रुप्स हैं। व्हेन अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज ओपेंड अप, मेनी ऑफ देम सेट अप फैक्ट्रीज, जब देखा गया कि इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट का मौका है ना, अच्छा खासा मौका है, तो कईयों ने कई कमर्शियल ग्रुप्स ने अपने ही फैक्ट्री खोल दी अपने यहाँ। एज कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड टाइटन, जैसे जैसे ब्रिटिश यानी कॉलोनियल कंट्रोल इंडियन ट्रेड पर मजबूती से शिकंजा कसते गया, द स्पेस विद इन विच इंडियन मर्चेंट्स कुड फंक्शन बिकेम इंक्रीजिंगली लिमिटेड। तो जो एक खुलापन था, जो एक जगह था कि इंडियन मर्चेंट्स अपने हिसाब से अपने व्यवसाय को कर सकते थे, उसे पूरी तरह से लिमिट कर दिया गया। देख रहे हैं भाई, ब्रिटिश देख तो सकते नहीं कि इंडियन मर्चेंट या इंडियन बिजनेसमैन या इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट फ्लरिश करें, तो कैसे इनको चौपट करें, इनको डिस्ट्रॉय करें, ये इनका ध्यान था। अच्छा, दे वेयर बार्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विथ यूरोप, तो ब्रिटिशर्स ने कैसे लिमिट किया इंडियन मर्चेंट्स पर, तो इन लोगों को बार कर दिया गया, कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप लोग यूरोप के साथ कोई भी व्यापार यानी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, है ना, यूरोप को के साथ व्यापार नहीं कर सकेंगे, यानी इंडियन मर्चेंट यूरोप के साथ व्यापार नहीं कर सकेगा। किन चीज़ों को लेकर के, कोई भी यहाँ इंडिया में बना हुआ जो वस्तु है मैन्युफैक्चर्ड गुड है वो नहीं, और हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल एंड फूड ग्रेन, आपको इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड गुड को यूरोप को नहीं बेच सकते हैं, इंडियन मर्चेंट नहीं बेच सकेगा, और बेचना भी है तो सिर्फ रॉ मटेरियल बेचो और अनाज बेचो, इंडियन मर्चेंट्स को यहाँ तक में लिमिट कर दिया गया। रॉ मटेरियल क्या, जैसे रॉ कॉटन है, ओपियम है, वीट है, इंडिगो है, जो ब्रिटिशर्स को जिनकी ज़रूरत थी, है ना। दे वेयर ऑल्सो ग्रेजुअली एज आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस, यहाँ तक कि जो शिपिंग बिजनेस पे भी जो इंडियन बिजनेसमैन उतरे हुए थे उनको भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने, ब्रिटिशर्स ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी शिपिंग बिजनेस में सिर्फ अंग्रेज रहेंगे या उनके द्वारा जो वो अपॉइंट करेंगे बस वही कर सकेंगे, यानी शिपिंग बिजनेस से भी इंडियन बिजनेसमैन बाहर। यानी शिपिंग बिजनेस क्या होता था कि एक जगह से दूसरे जगह सामान भेजते थे, मेरे जहाज से भेज दो, ठीक है ना, उसका हम किराया ले लेंगे, लेकिन अब सिर्फ ब्रिटिश के जहाज होंगे उनसे भेजो ताकि उसका टैक्स इंडियन मर्चेंट दे, और जो कि बहुत भारी होता था, ठीक है ना। अच्छा, टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहले वर्ल्ड वार तक में, टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वार यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज इन फैक्ट कंट्रोल ए लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार होने तक में भारत में यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी होती थी, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी हुआ करती थी जो कंट्रोल करती थी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, है ना, लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जो भारत में इंडस्ट्रीज हुआ करती थी उसको पूरा कंट्रोल करते थे ये यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी। इनका क्या काम था, जैसे देखो थ्री ऑफ द बिगेस्ट, इनमें से तीन बहुत बड़े बड़े जो मैनेजिंग एजेंसी थे वो थे बर्ड हाइकलर्स एंड कॉरपोरेशन, एंड्री यूल, फिर जार्डन स्किनर एंड कॉरपोरेशन है, ये तीन बड़ी यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी है जो इंडियन इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती थी पूरा। इनका काम क्या था, दिस एजेंसी मोबिलाइज्ड कैपिटल, ये एजेंसीज क्या करती थी, धन यानी कैपिटल यानी वेल्थ को एक्यूमुलेट करती थी इंडियन से, इंडियन मर्चेंट इंडियन बिजनेसमैन या इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट से, फिर सेटअप जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड मैनेज देम, और अपने
स्टॉक कंपनीज को बनाती, सेटअप करती और उसे मैनेज करती थी, यानी कैपिटल मोबिलाइज की, यानी वेल्थ एक्युमुलेट की, जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई और उसको मैनेज करती थी, है ना, एंड मैनेज द कैपिटल को मैनेज करते थे, जॉइंट स्टॉक कंपनी के तहत कैपिटल को मैनेज करती थी ऐसी एजेंसी जो आपने तीन ऊपर पढ़े हैं। चलो, इन मोस्ट इंस्टांस इंडियन फाइनेंसर, बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें भारतीय जो फाइनेंसर है, जो पैसे लगाता है, प्रोवाइडेड द कैपिटल, जो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता, पैसा लगाता, वाइल द यूरोपियन एजेंसी मेड ऑल इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस डिसीजन, यानी ऐसा हमेशा देखा गया है कि इंडियन फाइनेंसर को बोला जाता कि तुम पैसा लगाओ, और यूरोपियन एजेंसीज, जो ये तीन नाम पढ़े हैं आपने, वो उनके पैसे का इन्वेस्टमेंट करती और उससे जुड़ा हुआ बिजनेस डिसीजन लेती, यानी इंडियन फाइनेंसर का फिर और कुछ महत्व नहीं रहता। पैसा किसका? इंडियन फाइनेंसर का। लगा कौन रहा है उस पैसे को? यूरोपियन एजेंसी, है ना, उससे रिलेटेड डिसीजन कौन ले रहा है? यूरोपियन एजेंसी। तो भैया पैसा किसका है? तो इंडियन फाइनेंसर का ना। देख रहे हैं इतना बुरे तरीके से व्यवहार होता था। द यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैड देयर ओन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट का अपना एक एसोसिएशन होता था, अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतलब एक एसोसिएशन जो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। वे अच्छा, उसमें एक भी इंडियन बिजनेसमैन को अलाउ नहीं होता था ज्वाइन करने के लिए, है ना, मतलब इनको क्या अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यही हम ही लोग को प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए था। अच्छा, कहाँ से ये वर्कर्स आ रहे थे? वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम? फैक्ट्री को वर्कर्स चाहिए, और जैसे जैसे फैक्ट्रीज बढ़ते जा रही है, एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, है ना, एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज की वजह से इंडिया में डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। 1901 में जहाँ 5,84,000 वर्कर्स इंडियन फैक्ट्रीज में काम करते थे, वहीं 1946 तक में 24,36,000 वर्कर्स काम करने लगे, यानी फैक्ट्रीज बढ़ी, वर्कर्स बढ़े। ये वर्कर्स आ कहाँ से रहे हैं? इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन वर्कर्स कम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड, ज़्यादातर इंडस्ट्रियल भारत में इंडस्ट्रियल रीजन जहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई उस क्षेत्र में आसपास के जिलों से ज़्यादातर वर्कर्स आते थे, जो किसान होते थे या मजदूर होते थे, है ना, या कर्म जो छोटे छोटे अदर काम करने वाले होते थे, जिनके पास कोई काम नहीं होता था विलेज में, वो इंडस्ट्रियल सेंटर्स में आ जाते थे काम की तलाश में, यानी शहरों में आ गए, वहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज लगी हैं उसमें काम की तलाश में। 50% वर्कर्स बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री में जो काम करते थे 1911 में, वो आए थे पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी में। अच्छे, कानपुर के मिल में काम करने वाले जो वर्कर्स होते थे वो ज़्यादातर आसपास के जो विलेजेस होते थे, है ना, मोस्ट ऑफ देयर टेक्सटाइल हैंड्स फ्रॉम द विलेजेस विद इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कानपुर, यानी कानपुर शहर के ही आसपास के गांव से ही, है ना, कानपुर मिल में काम करने वाले वर्कर्स मिल जाते थे। मोस्ट ऑफ एन मिल वर्कर मूव्ड बिटवीन द विलेज एंड द सिटी, कभी कभी ऐसा देखा जाता था कि मिल वर्कर जो है ना, वो विलेज और सिटी के बीच में आना जाना करते, या रिटर्निंग टू देयर विलेज होम ड्यूरिंग हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल, या अपने खेती का जो हार्वेस्ट होता और जो त्यौहार का सीज़न होता तभी वो गांव वापस जाते। फिर से पढ़िए, मोस्ट ऑफ एन मिल वर्कर मूव्ड बिटवीन, यानी कभी कभी मिल वर्कर गांव से शहर आना जाना करते, बिटवीन द विलेज एंड द सिटी आना जाना करते मिल वर्कर अगर हैं, वो रिटर्न कब होते? जब उनके समय खेती का हार्वेस्ट का टाइम होता है ना, फसल कटाई या कोई फेस्टिवल होता तभी वो घरों को वापस जाते थे। ओवर टाइम एज न्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे कि एम्प्लॉयमेंट रोजगार है भारत में ऐसा न्यूज़ फैलता गया, वर्कर्स बहुत लंबी लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए चल पड़े कि भाई हम यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं पर फैक्ट्री है, कहीं पर मिल है, उस पर हमको काम मिलेगा, ऐसा हम मेरा होप है ना। जैसे फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत जो आपका यूपी है अभी, है ना, वहाँ से लोग जाते थे काम की तलाश में
कहाँ, बॉम्बे के टेक्सटाइल मिल में, कि वहाँ शायद काम मिल जाएगा, या जूट मिल ऑफ कलकत्ता में काम करने के लिए जाते थे कि शायद वहाँ पर भी काम मिल जाएगा। चलो, गेटिंग जॉब वॉज बहुत मुश्किल, गेटिंग जॉब, ऐसे पहुँच तो गए जॉब के लिए, लेकिन जॉब मिले तब तो, क्योंकि मिल्स मल्टीप्लाइड एंड द डिमांड फॉर वर्कर्स इंक्रीज, है ना। जॉब मिलना बड़ा मुश्किल होता था, जब आप आ तो गए शहर में, ठीक है ना, वहाँ पर मिल्स भी ज़बरदस्त लगे हुए हैं, मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, माने हजार सैकड़ों की तादाद में मिल्स हैं, और वर्कर्स का डिमांड भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन साथ में जो जॉब खोजने वाले हैं, नंबर सीकिंग वर्क, यानी जो जॉब खोजने वाले लोग भी हैं, है ना, वो हमेशा से जितनी मात्रा में जॉब है उससे बहुत बहुत ज़्यादा रहे हैं। जॉब सीकर मान लीजिए 10 हैं, तो जॉब मान लीजिए 2 या 3 ही हैं, तो ये हमेशा से रहा है ये प्रपोर्शन। तो मिल्स में एंट्री करना इतना आसान नहीं था, ऐसे जॉब लेकर के मिल्स में काम करने के लिए, क्योंकि ऐसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता था कि ऐसे आपको जॉब नहीं मिलेगा और आप ऐसे मिल में नहीं घुस सकते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, एम्प्लॉय, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे कि वो एक अधिकारी रखते थे, जॉबर का नाम, जॉबर जिसका नाम होता था, वो क्या करता था, नए नए रिक्रूट करता था। बहुत कभी कभी ऐसा होता था कि जॉबर किसी पुराने, मतलब उम्रदराज किसी को, यानी बूढ़े किसी व्यक्ति को रखा जाता था, हमेशा ट्रस्टेड वर्कर ही कोई होता था, उसको जॉबर के पोस्ट पर रखते थे ये इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, ताकि है ना, मतलब ताकि एक बना रहे, ये रिक्रूट कर सके। चलो, ही गॉट पीपल फ्रॉम हिज विलेज, जो जॉबर होता था उसे लोग मिल जाते थे अपने मिल में या फैक्ट्री में काम करने के लिए, जो वर्कर हैं वो अपने विलेज से मंगा लेता था, उनका जॉब इंश्योर करता था और हेल्प करता था कि शहर में तुमको कैसे रहना है ना, सेटल होने में, घर और लेने देने में, किराया देने में थोड़ा मदद कर देता था, मुश्किल के घड़ी में भी पैसे से मदद कर देते थे जॉबर, है ना। अच्छा, जॉबर देयरफॉर ए बिकेम ए पर्सन विथ सम अथॉरिटी एंड पावर, यानी जॉबर के पास अब कुछ ताकत है और कुछ अथॉरिटी है, कुछ पावर है, क्यों, क्योंकि भाई वो जॉब दे रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसका थोड़ा पोजीशन डिफरेंट होगा। अब वो क्या करने लगा, करप्शन का शिकार, यानी कुछ पैसा मांगने लगा, तुम्हें कुछ चाहिए, जॉब चाहिए तो पैसे दो या कुछ गिफ्ट दो जॉबर को, है ना। वो जॉब पे रखेगा, इस नाम पर वो लोगों के लाइफ्स को कंट्रोल करता था, वर्कर्स के लाइफ को कंट्रोल करता था, या तुमको निकाल बाहर फेंकेंगे अगर तुम मेरे हिसाब से, मेरे तरह से, या मेरे को इतना नहीं किए तो, है ना। तो वर्कर्स के लाइफ को कंट्रोल भी करता था जॉबर, परेशान करता था, सीधी बात है। द नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर इंक्रीज्ड ओवर टाइम, बढ़ते चले गए फैक्ट्री वर्कर्स समय के साथ साथ। हाउएवर यू विल सी दे वेयर ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल फोर्स, लेकिन इंक्रीज तो होते गए, लेकिन अभी भी टोटल वर्क फोर्स का बहुत ही कम संख्या अभी भी इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स की तरह लगा हुआ है, क्योंकि बाकी और सारे अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, गाँव में, देहातों में अभी भी लगे हुए हैं। चलो, द पिक्युलैरिटीज ऑफ ग्रोथ, चलो पाँचवा नंबर टॉपिक है इसी चैप्टर का, पाँचवा नंबर टॉपिक है, देखो सारे लोग, हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। द पिक्युलैरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की कुछ खासियतें क्या क्या हैं, इस चैप्टर के पाँचवें नंबर में हम लोग देखेंगे। तो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, जो कि 3 थे। तो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज के बारे में अभी हम लोगों ने पिछले ही टॉपिक में पढ़ा हुआ था, चौथे नंबर वाले में, याद होगा। तो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज विच डोमिनेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया, है ना, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी डोमिनेट करती थी हमारे यहाँ के, इंडिया की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस को, है ना, पूरा वही डिसीजन मेकिंग करते थे यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी वाले। वेयर इंटरेस्टेड इन सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, और काफ़ी इंटरेस्टेड थे कुछ निश्चित प्रोडक्ट्स को के लिए बहुत ज़्यादा ये बेचैन रहते थे ये यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी वाले। देखो क्या था, दे एस्टैब्लिश टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, इन्हों यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी वाले हमारे यहाँ पर टी और कॉफ़ी प्लांटेशंस की शुरुआत की है। प्लांटेशन क्या होता है, एक स्पीशीज़ के पेड़ जो है लार्ज एक्सटेंट में, पौधे लार्ज एक्सटेंट में लगाए जाए
जैसे टी गार्डन होता है, कॉफ़ी गार्डन है ना, है ना। तो हमारे यहाँ टी और कॉफ़ी प्लांटेशन की गई, एक्वायर किया गया लैंड को बहुत ही चीप रेट पर, सस्ते कीमत पर, है ना, कॉलोनियल गवर्नमेंट से, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी वाले ने बड़े ही सस्ते कीमत पर ब्रिटिश सरकार से ज़मीनों को ले लिया और उस पर कॉफ़ी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन बैठा दिया। दे हैव इन्वेस्टेड इन माइनिंग, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी वाले ने माइनिंग सेक्टर में भी पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, ठीक है, इंडिगो में पैसा इन्वेस्ट किया, जूट प्रोडक्शन में पैसा इन्वेस्ट किया। तो यह सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो यहाँ लिखा है ना, इसका मतलब है कि जैसे माइनिंग है, इंडिगो है, जूट है ना, तो ऐसे जो हैं इनमें इन्वेस्ट किया, ठीक है, इंडिगो प्रोडक्शन के मामले में, जूट प्रोडक्शन, माइनिंग में, या टी या कॉफ़ी में। मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड प्राइमरली फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड, नॉट फॉर सेल इन इंडिया। ये जितने भी नाम ले रहे हैं ना, इनमें से सारे प्रोडक्ट्स को ओवरसीज एक्सपोर्ट कर दिया जाना था, ना कि इंडिया में सेल करने के लिए, समझ रहे हैं। ये समझ लीजिए, ये लोग सेल्फिश लोग हैं, ये लोग भारत में अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसके पीछे उनका मतलब एजेंडा साफ था कि हमको पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना। तो ये एक्सपोर्ट करते अपने कंट्री में, क्या इंडिगो, जूट, माइन से निकला हुआ मिनरल, है ना, टी, कॉफ़ी। तो ये इस पर ये बड़ा गिद्ध दृष्टि लगा के रखे थे। चलो, इंडियन बिजनेसमैन बिगैन सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन द लेट 19th century। जब इंडियन बिजनेसमैन ने इंडस्ट्रीज सेटअप करना शुरू की लेट 19th century में, दे अवॉइडेड कॉम्पिटिंग विथ मैनचेस्टर गुड्स इन द इंडियन मार्केट। इन लोगों ने अवॉइड किया कि मैनचेस्टर के बने हुए जो कपड़े हैं इंडियन मार्केट में भर दिए गए हैं, उससे मतलब होता है ना कि एक कंपटीशन करना, प्राइस वॉर चल रहा है कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी कपड़ा मैन्युफैक्चर किया और मैनचेस्टर से बन के भी कपड़ा इंडियन मार्केट में आए, तो उनसे एक जो टसल है, खींचतान है प्राइसेस को लेकर के, उस पर कहीं ना कहीं इंडियन बिजनेसमैन ने कोशिश किया कि अवॉइड हो सके कंपीट करने का। सिंस यार्न वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट्स इन टू इंडिया, चूँकि यार्न जो है ना वो बहुत बड़ा हिस्सा नहीं था, वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी ये एक जरूरी हिस्सा नहीं था ब्रिटिश इम्पोर्ट्स का भारत में। द अर्ली कॉटन मिल्स इन इंडिया प्रोड्यूस कोर्सर कॉटन यार्न रैदर दैन फैब्रिक। तो जो भारत में जो अर्ली कॉटन जो मिल्स थे वो प्रोड्यूस करते थे मोटे कॉटन यार्न, मोटा, ये कोर्सर होता है ना, मोटा कॉटन धागा, वो ज़्यादा ये प्रोड्यूस करते थे, ना कि फैब्रिक, है ना। अब देखो, यार्न एंड फैब्रिक, इसको देखो, अरे भैया क्या है, व्हाट इज द फाइबर यार्न एंड क्या हो गया। ए फाइबर इज मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैब्रिक, यार्न इज देन स्पन इनटू फैब्रिक्स, यानी यार्न जो धागा है उसको सिल करके फैब्रिक्स बनाया जाता है। तो फैब्रिक में ना उतर के जो इंडिया में ये लोग क्या कर रहे हैं कि यार्न को ही, कोर्सर कॉटन यार्न का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, ना कि फैब्रिक, समझ गए ना। तो फैब्रिक और यार्न में अंतर है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं, कोर्सर कॉटन यार्न देखो कैसा होता है, ये देखो कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे जो इमेज आप देख पा रहे होंगे, ये देखो कोर्सर यार्न जो है, ये धागा देख रहे हैं ना, इसका थोड़ा सा मोटा धागा है ना। अच्छा, इसी के अलावा फैब्रिक जो है, ये देखो फैब्रिक होता है अलग अलग, जो आपका कपड़े का जो क्वालिटी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यार्न एंड फैब्रिक देख लेते हैं एक बार। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोक्योरिंग द फाइबर, है ना, फ्रॉम प्लांट या एनिमल फर्स्ट,
अगर आपको फैब्रिक बनाना है तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उसको इकट्ठा करिए, फाइबर को इकट्ठा करिए एनिमल या प्लांट से, ठीक है। आफ्टर द प्रोक्योरमेंट फाइबर आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। ये फाइबर्स को इकट्ठा करने के बाद इन्हें जब एक दूसरे से ट्विस्ट किया जाता है, मोड़ करके बनाया जाता है यार्न, यानी धागा बनाया जाता है। दीज यार्न आर यूज टू वीविंग मशीन्स टू देन टू क्रिएट ए फैब्रिक, यानी तब ये धागों का इस्तेमाल करके वीविंग मशीन में तब आप इसे आप कपड़ा बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, समझ लीजिएगा, है ना। तो अब वापस आते हैं, चलिए कहाँ पे था, तो मैनचेस्टर गुड इन इंडिया में सिंस यार्न वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी ब्रिटेन में आप देखिएगा ब्रिटिश इम्पोर्ट का भारत में यार्न एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं होता था, ठीक है ना। द अर्ली कॉटन मिल इंडिया में जो होते थे उस समय, अर्ली कॉटन मिल्स जो थे वो प्रोड्यूस करते थे ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सर कॉटन यार्न, यानी मोटे धागे, मोटे रुई के धागे, ये लोग जिसे हम आज थ्रेड बोलते हैं, धागा बोलते हैं, बजाय इसके कि कोई कपड़ा या किसी टाइप ऑफ कपड़े को, फैब्रिक को। व्हेन यार्न वाज इम्पोर्टेड इट वाज ओनली ऑफ द सुपीरियर वैरायटी, जब यार्न का इम्पोर्ट भारत में कराया गया तो वो सुपीरियर वैरायटी का यार्न को भारत में इम्पोर्ट कराना शुरू किया गया, चूँकि अभी यार्न की तरफ वैसा ध्यान ब्रिटिश इम्पोर्ट का नहीं है। देखिए एक लाइन पहले, वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट्स इन टू इंडिया, है ना, यार्न अभी भी इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। तो जो भारतीय जो बिजनेसमैन है उन्होंने क्या किया, व्हेन यार्न वॉज इम्पोर्टेड इट वॉज ओनली ऑफ सुपीरियर वेराइटी के यार्न को भारत में इम्पोर्ट कराया गया इंडियन बिजनेसमैन के द्वारा। द यार्न प्रोड्यूस्ड इन इंडियन स्पिनिंग मिल वॉज यूज बाई हैंडलूम्स वीवर्स इन इंडिया और एक्सपोर्टेड टू चाइना। तो जो यार्न प्रोड्यूस किया गया जाता था इंडियन स्पिनिंग मिल्स में, जो धागे को प्रोड्यूस किया जाता था इंडियन स्पिनिंग मिल्स में, वो हैंडलूम वीवर्स के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता था। हैंडलूम यानी हाथ से आपको वीवर्स बुनकर जो होते थे हाथ की करघा, हाथ करघा मशीन से यार्न बनाते थे, है ना, देखिएगा हैंडलूम वीवर्स। और वो जो बने हुए होते थे आपको यार्न, उसे एक्सपोर्ट किया जाता था चाइना को, देख रहे हैं ना, यार्न का मतलब देख रहे हैं ना, थ्रेड, ये रहा थ्रेड। अच्छा, बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी ए सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले डेकेड में 20th सेंचुरी के बहुत सारे सीरीज ऑफ चेंज हुए जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैटर्न वह प्रभावित हुआ भारत में, एज जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट यहाँ मोमेंटम पकड़ा, याद होगा 1905 के बंगाल पार्टीशन के बाद यहाँ स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, स्वदेशी कपड़ों को पहनने का और बाहरी मैनचेस्टर के बने के कपड़ों को बॉन फायर आग लगा देने का। नेशनलिस्ट मोबिलाइज्ड हुए और लोगों से राष्ट्रवादियों ने मोबिलाइज होकर के लोगों को बायकॉट करने के लिए अर्ज किया, फॉरेन क्लॉथ को बायकॉट करने के लिए अर्ज किया। इंडस्ट्रियल ग्रुप भी साथ है, इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट, इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑर्गेनाइज हुए आपस में और उन्होंने अपने जो सारे इंडस्ट्रीज के लिए जो बेटर होता उसका इंटरेस्ट वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक साथ आए, यानी जितने भी इंडस्ट्रियल ग्रुप है अचानक से वो भी तो नहीं ना मतलब ब्रिटिशर्स के विरुद्ध में हो जाएगा, नहीं तो ब्रिटिश उनकी खटिया खड़ी कर देते, और साथ में वो जो स्वदेशी मूवमेंट है उसका भी मतलब विरोध नहीं कर सकते थे। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट या इंडियन बिजनेसमैन वो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में फंसा हुआ था, यानी नेशनलिस्ट मूवमेंट जैसे स्वदेशी मूवमेंट हो रहा है और दूसरे तरफ में ब्रिटिशर्स का। तो इंडस्ट्रियल ग्रुप क्या किए कि कलेक्टिव इंटरेस्ट यानी क्या बेटर होगा उसके प्रोटेक्शन के लिए, मतलब उनका हितों की रक्षा हो, इसके लिए ये सारे इंडस्ट्रियल ग्रुप अपने को इकट्ठा किए। उन्होंने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट पर कि इंक्रीज करे टैरिफ प्रोटेक्शन एंड ग्रांट अदर कंसेशन, यानी गवर्नमेंट पर ये इंक्रीज किया, प्रेशराइज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट पर कि टैरिफ से हम लोग की सुरक्षा की जाए, ज़बरदस्ती का किसी भी एक्सपोर्ट पर, जो इंडियन मर्चेंट अगर एक्सपोर्ट करता हो, इंडियन बिजनेसमैन किसी दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करता हो तो उस पर ज़बरदस्त टैक्सेस ना लगाया जाए और कई तरह के हम लोग को छूट दी जाए, ठीक है। फ्रॉम 1906 मोर ओवर द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न
टू चाइना डिक्लाइन, देख रहे हैं 1906 से देखते हैं कि जो एक्सपोर्ट होता था इंडियन यार्न चाइना को, वो डिक्लाइन होता है चूंकि चाइनीज और जापानीज मिल फ्लडेड द चाइनीज मार्केट, क्यों इसका कारण भी है, द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न टू चाइना डिक्लाइन सिंस प्रोड्यूस फ्रॉम चाइनीज एंड जापानीज मिल फ्लडेड, यानी चाइनीज और जापानीज मिल से जो यार्न बन रहे थे वो चाइनीज मार्केट में इतना ज़्यादा भरे पड़े थे कि इंडिया के बने हुए यार्न अब चाइना में उतने नहीं बेचे जा रहे थे, मतलब वो डिक्लाइन होता है, एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न चाइना को डिक्लाइन होता है, क्यों, क्योंकि चाइना और जापान के मिल में बने हुए जो दुनिया भर के यार्न थे वो ऑलरेडी चाइना मार्केट को भरे पड़े हुए थे। अच्छा, सो इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया बिगैन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न टू क्लॉथ प्रोडक्शन, इसीलिए इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट ने देखा कि भाई अब यार्न को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं रह गया है, चाइना भी अब कम कर दिया है, तो यार्न प्रोडक्शन से वो शिफ्ट होकर के चले गए क्लॉथ प्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन इन इंडिया डबल बिटवीन 1900 टू 1912, यानी रुई के बने हुए जो कॉटन पीस गुड्स हैं, जो कॉटन से बने हुए जो कपड़े हैं, है ना, वो भारत में प्रोडक्शन होना शुरू होता है और वो प्रोडक्शन डबल होता है 1900 से 1912 में, डबल हो जाता है, ठीक है। चलो, ये टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार तक में इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी और इंडस्ट्रीज़ का लगना और फैक्ट्रीज़ का लगना बहुत ही धीरे प्रक्रिया था। द वॉर क्रिएटेड ए ड्रामेटिकली न्यू सिचुएशन, फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से एक नाटकीय ढंग से एक नई परिस्थिति जन्म लेती है। ब्रिटिश मिल्स जब बिजी थे वॉर प्रोडक्शन को लेकर के, जिससे कि मिले आर्मी को की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सके, मैनचेस्टर इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइन, यानी मैनचेस्टर के बने हुए जो भी फाइनल गुड्स थे जिसमें कपड़े मुख्यतः है वो भारत में इंपोर्ट कम हो गया, चूँकि ब्रिटेन का सारा ध्यान अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीतने में था, तो सारे मील्स उनके यहाँ मैक्सिमम मील्स जो हैं या फैक्ट्री हैं वो कहीं ना कहीं आर्मी की ज़रूरतों को पूरा करने में लगा दी गई थी, और मैनचेस्टर में जो कपड़े बन भी रहे थे अब वो भारत में आने कम हो गए, क्योंकि ब्रिटेन की गवर्नमेंट अभी दूसरे तरफ उनका ध्यान है। इसी समय में इंडियन मिल्स हैड ए वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई, अब इंडियन मिल के पास ये अपॉर्चुनिटी था कि मैनचेस्टर के बने हुए कपड़े भारतीय बाज़ार में कम आ रहे हैं, तो इंडियन मिल से बने हुए कपड़े मार्केट में, इंडियन मार्केट में फ्लड कर दिया जाए ताकि लोग यहीं के बने कपड़े खरीदें। चलो, एज द वॉर प्रोलॉन्ग, जैसे जैसे वॉर लंबा गया, बढ़ता चला गया, चूंकि जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14 से 18 तक लड़ा गया, इंडियन फैक्ट्रीज वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई वॉर नीड, तो देखा ब्रिटिशर्स ने, अच्छा बेटा बहुत ज़्यादा इंडियन जो ये बिजनेसमैन हैं कपड़ा बना बना के इंडियन मार्केट में बेच रहे, मुनाफा कमा रहे, तो इनके साथ ज़बरदस्ती किया गया, यानी इंडियन फैक्ट्रीज को के ऊपर ज़बरदस्ती ये आदेश लागू किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि वॉर नीड्स की सामानों को भी आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। वॉर किसका, ब्रिटेन का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, इनका दूसरे कंट्रीज के साथ, जर्मनी, टर्की, इन सब कंट्रीज़ के साथ जो युद्ध है, तो भाई तुम्हारे युद्ध में मेरा क्या काम, लेकिन नहीं, मतलब ब्रिटिश इंडिया की तरफ से जो लड़ रहा है आर्मी उसमें या ब्रिटिश सैनिक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे हैं उनकी ज़रूरतों के लिए सामान का प्रोडक्शन करे इंडियन फैक्ट्रीज, जैसे जूट बैग, कपड़े, क्लोथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म्स, टेंट्स हैं, लेदर बूट्स हैं, है ना, हॉर्स और म्यूल के सैडल्स हैं, बैठने वाला जो होता है, या होस्ट ऑफ अदर आइटम, यानी दुनिया भर के जो भी ज़रूरतें हैं आर्मी को, जो ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आप इंडियन फैक्ट्री भी प्रोडक्शन करें, ये ज़बरदस्ती किया गया था, यहाँ पे ऑप्शन नहीं था। चलो, नए फैक्ट्री, न्यू फैक्ट्रीज वेयर सेटअप एंड ओल्ड वंस रैन मल्टीपल शिफ्ट, नए फैक्ट्रीज सेटअप किए गए, देख लो अपने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का डिमांड को ये पूरा करने के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी नीड्स थे उसके डिमांड को पूरा करने के लिए, तो नए फैक्ट्रीज भारत में लगाए गए, पुराने वाले को मल्टीपल शिफ्ट में चलाए गए, रात दिन वो चलते रहे, मेनी न्यू वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड एंड एवरी वन वॉज मेड टू वर्क लॉन्ग आवर,
नए वर्कर्स को भी शामिल किया गया, जो वर्कर्स थे उनके और वर्किंग आवर को और लंबा किया गया। ओवर द वॉर ईयर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम्ड, जब तक युद्ध चला है 14 to 18, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और हाई होते चला गया है, सिर्फ इसलिए ताकि उधर सेना वालों को दिया जा सके, यानी इन लोगों को हम लोग यहाँ का पूरा इंडस्ट्री चौपट करने पे तुल गए थे। चलो, जैसे वार ख़त्म होती है, मैनचेस्टर कुड नाउ रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट, कुड नेवर। मैनचेस्टर जब युद्ध ख़त्म हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो मैनचेस्टर फिर कभी अपने पुराने स्थिति में नहीं वापस आ पाई इंडियन मार्केट में। यानी जो वॉर के पहले इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त था ना, कि मैनचेस्टर के बने हुए कपड़े मार दुनिया भर का बिक रहे हैं इंडियन मार्केट में, ले अब वो स्थिति नहीं हो पाए। चलो, अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विद द US, जर्मनी एंड जापान, द इकॉनमी ऑफ ब्रिटेन कम्बल्ड आफ्टर द वॉर, है ना। अपने को मॉडर्नाइज करने में के ना कर पाने की स्थिति में, अभी चूंकि ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से उठा है, सारा चीज उसके यहाँ चौपट हो रखा है, इकोनॉमी उसकी ध्वस्त हो रखी है, कई बिल्डिंग्स चौपट हो रखे हैं वॉर के टाइम की वजह से, तो उनके यहाँ अपने को मॉडर्नाइज न कर पाने बात है कि तुरंत से अपने को तो उठने ही ना खड़े होंगे, 4 साल 5 साल युद्ध चला है, 4 साल एटलीस्ट। तो अनेबल टू मॉडर्नाइज और US के साथ एंड कम्पीट विद द US, मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विद द US, जर्मनी एंड जापान, द इकोनॉमी वॉर, अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विद द US, जर्मनी एंड जापान। अच्छा, ब्रिटेन की बात यहाँ नहीं हो रही है, माफ़ कीजिएगा। अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विद द US, यानी US से मुकाबला ना कर पाने और अपने आप को वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद मॉडर्नाइज ना कर पाने की स्थिति में जर्मनी और जापान और ब्रिटेन की इकॉनमी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई, ध्यान रखिएगा, क्योंकि US तो दूर ही से लड़ा, उसके धरती पे तो लड़ा नहीं गया, जर्मनी जापान तो आपको दूसरे तरफ थे जो लड़े थे आपको, ठीक है। तो जर्मनी और जापान भी कम्पीट नहीं कर पाई और अपने को मॉडर्नाइज नहीं कर पाई, तो और साथ में ब्रिटेन इतना पैसा लगा दिया अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि उसका इकॉनमी पूरा चौपट हो गया। चलो, कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स हुआ, कॉटन प्रोडक्शन ब्रिटेन में बहुत बुरी तरह से चौपट हुआ। एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली, ब्रिटेन से कॉटन क्लॉथ का एक्सपोर्ट भी चौपट हुआ नाटकीय ढंग से। अच्छा, विद इन द कॉलोनीज जहाँ पर ब्रिटेन का कंट्रोल भी था, जिन जिन कंट्रीज़ में जो कॉलोनी था ब्रिटेन का, वहाँ पर लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहे थे अपना पोजीशन, यानी अपने शक्तियों का विस्तार कर रहे थे, यानी अब उनका मार्केट पे पकड़ बढ़ते जा रहा था लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट का, है ना। सब्स्टिट्यूटिंग फॉरेन मैन्युफैक्चर एंड कैप्चरिंग द होम मार्केट, यानी अब कहीं ना कहीं कॉलोनीज़ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन थोड़ा कमज़ोर पड़ा, लोकल मार्केट पर लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट का कब्जा बढ़ा, फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स का सब्स्टिट्यूट इंडियन लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ने लाया, यानी कि बाहर के जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको छोड़ो, हम लोग का अपनाओ, है ना, देसी चीज़ों को अपनाओ, और होम मार्केट पर ज़बरदस्त पकड़ बना लिया लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना। चूँकि कॉलोनीज़ पर ब्रिटेन का कंट्रोल थोड़ा कमज़ोर हुआ, क्योंकि अब ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रखा था। चलो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्री डोमिनेट, इनका डोमिनेशन अभी भी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, जो फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है। चलो, वाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री ग्रू स्टीडली आफ्टर द वॉर, फैक्ट्री इंडस्ट्री ज़बरदस्त तौर पर बढ़ा वॉर के बाद भी। लार्ज इंडस्ट्रीज फॉर्म्ड ओनली ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ इकॉनमी, जो फैक्ट्री इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ता गया वॉर के बाद लार्ज इंडस्ट्रीज सिर्फ और सिर्फ इकॉनमी का छोटा ही हिस्सा बन पाए। कैसे? मोस्ट ऑफ देम अबाउट 60% इन 1911, ज़्यादातर जो हैं अबाउट 60% 1911 में ज़्यादातर कहाँ थे? बंगाल और बॉम्बे में मौजूद थे, इन्हीं दो बड़े शहरों में 1911 में टोटल जितना इंडस्ट्रीज था इंडिया का 67% बस इन्हीं दो बड़े शहरों में था। ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी बचे हुए देश में
स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यू टू प्रीडोमिनेट, यानी जो बचा हुआ जो पूरा देश है उसमें स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, यानी घरों में वर्कशॉप खोल लिया, छोटा छोटा स्मॉल स्केल यूनिट खोल लिया, घर में हैंडलूम बना लिया, है ना, बड़े फैक्ट्री का जरूरत नहीं था या बड़े इंडस्ट्रीज़ नहीं लगे हैं, जहाँ पर फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ नहीं लगे हैं वहाँ पर अभी भी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन यानी घरों में छोटा छोटा प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्री डोमिनेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दबदबा वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग उस तरह से हो रहा है, प्रोडक्शन वैसे हो रहा है। चलो देखो कैसे, ओनली ए स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स वर्क इन रजिस्टर्ड फैक्ट्री। देखो बहुत कम प्रपोर्शन है टोटल इंडस्ट्रियल लेबर का जो कि रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में काम करता था, स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल लेबर, यानी इंडस्ट्रीज में जो लेबर काम कर रहे हैं उसका बड़ा ही कम संख्या ही आपको रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में काम करता था, 5% इन 1911 और 10% 1931। अरे तो सपोज करो 1931 में 10% ही रजिस्टर्ड फैक्ट्री में काम कर रहा है, इसका मतलब 90% स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में है, है ना, द रेस्ट वर्क इन स्मॉल वर्कशॉप। देखो बाकी और वर्कफोर्स कहाँ है, लेबर कहाँ है, छोटे छोटे वर्कशॉप में है, हाउस होल्ड घरों में छोटे छोटे जो यूनिट बना रखा है घरों के अंदर में, है ना, ऑफन लोकेटेड इन एलीज एंड बायलेंस, यानी गार्डन्स में है या सड़क के किनारे बैठ के कुछ ना कुछ बना रहे हैं, है ना, इनविजिबल टू पासर बाय, जिसको कि आते जाते लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो भी बहुत बड़ा मार्केट है, ध्यान रखिएगा लेबर मार्केट है, है ना। चलो इनफैक्ट इन सम इंस्टांसेस हम लोग देखते हैं, कुछ ऐसे भी स्थिति देखते हैं कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एक्चुअली एक्सपेंडेड इन 20th सेंचुरी। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन जो है छोटा छोटा कुछ भी हैंडीक्राफ्ट में है, पत्थर का काम करने वाले, बास्केट का काम करने वाले, टोकरी का काम करने वाले, कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग है, आर्ट है, तो ये 20th सेंचुरी में ये बढ़ता है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन। दिस इज़ ट्रू इवन इन द केस ऑफ द हैंडलूम सेक्टर दैट वी हैव डिस्कस, और यही ये यहाँ तक ये भी हम लोग देखते हैं, ये भी सच्चाई है कि जो हैंडलूम भी है सेक्टर, हैंडलूम सेक्टर है वो भी आपको, उसमें भी हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं आपको 20th सेंचुरी में। हैंडलूम क्या होता है आपको दिखाया था, हाथों से इस्तेमाल किया जाता है जो धागे को इकट्ठा कर करके कपड़ा बनाए जाते हैं। वाइल चीप मशीन मेड थ्रेड वाइप्ड आउट द स्पिनिंग इंडस्ट्री इन द 19th सेंचुरी द वीवर्स सर्वाइव्ड। अब देखो जैसे जबकि सस्ते मशीन से बने हुए जो मशीन से बने हुए धागे, है ना, चीप मशीन मेड थ्रेड कहीं ना कहीं वाइप आउट कर दी स्पिनिंग इंडस्ट्री को 19th सेंचुरी में, इससे वीवर्स जो बुनकर हैं उनका सर्वाइवल हो पाता है, यानी वो बच पाते हैं, उनका फाइनेंशियल कंडीशन कुछ सही रह जाता है, कुछ परेशानियों को छोड़ दें तो, डिस्पाइट प्रॉब्लम्स कुछ छोड़ दें तो। फिर से देखिए, वाइल चीप मशीन मेड थ्रेड, यानी सस्ते मशीनों से बने हुए जो सस्ते थ्रेड हैं वो बाहर का रास्ता बाहर हो जाते हैं स्पिनिंग इंडस्ट्री से 19th सेंचुरी में, है ना, और इसकी वजह से जो बुनकर हैं वो बच पाते हैं, उनका फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक होता है अगर कुछ अन्य समस्याओं को डिस्पाइट प्रॉब्लम छोड़ दे तो। इन द 20th सेंचुरी हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपेंडेड, 20th सेंचुरी में हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन और फैलता जाता है, स्थिर रहता है, स्टेडिली स्थिर रहता है, ऑलमोस्ट ट्रिपलिंग अबाउट बिटवीन 1900 टू 1940। यानी अब जरा देख लेते हैं ट्रिपलिंग का मतलब क्या होता है, ट्रिपलिंग तीहरा, अच्छा तीहरा, तीन गुना बढ़ना। तो 20th सेंचुरी में हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन जो है वो ज़बरदस्त बढ़ता है, यहाँ तक कि 1900 से लेकर 1940 तक ये तीन गुना बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, दिस वॉज पार्टली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंज। ये क्यों होता है तीन गुना बढ़ना, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत होते हैं इंडिया में, ठीक है ना, हैंडीक्राफ्ट पीपल अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी इफ दैट हेल्प्स देम इम्प्रूव प्रोडक्शन विदाउट एक्सेसिवली पुशिंग अप कॉस्ट। हैंडीक्राफ्ट पीपल जो हैं वो कुछ नए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, जिससे कि जो उनका प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव किया जा सकता था और कॉस्ट को बढ़ाए बगैर, बगैर कीमतों को बढ़ाए बगैर वो अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते थे। हैंडीक्राफ्ट में लगे हुए लोग कुछ नए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके,
जैसे कि सो बाय द सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी सेकेंड डिकेड तक में हम देखते हैं 20th सेंचुरी का, वी फाइंड वीवर्स, जो बुनकर हैं, वो यूज़ करते हैं लूम्स विथ ए फ्लाइंग शटल, यानी वो लूम्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसमें फ्लाइंग शटल लगा होता है। फ्लाइंग शटल क्या है? इट इज़ ए मैकेनिकल डिवाइस यूज फॉर वीविंग। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि बुनकरी में काम आता है, बुनने में। मूव्ड बाई मीन्स ऑफ रोप्स और पुलिस, यानी रोप्स और पुलिस जो होता है ना, हॉरिजॉन्टल थ्रेड होता है, फिर वर्टिकल थ्रेड भी होता है, तो कपड़ा बुनने के काम आता है। जैसे देखिए यहाँ पर फ्लाइंग शटल्स इन लूम, देखिए आपको दिखाते हैं। अब तो ये सब तो आना तो तय है, जहाँ पे आप पढ़ने की बात करिए वहाँ देखो फ्लाइंग शटल वीविंग, ये देख रहे हैं आड़ा टेढ़ा तिरछा, देख रहे हैं, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल मार रहा है, इधर से वर्टिकल, तो ये फ्लाइंग शटल है और ये हैंडलूम है, आप इसको देख पा रहे होंगे, तो हैंडलूम और फ्लाइंग शटल्स का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, इसकी सहायता से उचलते हैं, ठीक है। फ्लाइंग शटल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको पोजीशन में थ्रेड्स लगे होते हैं, रोप और पुली से जुड़े होते हैं, ठीक है, और इससे आप फटाफट कपड़े बनाते चलते हैं, उसका धागा जोड़ते चलते हैं। चलिए, दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, देखो ये एक नया टेक्नोलॉजी हुआ फ्लाइंग शटल उस समय के दौर के लिए, वीवर्स के लिए। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर स्पीडेड अप प्रोडक्शन एंड रिड्यूस लेबर डिमांड, देखो ये प्रोडक्टिविटी पर वर्कर को बढ़ा दिया फ्लाइंग शटल का इस्तेमाल करने पर, स्पीड अप किया प्रोडक्शन और फास्ट हुआ, और रिड्यूस किया लेबर डिमांड को, है ना, यानी कम किया, लेबर और नहीं चाहिए, फ्लाइंग शटल लगा हुआ है अगर आपके लूम में तो वो फटाफट आपको कपड़ा बनाता जाएगा, ठीक है। बाई 1941 ओवर 35% ऑफ हैंडलूम्स इन इंडिया वेर फिटेड विथ फ्लाइंग शटल। 1941 तक देखिए 35% हैंडलूम जो हाथ से चलाए जाते थे इंडिया में, उसमें फ्लाइंग शटल्स लगे हुए थे। ऐसे रीजन्स जो क्षेत्र थे जैसे त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल, है ना, यहाँ पर प्रपोर्शन जो था 70-80% तक आपके फ्लाइंग शटल लगे हुए लूम्स में आते थे, ठीक है। अच्छा, देयर वेर सेवरल अदर स्मॉल इनोवेशन, और भी कई छोटे छोटे इनोवेशंस हुए जो हेल्प किया वीवर्स को इम्प्रूव करने में अपने प्रोडक्टिविटी को, और साथ में मिल सेक्टर से कम्पीट यानी प्रतियोगिता, एक उसको चुनौती देने में, मिल सेक्टर से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना, उसको चुनौती दे सकते थे, यानी छोटे छोटे और भी स्मॉल इनोवेशन हुए। चलिए आगे देखते हैं, सर्टेन ग्रुप ऑफ वीवर्स वेयर इन ए बेटर पोजिशन, कुछ ऐसे भी ग्रुप थे बुनकरों का जो कि बेटर पोजीशन में थे देन अदर्स टू सर्वाइव द कंपटीशन विथ मिल इंडस्ट्री, यानी कुछ ऐसे भी वीवर्स का ग्रुप था जो कि मिल इंडस्ट्रीज के कंपटीशन से सर्वाइव भी करते और अच्छे पोजीशन में थे। अमंगस्ट वीवर्स सम प्रोड्यूस कोर्सर क्लॉथ, कुछ इन्हीं में से कुछ ऐसे भी बुनकर थे जो कोर्सर क्लॉथ बनाते थे, वाइल अदर्स वो फाइनर वेराइटीज़, यानी मोटे धागे का कपड़ा बनाते थे, और कई ऐसे बुनकर थे जो कि फाइनर वेराइटी के कपड़े बुनकरी करते थे। द कोर्सर क्लॉथ वॉज बॉट बाय द पुअर, जो कोर्सर क्लॉथ होता था उसे कौन खरीदता था, पुअर खरीदता था, और उसके डिमांड में फ्लक्चुएशन आता था वायलेंटली, कभी बहुत डिमांड आ गया और कभी पर सेलिंग हो ही नहीं पा रही है, ऐसा भी होता था, ठीक है। इन टाइम्स ऑफ बैड हार्वेस्ट, यानी जब आपका अच्छा खेती नहीं होता था या सूखा पड़ता था, तब रूरल पीपल के पास बड़ा कमी होता था खाने को, और उनका जो आय भी होता था, कैश इनकम जो होता था आय, वो भी कहीं नदारत हो जाता था, क्योंकि भाई खेती से ही पैसा आता था इनको भी। अच्छा, ये इतना नहीं इनके पास होता था कि ये कपड़े तक खरीद पाए, ठीक है ना, तो डिमांड फॉर फाइन वेराइटीज बॉट बाय द वेल टू डू वॉज मोर स्टेबल। अच्छा, जो डिमांड होता था फाइनर वेराइटीज़ के कपड़े, है ना, वो वेल टू डू यानी जो अच्छा करते थे,
या जिनकी स्थिति में स्थिरता थी, मतलब जो रिच फैमिली हैं, जो सैलरीड हैं, वो फाइनर वेराइटीज़ के कपड़े तो खरीद सकते थे, ठीक है। अच्छा, द रिच कुड बाई दीज इवन, ये रिच तो खरीद सकते थे, वेन द पुअर स्टार, मतलब जब गरीब खाए बगैर भुखमरी से मर रहा है, तो उस समय रिच फाइनर वेराइटीज़ ऑफ क्लॉथ खरीद सकते थे, क्योंकि भाई उनका पैसे उनके पास आ ही रहे हैं, उनको फेमाइंस से कोई मतलब नहीं है, यानी सूखा फेमाइंस इस बात को इफेक्ट ही नहीं कर सकता था, प्रभाव ही नहीं डाल सकता था। बनारसी या बलूचारी साड़ी, बनारसी या बलूचारी साड़ीज जो हैं उनके जो सेल हैं उनकी बिक्री को सूखा कभी भी प्रभावित ही नहीं कर पाता था। कारण है कि शादियों में चढ़ता था, अब भी चढ़ता है, और इसको खरीदने वाले अच्छे परिवारों के यानी अच्छे आय वाले या रिच ही होते थे। अच्छा, मोर ओवर एज यू हैव सीन, जैसा कि आपने देखा, मिल्स कुड नॉट इमिटेट स्पेशलाइज्ड वीव्स। आप जैसा कि देखते हैं कि मिल्स में जो कपड़े बनते हैं ना, वो एकदम से वैसे नहीं बनाए जा सकते थे मिल्स में जैसा कि वीवर्स बनाते थे। वीवर्स जो बनाते थे उसका कपड़े का बुनने का तरीका, उसकी क्वालिटी वो अलग होती थी, और मिल में जो बनता था उसके क्वालिटी और उसके बनाने के तरीके वो अलग होते थे, सेम नहीं होता था। तो साड़ी विथ वुवन बॉर्डर और द फेमस लुंगीज और हैंडकरचीफ ऑफ मद्रास, तो जो साड़ी वुवन बॉर्डर के साथ जो साड़ियाँ हैं या अच्छे खासी लुंगीज हैं या मद्रास के रुमाल हैंडकरचीफ हैं, वो कुड नॉट बी इजली डिस्प्लेस बाय मिल प्रोडक्शन। उनका तो रिप्लेसमेंट होता ही नहीं था कि मिल प्रोडक्शन से अगर मान लीजिए कोई चीज़ निकल करके आ रहा है ना, तो उनका कोई तोड़ ही नहीं था। मेरी बात समझिएगा यहाँ पर, है ना, यानी क्या लिखा है, साड़ी जिसमें वुवन बॉर्डर है या लुंगी है महंगे वाले या हैंकर चीफ है मद्रास का, उन्हें हटाया ही नहीं जा सकता था मिल प्रोडक्शन के किसी क्लॉथ का, है ना, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही फैंटास्टिक होते थे। अच्छा, वीवर और अदर क्राफ्ट पीपल हैं वो उन्होंने कंटिन्यू किया क्या अपना प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने का, वीवर्स यानी बुनकर और क्राफ्ट पीपल जो हैं उन्होंने अपना प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने का कंटिन्यू किया, ठीक है ना, 20th सेंचुरी में, ठीक है ना, जो भी प्रोडक्शन है उसको और हम एक्सपेंड करेंगे। डिड नॉट नेसेसरली प्रॉस्पर, यानी उनका प्रोडक्शन वीवर्स और जो क्राफ्ट पीपल हैं उन्होंने अपने प्रोडक्शन को तो एक्सपेंड किया, लेकिन वो प्रॉस्पर रहें, खुशहाल रहें ऐसा ज़रूरी नहीं है भारत में। दे लिव्ड हार्ड लाइफ्स, बड़ा मुश्किल भरा जीवन कटा उनका और बड़े लंबे लंबे तक काम करते थे। बहुत कभी कभी ऐसा कुछ होता था, कभी कभी, कि इंटायर हाउस होल्ड इंक्लूडिंग ऑल द वुमेन और चिल्ड्रन हैड टू वर्क एट वेरियस स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी ऑफन। अच्छा, ऐसा देखा भी जाता है, ऐसा भी देखा जाता है कि पूरा का पूरा घर लगा हुआ जिसमें पूरी महिलाएँ, जिसमें बच्चे, सारे लोगों को प्रोडक्शन प्रोसेस के वेरियस स्टेज में काम करना पड़ता था, ये भी होता था। मतलब आसान नहीं था वीवर्स या क्राफ्ट पीपल का लाइफ। बट दे वेर नॉट सिंपली रेमनेंट्स ऑफ पास्ट टाइम इन द एज ऑफ फैक्ट्री, और साथ में देयर लाइफ एंड लेबर वॉज इंटीग्रल टू द प्रोसेस ऑफ यानी ऐसा नहीं है कि ये जो वीवर्स हैं या क्राफ्ट पीपल हैं ये मात्र एक पुराने समय के अवशेष की तरह हैं, कि एज ऑफ फैक्ट्रीज हुआ करती थी जिसमें ये बुनकर कभी मतलब होता नहीं कि फैक्ट्रियों के आने से पहले भी ये बुनकर लोग अपना घरों में काम करते थे और प्रोडक्शन करते थे, ये पुराने समय की गुजरे ज़माने की बात है। ये सिर्फ मात्र इतने भर से नहीं है कि वीवर या क्राफ्ट पीपल को बोल दिया जाता था कि फैक्ट्री एज ऑफ फैक्ट्रीज जब होता था पास्ट टाइम में तो उस समय यही लोग हुआ करते थे, नहीं, ठीक है ना। इन्हें देयर लाइफ, इनके जो वीवर या क्राफ्ट पीपल के जो इनके जीवन हैं और इनका जो श्रम है, लेबर है, वो एक इंटीग्रल प्रोसेस था। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन या भारत या कहीं भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उद्योग जो आए ना, उसके लिए ये शुरुआती उनके जीवन एक मतलब जीवन, उनका पूरा जीवन और उनका पूरा जो श्रम है वास इंटीग्रल, वो बहुत अभिन्न हिस्सा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को पूरा होने में।
ठीक है ना। कभी फैक्ट्री लगी रही होगी, फैक्ट्री आने से पहले ये वीवर्स कभी काम करते रहे होंगे, है ना। फिर कई वीवर्स मिल करके या इन्हीं वीवर्स को एस्पिरेशन लेकर के किसी ने मिल डाला, मिल में जो वीवर अलग अलग काम करते थे वही, है ना, वीविंग स्पिनिंग वगैरह जो काम होता था उसको फैक्ट्री में रखा गया, लगाया गया एक ही छत के नीचे। फिर वो फैक्ट्री फिर काम करना शुरू किया, इसे सैकड़ों फैक्ट्री हुई तो इंडस्ट्री बन गई, है ना। तो ये इनके लाइफ और इनका लेबर ये अभिन्न हिस्सा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ने में, ठीक है। पूरा इनका लाइफ इतना आसान नहीं था, देखिए, फिर वेरी ऑफन द इंटायर हाउस, और कभी कभी तो ये भी देखें पूरे महिला बच्चे सब काम कर रहे हैं वेरियस स्टेजेस के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस का वीवर्स के द्वारा। चलिए छठवां टॉपिक, लास्ट टॉपिक है मार्केट फॉर गुड्स, देखते हैं। वी हैव सीन हाउ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो हैं अटेम्प्टेड टू टेक ओवर द इंडियन मार्केट। ऑब्वियस है कि अटेम्प्ट करते हैं कि इंडियन मार्केट को टेक ओवर करें, पैसा कमाएं अपने लिए। और इंडियन वीवर्स या क्राफ्टमैन है या ट्रेडर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये विरोध करता था कॉलोनियल कंट्रोल का, रेजिस्ट करता था, विरोध करता था और डिमांड करता था टैरिफ प्रोडक्शन, ज़बरदस्ती का टैक्सेस मत लगाइए, ज़बरदस्ती का लगान मत वसूलिए, है ना। क्रिएट देयर ओन स्पेसेस, कोशिश करता था कि अपनी भी जगह बनाई जा सके जिससे कि हमारा भी व्यापार हो सके, और ट्राई करते थे ट्राई टू एक्सटेंड द मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस, और कोशिश करते थे कि मार्केट में एक्सटेंड द मार्केट कि भाई अपने भी प्रोड्यूस जो किया जा सके उसके लिए भी एक मार्केट मौजूद हो जिसके डिमांड सप्लाई के आधार पर प्रोडक्शन करा करके, है ना, मार्केट में बेची जा सके। तो ये कोशिश करते थे इंडियन वीवर, क्राफ्टमैन, ट्रेड और इंडस्ट्रियलिस्ट, विरोध करते थे कॉलोनियल कंट्रोल का, डिमांड करते थे टैरिफ प्रोडक्शन, क्रिएट करते थे अपने जगह को कि भाई हमारे भी हितों की रक्षा हो और हम भी हैं यहाँ पर बेचने के लिए, हमारा भी जीवन इससे चलता है, और ट्राई टू एक्सटेंड द मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस, और अपने मार्केट का विस्तार करते थे जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके या जो प्रोड्यूस वो करते थे उसका मार्केट बना रहे इसके लिए भी। बट व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड पीपल हैव टू पर्सुएडेड टू बाय देम, लेकिन जब नए प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता था पीपल को ये पर्सुएट किया जाता था कि खरीदो, है ना, उन पर एक फोर्स किया जाता था कि खरीदो। दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट, दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट, हाउ वाज दिस डन, उन्हें महसूस होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कैसे होता था ये देखिए, यहाँ पे बेचने वाली बात आती है। वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर आर क्रिएटेड इज थ्रू एडवर्टीजमेंट, एक तरीका तो ये था कि नए कंज्यूमर्स को अगर लाना है अपने प्रोडक्ट के तरफ तो अच्छा एडवर्टीजमेंट करें। आज भी देखते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंज्यूमर्स आते हैं। एज यू नो एडवर्टीजमेंट मेक प्रोडक्ट्स अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी, जैसा कि एडवर्टीजमेंट का एस्पिरेशन क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट हो रहा है ना, उसको वो दिखाते हैं लोगों के सामने कि वो डिजायरेबल है, क्योंकि वो नेसेसरी है, ज़रूरत है, डिजायरेबल यानी उसको होना ही होना चाहिए आपके लाइफ में, है ना, आपके इस्तेमाल का होना चाहिए। और ये क्या करते हैं एडवर्टीजमेंट, दे ट्राई टू शेप द माइंड ऑफ पीपल एंड क्रिएट न्यू नीड्स, वो पीपल के माइंड को शेप करते हैं और उसमें एक नए ज़रूरतों की भावना को क्रिएट करते हैं लोगों में एडवर्टीजमेंट। टुडे वी लिव इन द वर्ल्ड वेयर एडवर्टीजमेंट सराउंड अस, आज जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ एडवर्टाइजमेंट हमारे हर तरफ है। अच्छा, ये अपीयर करते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन या बड़े बड़े होर्डिंग्स जो लगे होते हैं रोड पर, स्ट्रीट वॉल्स पर बने होते हैं, टीवी स्क्रीन्स पर आते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में देखें तो हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियल एज के बिगनिंग से ही ये मौजूद रहा है। एडवर्टीजमेंट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है जिससे कि मार्केट जो है, प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है उसे एक्सपैंड किया जा सके और एक कंशेप किया जा सके न्यू कंज्यूमर कल्चर, यानी एक कंज्यूमर कल्चर। कंज्यूमर बोलते हैं ना, जब कंज्यूमर बोलते हैं तो मार्केट और कंज्यूमर, है ना, कस्टमर कंज्यूमर, जो ये सारे शब्द हैं ये मार्केट ओरिएंटेड हैं। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर कल्चर, लोग जाएं मार्केट और कुछ खरीदें, कुछ होता है ना, बेचा जाना, खरीदे जाना, है ना। तो आप देख रहे होंगे
थोड़ा सा पहले आ जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार फिर से, मार्केट ऑफ फॉर गुड्स, इसको फिर से देख लिया जाए। मार्केट फॉर गुड्स में क्या है, जैसे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स क्या करते थे, अटेम्प्ट करते थे कि टेक ओवर करें इंडियन मार्केट को, और इंडियन वीवर और क्राफ्टमैन और ट्रेडर और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, विरोध करते थे कॉलोनियल कंट्रोल्स को, है ना, कि ज़्यादा कंट्रोल ना करें ब्रिटेन वाले। फिर जो टैरिफ प्रोटेक्शन, ज़बरदस्ती का टैक्स या लगान ना वसूला जाए, और क्रिएट करते थे अपनी जगह को इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन या वीवर जो भी कह लीजिए, वो अपनी जगह को कि भाई हम भी हैं, हमारा भी जीवन यापन चलेगा, और ट्राई करते थे कि अपना एक मार्केट को एक्सटेंड करिए ताकि अपने प्रोड्यूसर्स को हम वहाँ बेच सकें, तो वो कोशिश करते थे उनके अगेंस्ट। चलो, बट व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स और प्रोड्यूस्ड पीपल हैव टू बी परसुएडेड टू बाय देम, है ना, कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं और जो है और जो प्रोड्यूस है, पीपल लोगों को ये किया जाता था कि उनको एक फोर्स किया जाता था कि खरीदो, है ना, और उसके लिए वो कैसा महसूस करते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, वो कैसे होता था, इसके लिए तरीका ये था कि कंज्यूमर, न्यू कंज्यूमर आर क्रिएटेड थ्रू एडवर्टीजमेंट, नए नए ग्राहक एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू बनाए जाते थे। जैसा कि जानते हैं एडवर्टीजमेंट क्या करता है, वो किसी भी प्रोडक्ट को अपीयर कराता है कि डिज़ायरेबल, यानी आपके लिए ये बहुत ही होना ही चाहिए आपके लिए ये प्रोडक्ट इस्तेमाल में, और नेसेसरी ज़रूरी दिखाया जाता है, है ना। अच्छा, दे ट्राई टू शेप द माइंड ऑफ द पीपल, ये क्या करते थे कि लोगों के माइंड को शेप का शेपअप करते थे, और नए नीड्स की ज़रूरत है ऐसा उनके दिमाग में बैठाते थे, ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट जहाँ आज के समय में हम लोग देखिए जिस दुनिया में रह रहे हैं, वहाँ एडवर्टीजमेंट दुनिया भर के हमारे चारों तरफ हैं। ये अपीयर होते हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, होर्डिंग में, स्ट्रीट वॉल्स पे, टेलीविजन स्क्रीन्स पर। अच्छा, इनका इतिहास देखिए, हिस्ट्री देखें, तो हम देखेंगे कि वी फाइंड दैट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एज, इंडस्ट्रियल एज के ही शुरुआत से एडवर्टीजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। किस लिए? ताकि जो प्रोडक्ट का मार्केट है उसको एक्सपैंड करने के लिए, है ना, एडवर्टीजमेंट, और दूसरा शेपअप करने के लिए न्यू कंज्यूमर कल्चर, यानी कंज्यूमर निकले और वस्तुएं खरीदे, है ना, तो कंज्यूमर कल्चर के लिए एडवर्टीजमेंट शुरू से ही बहुत ज़रूरी रहा है, है ना। जैसे देखो, उदाहरण के लिए मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे कि जब वो कपड़े बेचते थे इंडिया में, वो क्लोथ के बंडल्स के ऊपर लेबलिंग करते थे। लेबलिंग क्या होता था कि किस जगह पर इसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और कंपनी का नाम क्या है, इससे जो बायर है, खरीदने वाला है, वो फेमिलियर रहे, उसे पता हो। तो लेबल ये भी बताता था कि क्वालिटी कैसा होगा कपड़ों का, है ना। जब बायर देखता था कि मेड इन मैनचेस्टर है, है ना, और रिटन इन बोल्ड ऑन द लेबल, यानी आपका बोल्ड में लिखा हुआ है मेड इन मैनचेस्टर, तब ये बायर को ये हो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो जाता था कि चलो अब कपड़े लिए जा सकते हैं, मैनचेस्टर का बना हुआ कपड़ा है तो उसका एक क्वालिटी होगा ही, है ना। देख रहे हैं, लेबलिंग हो रहा है। अच्छा, जो ये लेबल्स हैं वो सिर्फ कैरी नहीं करते थे वर्ड और टेक्स्ट, ये ऑल्सो कैरी करते थे इमेजेस, और बहुत ही खूबसूरती से जो इलस्ट्रेट किया जाता था प्रोडक्ट के ऊपर। अगर हम लोग देखें पुराने लेबल्स को, तो उसमें हमें आइडिया पता चलता है उस मैन्युफैक्चरर के माइंडसेट के बारे में, हमको आइडिया लगता है उसका सर कैलकुलेशंस क्या होता था, उसके बाद देयर कैलकुलेशंस किस तरह का होता था, ये पता चलता था, जो कि अपील करता था लोगों के कि मेरे प्रोडक्ट को खरीदो। माइंड ऑफ द मैन्युफैक्चरर, देयर कैलकुलेशन एंड द वे दे अपील टू द पीपल, है ना, लेबलिंग से पता चलता था। अच्छा, समय क्या आया कि इमेज गॉडेस, गॉड और गॉडेस का, देवी देवताओं का इमेज का इस्तेमाल किया जाने लगा, रेगुलरली अपीयर होने लगा लेबल्स पर, है ना। अब इसको जो एसोसिएट किया गया था प्रोडक्ट का के ऊपर एडवर्टीजमेंट के तौर पे, जो गॉड के जो इमेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इस तरह से देखा जा रहा है कि डिवाइन अप्रूवल, दैवीय सहमति मिला है
इजाज़त मिला है कि इस वस्तु को तुम बेच सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं जो कृष्ण भगवान या सरस्वती माँ का इमेज को क्या इस्तेमाल होता था कि अगर कोई गुड यानी वस्तु जो फॉरेन लैंड में मैन्युफैक्चर हुआ है उसे इंडियन पीपल से फेमिलियर यदि कराना है तो इंडियन पीपल से जुड़ा हुआ कुछ जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली जुड़ा हुआ हो उस इमेज का इस्तेमाल करें। तो भारतीय लोग उस समय बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे, तो जहाँ भगवान का इमेज होता था जिस भी प्रोडक्ट पर उसे वो अपनापन सा उसमें महसूस करते थे। लेट 19th सेंचुरी की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो होते थे वो प्रिंट करते थे कैलेंडर जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज करें। आज भी देखिए कई प्रोडक्ट अपने कैलेंडर निकालते हैं, प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट करते हैं उसके थ्रू। जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स कैलेंडर वेयर यूज्ड इवन बाय द पीपल हु कुड नॉट रीड, है ना, जिससे कि जो न्यूज़पेपर या मैगजीन जो लोग मतलब नहीं पढ़ सकते हैं, है ना, अनलाइक न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स कैलेंडर वेयर यूज्ड इवन बाय न्यूज़पेपर और मैगजीन अगर छोड़ दिया जाए तो कैलेंडर जो नहीं भी पढ़ पाते हैं वो भी इस्तेमाल करते थे, है ना। दे वेयर हंग इन टी शॉप्स, ये कैलेंडर टी शॉप्स में टंगे होते थे। एंड पुअर पीपल्स होम जस्ट एज मच एज इन ऑफिसेज एंड मिडिल क्लास अपार्टमेंट, ये टी शॉप्स में कैलेंडर टंगे होते थे किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट के लिए जो होता था, गरीब के घर में टंगा होता था, ऑफिसेज में, मिडिल क्लास अपार्टमेंट में टंगा होता था, तो एडवर्टीजमेंट करने के लिए बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता था। अच्छा, दोज हु हंग द कैलेंडर्स हैड टू सी द एडवर्टीजमेंट्स, जो अपने घर में कैलेंडरों को टांगते थे उन एडवर्टीजमेंट को देखना ही पड़ता था हर दिन, दिन के बाद अगले दिन भी, और पूरे साल भर ये देखते थे। अब ये जो कैलेंडर्स होता था फिर से छपते, है ना, वी सी द फिगर ऑफ गॉड्स बीइंग यूज्ड टू सेल न्यू प्रोडक्ट्स, है ना, हम लोग ने देखा कि इन दिस कैलेंडर वंस अगेन, है ना, वी सी द फिगर्स ऑफ गॉड बीइंग यूज्ड टू सेल न्यू प्रोडक्ट, हम लोगों ने कैलेंडर्स में देखा। आज भी देखिएगा भगवान का कैलेंडर होता है, नीचे मंथ वंथ लिखा हुआ है और उसके बगल में जो प्रोडक्ट का ब्रांड है, प्रोडक्ट है उसका नाम लिखा हुआ है। तो इसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि लोग इसका इस्तेमाल कैलेंडर्स का अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए करते थे, है ना। देखिए सनलाइट सोप कैलेंडर ऑफ 1934, देखिए भगवान का इमेज डाल दिया तो कोई फाड़ के फेंक भी नहीं पाएगा, ये सब स्ट्रैटेजी है, ठीक है। चलिए, लाइक द इमेज ऑफ गॉड्स, जैसा कि भगवान का इमेज का इस्तेमाल किया गया, इसके साथ साथ फिगर ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनेजेस, जैसे महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हो उसके भी इमेज का इस्तेमाल किया जाता, जैसे कि एम्परर हैं, नवाब हैं, है ना, उनको भी एडवर्टीजमेंट में जगह दिया जाता, कैलेंडर्स पर उनका भी इमेज छापा जाता, ताकि अगर वहाँ के रूलर हैं तो उनका अगर इमेज है कैलेंडर पर तो उसको भी कोई फाड़ के नहीं फेंकेगा, उसका भी इस्तेमाल घरों में लोग रखते हैं, है ना। द मैसेज वॉज वेरी मैसेज वेरी ऑफन सीम टू से इफ़ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर, और इस तरह का जो काम होता था ना जिस पर नवाब या एम्परर का फोटो छपा होता था जिस भी कैलेंडर पर, उसका मैसेज बड़ा सामान्य सा था कि अगर आप रिस्पेक्ट करते हो अपने शाही परिवार को, रॉयल फिगर को, देन रिस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट, तो आपको इस वस्तु का भी सम्मान करना पड़ेगा। वेन द प्रोडक्ट वॉज बींग यूज बाई किंग्स, जब ये प्रोडक्ट राजाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और प्रोड्यूस्ड अंडर रॉयल कमांड या शाही आदेश के अधीन इसका उत्पादन यानी प्रोडक्शन किया जाता है, इट्स क्वालिटी कुड नॉट बी क्वेश्चन, इसके क्वालिटी यानी इसके जो क्वालिटी है उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। चलो, व्हेन इंडियन मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइज द नेशनलिस्ट मैसेज, जब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी विचारों को अपने को एडवर्टाइज किया, वॉज क्लियर एंड लाउड। When Indian manufacturer advertised, the nationalist message was clear and loud. Indian manufacturer ने advertise किया तो nationalist message जो था वो एकदम साफ साफ और एकदम जोर जोर से था, चीख चीख करके, मतलब loud था, ज़्यादा लोगों तक पहुँचा। If you care for the nation, अगर तुम अपने nation का देखभाल चाहते हो या उसका बेहतरी चाहते हो, then buy product that India produces, तो उन products को खरीदो जो India produce करता है, ना कि बाहरी देश। एडवर्टाइजमेंट बिकेम ए व्हीकल ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी, यानी अब इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट हुए वो एक व्हीकल की तरह काम करना शुरू किया, नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी यानी स्वदेशी मूवमेंट जो
था जिस समय, उस समय स्वदेशी खरीदें ऐसा खूब एडवर्टीजमेंट किया गया, ठीक है ना। कंक्लूजन देखते हैं इस पूरे चैप्टर का। क्लियरली द एज ऑफ इंडस्ट्रीज हैज मेंट मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। साफ साफ तौर पे समझा जाए तो इंडस्ट्रीज का जो एज ऑफ इंडस्ट्रीज रहा है इतने समय तक, इसमें हम लोगों ने एक चीज महत्वपूर्ण ये देखा कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत होते गए, जबरदस्त फैक्ट्रीज हुई, लगाई गई फैक्ट्रीज का ग्रोथ हुआ, एंड द मेकिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स, और नई इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स का समय के साथ साथ देखा गया। यानी पहले ये इंडस्ट्रीज नहीं थे तो लेबर फोर्स यहाँ तो नहीं लगता था, तो एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स हुआ, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लगे, है ना, स्मॉल स्केल यूनिट्स में लगे, फिर उसके बाद फैक्ट्री हुए, फिर इंडस्ट्रियल लेबर, क्योंकि है ना जबरदस्त अब वर्क फोर्स है जो इंडस्ट्रीज में वर्क कर रही हैं। हाउएवर एज यू हैव सीन, जैसे आपने देखा होगा कि हैंड टेक्नोलॉजी और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन जो था, जो घरों में अभी भी हो रहा है, जो हाथ से बनाए जा रहे हैं, हैंड टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन घरों में, अभी भी रिमेंड एज इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी अभी भी वो बहुत अब जरूरी हिस्सा रहा है इंडस्ट्रियल लैंडस्केप के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड वे में, अभी भी स्मॉल स्केल यूनिट्स में हो रहा है और हैंडमेड हो रहा है। एट द सेम टाइम पैरेलली आपको मिल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही हैं, है ना। तो ये चीज़ हम देखते हैं, इंडियन मिल क्लॉथ लेबल, देखिए देवी माँ का यहाँ इमेज है, इस तरह से सोप के इस बार भी है, फिर आपको देखिए कुछ और इमेजेस जो कि एडवर्टीजमेंट के तौर पर, है ना, मैनचेस्टर लेबल, 20th सेंचुरी, महाराजा रणजीत सिंह है, तो इस तरह से भी और लोग हैं, है ना। तो आप देखें कि यहाँ पर हम लोगों का ये देखो ग्राइप वाटर कैलेंडर है जिसमें कृष्ण भगवान का इमेज, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, है ना, कृष्ण भगवान का इमेज भी इस्तेमाल किया जाता था ग्राइप वाटर के लिए बच्चों के लिए। ये हो गए क्वेश्चन आंसर हो गए, यानी ये टॉपिक हो गया है ख़त्म। ध्यान देना लास्ट वाले 20-25 मिनट वाले पार्ट में, लास्ट इस वीडियो के, मैंने वीडियो थोड़ा पॉज किया था पानी पीने के लिए, और हुआ क्या है कि मैंने पॉज किया, उसके बाद मैं भूल गया कि कौन सा पैरा को लास्ट मैंने ख़त्म करा दिया, उसके बाद मैं पढ़ाता चला गया, तो इसीलिए मैंने फिर मुझे कन्फ्यूजन हुआ, तो छठा वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला जो टॉपिक है उसको मैंने फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो मार्केट फॉर गुड्स में, तो जहाँ भी अगर मान लीजिए कुछ पार्ट कॉमन दोबारा से हो गया है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, बहुत बहुत सॉरी है, लेकिन फिर मैंने उसको वापस से इसमें मर्ज अप कर दिया है, तो आपको एक सीक्वेंस में पूरे के पूरे चैप्टर का आपको समराइज कर दिया है, डिटेल लाइन बाय लाइन आपको पूरा हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ध्यान रखिएगा पूरा चैप्टर बराबर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया गया है। आपकी जिम्मेदारी बस इतना है कि जितने बॉक्सेस हैं, जितने इमेजेस हैं, उनके नीचे के डिटेल, उसमें छुपे हुए डिटेल को उसको कंप्लीट करिए। जब भी पढ़िए तो एनसीईआरटी सामने रखिए, और मेरे जो वीडियो है उसको लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़िए और मेरे वीडियो को देखिए। अभी बोर्ड का टाइम भी है, और ऐसे बोर्ड का टाइम नहीं भी होता तो भी आप ये वीडियो आराम से देखते हैं, क्योंकि इतना डिटेल में मेरा चैलेंज है कि कोई नहीं पढ़ाने वाला, समझ लीजिए। एपिसोड वाइज देखिए या जैसे भी, लेकिन इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। जिन भी भाइयों को बहनों को वीडियो की आवश्यकता है उनको प्लीज़ शेयर करा दीजिए, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें ज़रूर से। मैं पिछले 5 घंटा से पढ़ा ही रहा हूँ और लगातार ही पढ़ा रहा हूँ। आप भले एपिसोड वाइज देख लीजिए या एक अगर आप बैठ सकते हैं तो बिल्कुल पूरा बैठ करके देखिए, लेकिन याद रखना एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़ना, एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक नहीं पढ़ना। जो बोलता है गलत बोलता है, मैं एग्जामिनर रहा हूँ सीबीएसई में, मैं जानता हूँ कि वो लोग चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे तो एनसीईआरटी के आधार पर ही लेंगे। भले क्वेश्चंस को लगाने के लिए आप कोई और किताब इस्तेमाल कर लीजिए, साइड बुक इस्तेमाल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का एक एक लाइन को जरूर 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 से पढ़ लीजिएगा। तो ये पूरा टॉपिक आपका एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आज समाप्त तो होता है, इसको बढ़िया से देखिए, आराम से पढ़िए, लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़िए, ठीक है। और फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मेरा नाम नागेश श्रीवास्तव,
आप वैसे ये देख रहे हैं मेरे चैनल पर ऑलरेडी 3 चैप्टर यहाँ पर है, नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया और मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। ये तीनों टॉपिक ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, इसको भी आप देख सकते हैं। साथ में कई तरह के आप देख रहे हैं क्विजेज हैं जो आपके थिंकिंग स्किल और इसको क्विजिंग स्किल्स को बढ़ाएगा, जो आपके आने वाले कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने में बहुत मदद करेगा। ITJEE है, नीट है या किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम है भारत में, उसमें क्योंकि आपके क्विजिंग स्किल्स को बढ़ाता है ना, तो उसे ज़रूर लगाइए। ये यहाँ मौजूद है, मेरे चैनल पर आइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सपोर्ट हमें भी चाहिए होगा, आप सभी लोगों का, ठीक है ना, जिनको भी चाहिए। ये किसी भी तरह के पैसे के लिए नहीं है, बस सबके लिए, सेवा के लिए है। तो इसीलिए देखिए, इंजॉय करिए। मेरा नाम नागेश श्रीवास्तव है, आप लोग देख रहे थे मेरा चैनल। और किसी भी तरह के तनाव में नहीं उतरना, सोशल साइंस बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। और फिर मुलाकात होगी आप सारे लोगों से, है ना, बात होती है। बाय।